मेरा सुधीर जी को निवेदन इनवाइट है कर। सुधीर राज सिंह जी आए, और जो हमारा वी द पीपल का जो कंसेप्ट है जिस पर हम पिछले 4.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। सुधीर राज सिंह जी आ गए, धन्यवाद सर। आज का जो कार्यक्रम है हमारा स्पेशल धम्मा का होता है, धम्म का होता है, और धम्म से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका यहाँ जिक्र होता है, उनकी चर्चा होती है। 1 तारीख और 15 तारीख हमारी फिक्स है। वैसे तो हम 365 दिन और पैदा होने से लेकर मरने तक सारा काम धम्म के अनुसार ही करते हैं, मगर धम्म और धम्मा का जानकारी ना होने की वजह से हमको पता नहीं चल पाता कि हम सारा काम धम्म के अनुसार कर रहे हैं। हम कोई भी काम करें दुनिया में, जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम मरते हैं, वो सब धम्म के अनुसार ही होता है। और जो बुद्ध को अच्छी तरह जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मरने के बाद भी धम्म के अनुसार ही काम होता है। तो यहाँ जो संघ है उसकी बात करेंगे, क्योंकि बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 शब्द ऐसे हैं जो आपको निरंतर भारत में लगातार सुनाई देते रहेंगे। तब तक आप भारत में रहेंगे जब तक, और दुनिया में भी जाएंगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुद्ध और धम्म और संघ भारत की पहचान है। अगर भारत का कोई सिनोनिम है, भारत का कोई अगर पर्यायवाची शब्द है, तो वो बुद्ध है। अगर आप कहीं दुनिया में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और अगर आप अपने भारत के नाम को, देश को भूल जाएं, आपका पासपोर्ट खो जाए और आपको उनकी भाषा ना आती हो, तो आप सिर्फ बुद्ध बोल देना, वो आपको भारत की एम्बेसी में छोड़ आएगा। इतनी गारंटी है। इतना बड़ा नाम है और इतने बड़े जगत गुरु हैं और इतने बड़े विश्व गुरु हैं, और अकेले एकमात्र विश्व गुरु हैं पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं और जो माने जाते हैं। उन्होंने ही जो एक शब्द दिया वो दिया संघ, और संघ शब्द बुद्ध के बाद ही एग्जिस्टेंस में आया है, इससे पहले था नहीं। किताबें आप ढूंढ लेना, छान लेना, आपको संघ नहीं मिलेगा कहीं। संघ बुद्ध की प्रॉपर्टी है, बुद्ध का कॉपीराइट है। सिद्धार्थ गौतम का जब बुद्ध बनने के बाद में पहले जो लोग जुड़े, तब से संघ बनना शुरू हुआ है। उससे पहले संघ नहीं होता था, उससे पहले संघ होता था। दो बातें ध्यान रखना, संघ जिसमें गे लगता है और संघ जिसमें घे लगता है, बहुत बारीक सा अंतर है। संघ जो है, जैसे हम कहते हैं संगत हो गई, या जो हम कहते हैं कि संगति में चला गया, ये संघ से बना है, गे से बना है। और अगर घे लगा देंगे इसमें, संघ कर देंगे, तो इसका मतलब है कि बुद्ध के वो ट्रेंड टीचर, वो ट्रेंड प्रचारक, वो जो लोगों को सिखाते थे, वो जिन्होंने पूरे जीवन का एक व्रत लिया, वारित नियम लिए, वारित नियम से व्रत बना है कि वो पूरी जिंदगी, आजीवन, सिर्फ एक समय के खाना खाने पर, वो भी पढ़ाने के बाद, यानी मेहनत करेंगे तो खाना मिलेगा, खाना खाएंगे, और उस खाने के आधार पे पूरी जिंदगी अपना देंगे लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और लोगों की बुराई छुड़ाने के लिए, और उनको इस जीवन में ये बताने के लिए कि जीवन क्या है। ये सारा काम जो लोग करते थे, और जहां वो रहते थे एक साथ, उस एक साथ रहने के समूह को संघ बोला करते थे। और जब ये संघ बनना शुरू हुआ, तो संघ के दुश्मन भी संघ में बहुत तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि काम बहुत जबरदस्त था, लोगों के कल्याण का था, और जिन लोगों को, लोगों का कल्याण नहीं करता करना चाहते हैं, या लोगों को तोड़ना चाहते हैं, या लोगों को बांटकर तोड़कर फायदा उठाए, या उनमें बुराइयां डालकर फायदा कमाते हैं, वो लोग संघ के दुश्मन हमेशा से बने रहे। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि बुद्ध संघ नायक है, जबकि बुद्ध संघ नायक नहीं है। बुद्ध धम्मिक है, बुद्ध सांघिक है, और बुद्ध बौद्धिक है। तीन बुद्ध हैं, तीनों गुण उनके अंदर हैं, मगर बुद्ध संघ नायक नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि बुद्ध संघ नायक है, तो ये कल्पना बाद में गढ़ी गई है, क्योंकि संघ का नायक संघ ही होता है। दुनिया में ये पहला ऐसा सिस्टम था जो बुद्ध ने बनाया। हालांकि ये वज्जी लोगों से और खुद शाक्य गणराज्य में था, मगर इसको डेवलप किया, इसके नियम बनाए, तो इसका ये नियम था कि संघ का नायक संघ ही रहेगा। लोग उन पर आक्षेप लगाते थे कि बुद्ध संघ के नायक हैं, जबकि बुद्ध कभी संघ के नायक हो ही नहीं सकते, क्योंकि संघ का जो प्रारूप है, संघ की जो संरचना है, उसका संघ ही नायक होता है। जब तक संघ रहेगा, उसका नायक संघ रहेगा। संघ खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो वो प्रचारित क्या करते थे? घोषित करते थे कि कैसे इस संघ को तोड़े और कैसे संघ को खत्म करें।
संघ को तोड़ने के लिए और खत्म करने के लिए बहुत सारी बातें बनाई गई और बहुत सारी बातें की जाती हैं। जैसे ये आरोप लगाया जाता है कि बुद्ध उसके नायक रहे हैं, तो ये बात कहीं किसी भी साहित्य में नहीं मिलती कि बुद्ध उसके नायक रहे हैं। बुद्ध उसके एक ऐसे ही टीचर रहे हैं कि जो जिन्होंने शुरुआत की और धम्म बनना शुरू हुआ, संघ बनना शुरू हुआ, और उनके बुद्धत्व से चीजें लोगों को फायदे में आने लगी। लगभग 500 साल बाद बुद्ध को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई। तो बुद्ध को खत्म करने के लिए या किसी संत को खत्म करने के लिए तीन बातें हमेशा की जाती हैं, और वो अभी भी की जाती हैं और अभी भी की जा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, चाहे आने वाले कोई भी लोग हैं या जो पहले लोग हैं उनको। क्या किया जाता है? एक तो उनका रूप बिगाड़ा जाता है, उनके साहित्य का रूप बिगाड़ा जाता है और उनको व्यक्ति में बदला जाता है। बुद्ध के बारे में कोई नहीं जानता कि बुद्ध की शकल कैसी थी, बुद्ध का रूप कैसा था, बुद्ध का रंग कैसा था, बुद्ध के कान कैसे थे, तो उनके फोटो में बाल भी बना दिए। जबकि साहित्य ये कहता है कि मुछ मुंडा है, गल मुछ मुंडा है, और जितना मुंडा शब्द है, यानी जो मूड़ा है, मुंडी है, मुंडा है, मुंडे हैं, इसका मतलब है जिनके बाल नहीं है, और वो बाल इसलिए नहीं रखते थे, खाली जो उनका सर है इसी पे बाल नहीं होते थे, बाकी वो शरीर के सारे बाल भी नोच लेते थे, नोच नोच कर हटाते थे, ताकि जब वो ध्यान करें तो उनके शरीर का कोई बाल हिले ना, क्योंकि अगर शरीर का बाल हिलेगा ध्यान करते समय तो ध्यान टूट जाएगा। और बुद्ध या अर्हत भिक्खु जितने होते थे वो बहुत गहन ध्यान करते थे, इतना गहन ध्यान करते थे कि अगर शरीर का एक बाल भी हिल गया तो उनका ध्यान टूट जाता था। इसलिए ये जरूरी था कि उस साधना में, उस विपस्ना में उनको सारे बाल हटाने पड़े, क्योंकि वो 24 घंटे ही साधना में, विपस्ना में और तपस्या में और मेडिटेशन में रहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने बाल को खत्म करते थे, यहां तक कि अपनी आईब्रो भी हटा लेते थे, पलकें भी हटा लेते थे, क्योंकि बाल कोई भी होगा तो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए उनको मुंडा कहा जाता था, मुंडे लोग कहा जाता था। तो ये सारे मुंडे लोग जितने भी थे ये बुद्ध थे। तो अगर बुद्ध मुंडे थे, क्योंकि बुद्ध संघ से अलग नहीं है और बुद्ध का कोई अलग नियम नहीं है, बुद्ध के वही नियम है जो संघ के नियम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध अपने भिक्खुओं के लिए तो नियम ये रखें कि वो बाल नहीं रखेंगे और अपने लिए ये नियम रखें कि बाल रखेंगे? फिर तो संघ खत्म हो जाएगा, फिर तो समानता का नियम नहीं हो जाएगा, फिर तो बुद्ध बुद्ध नहीं रहेंगे। इसलिए जो कहानियां हैं वो कहती हैं कि वो मुंडा थे और वो मुंडे थे, और मुंडों के बारे में कई बार कहानी आती हैं, तो फोटो बाद में बिगाड़े गए, उनके माथा ऊंचा दिखाया गया। माथा किसी का ऊंचा नीचा हो सकता है, ये बात मानी जा सकती है, मगर बुद्ध भी बाल कटाया करते थे। ऐसा एक मैंने मूर्ति देखी है जिसके अंदर उनके बाल नहीं है और वो पूरी तरह से गायब है, बाकी की सारी की सारी उनका सर ऊंचा करके, शायद उनको नायक बनाने की कोशिश करके, अलग से दिखाने के लिए कि ये नायक है, अलग से दिखाने के लिए कलाकारों ने अपने भाव में आके, अपनी एक तरह से कहें भक्ति में आके, 500 साल बाद भक्ति डेवलप हो जाती है किसी महापुरुष के साथ में, तब ये फोटो उन्होंने बनाए होंगे। उसके बाद में उनके कान बहुत ज्यादा लंबे दिखाए गए, जबकि किसी साधारण मनुष्य के, क्योंकि कान थोड़े बहुत लंबे हो सकते हैं, मगर इतने लंबे लंबे कान कर दिए कि कई बार तो बड़े अजीब से लगते हैं कि वो कान कैसे किए हैं। 84 उनके चिन्ह दिखाए गए जो कि थोड़े से अतिशयोक्ति में आते हैं, और बुद्ध ने कभी अपने चिन्हों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि कोई बुद्ध अपने बारे में कभी नहीं कहता, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं कहता। बुद्ध सब कुछ छोड़ चुका होता है, जो छोड़ता है वही बुद्ध बनता है, और बुद्ध जब बुद्ध बन गए तो वो अपनी गुणगान या अपनी मान या प्रशंसा क्या करेंगे, और अगर प्रशंसा करेंगे या अपने व्यक्तिवाद में जाएंगे या अपने बारे में बताएंगे तो फिर बुद्ध नहीं रहेंगे। तो ये बात के साहित्य में जो घालमेल होती हैं, जो चीजें होती हैं, हम उनको आंख बंद करके मान लेते हैं भक्ति और भाव में, और ये बिना सोचे, क्योंकि बिहार के जो लोग रहे हैं आज के समय के, उस समय के मगध के लोग रहे हैं, मगध में आज भी दरमियाने किस्म के लोग रहते हैं, यानी कि कम हाइट के लोग रहते हैं, और वहां तापमान ज्यादा होता है तो काले रहते हैं और वहां गर्मी रहती है, इसलिए गोरी नस्ल होने का या गोरे लोग होने का वहां कोई चांस नहीं है, और उनकी नाक भी मोटी होती है जैसी भारत के लोगों की होती है। मगर जब किसी को खत्म करना होता है, किसी संत को खत्म करना होता है, क्योंकि देखा तो किसी ने है नहीं, तो सारी कल्पना है, तो उसको कल्पना में, भक्ति में बहुत सुंदर बनाया जाता है, और इतना सुंदर बनाया जाता है कि बाकी सब उससे निम्न लगे, बाकी सब उससे छोटे लगे, और भक्ति आगे बढ़े, भक्ति भावना आगे बढ़े, और उसका सिद्धांत और उसकी जानकारी पीछे चली जाए। फिर लोग ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते हैं, ऐसे ऐसे गाने गढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें गढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे फोटो बनाते हैं कि व्यक्ति फोटो में, उसके गानों में, उसकी भावना में बह जाता है और संत की बात खत्म हो जाती है। इसलिए विपसना चली गई भारत से, इसलिए धम्म चला गया भारत से, इसलिए लोग भूल गए कि बुद्ध ने बेसिकली किया क्या था और क्या उन्होंने सिखाया था,
ये जानकारी भारत से पूरी तरह से चली गई और हमको भी नहीं मिलती अगर ये विपस्ना के थ्रू नहीं मिलती। इसलिए जब यहाँ कोई ये कहता है कि विपस्ना जरूर करें तो एक बार चले जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि बुद्ध ने क्या किया है, शायद जीवन में समझ आ जाए और जीवन वहां से आरंभ हो जाए। और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बुद्धिस्ट होना चाहता है या अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है उसको तो जरूरी जाना चाहिए। और दूसरी तरफ से जो खत्म करते हैं वो खत्म करते हैं उस व्यक्ति का, उस संत का सारा नामो निशान मिटाकर, यानी उसकी पहचान खत्म कर देंगे, उसकी चीजें खत्म कर देंगे या उन चीजों को बदल देंगे, उनमें मिक्स कर देंगे, अपनी बात मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में उसको कहेंगे कि ये चीज ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी। तो बुद्ध को सब तरफ से खत्म किया गया, मिक्स किया गया उनके साहित्य में, उनके रूपरेखा बदल दी गई, उनकी बातें तो कोई बताता नहीं है और जो बताता है वो बातें बदल के चमत्कारी कर दी गई, ऐसी कर दी गई कि जो गले उतरती नहीं है, उनको समझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, आप समझा नहीं सकते क्योंकि वो बदली हुई बातें बहुत ज्यादा कठोर और कठिन होती हैं। और सबसे ज्यादा जब किसी संत को खत्म करने में कामयाबी नहीं मिलती तो उसको कहते हैं अपने में मिक्स कर लेना चाहिए, अपने में मिला लेना चाहिए। तो बुद्ध को मिक्स करने के लिए यानी संघ को मिक्स करने के लिए बहुत सारी बातें हुई और उन बातों में बड़ी प्रमुख बातें हैं, वो सारी की सारी इसलिए बातें हैं क्योंकि समण से वमण बना दिया, यानी कि जो एक व्यक्ति बुद्ध जो समण है और जिसका पूरा संघ समण है उसको ये कह दिया कि वो वमण है और वमण को भी बाद में ब्राह्मण में बदला और कह दिया, उनसे कहलवा भी दिया और बुद्ध का बग भी डाल दिया, ऐसा उनके साथ किया। उनको खेती से क्षेत्री में बदल दिया, उनके पिता खेतिये थे, किसान थे, खेती करते थे, वो खुद खेती करते थे, उनको क्षेत्रीय बदल दिया, उनको क्षेत्रीय कह दिया, उनको क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया, उनके हाथ में ऐसा कर दिया जैसे धनुष बाण तीर उनके हाथ में है, वो लगातार युद्ध कर रहे हैं, जबकि उस समय ऐसे युद्ध नहीं थे, उस समय सेनाएं भी नहीं थी, क्योंकि सेनाएं तो जो सैन्य बिंबिसार है सेना वहां से आरंभ हुई है, उससे पहले सेना भी भारत में थी नहीं। तो उनको क्षत्रिय कह दिया बाद में, और छत्र को भी छत्र वाला कह दिया, यानी खेतिये से क्षेत्रफल वाला बनाया और क्षेत्रफल से क्षेत्रीय बना दिया। फिर उसके उनके बाद में उनको साधारण मनुष्य से गॉड की उपाधि देने लगे और उनको गॉड बना दिया, साधारण मनुष्य, मतलब उनको खत्म करने का इतने तरीके बनाए कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो साधारण मनुष्य हूं और उनको गॉड की उपाधि देने में लगे पड़े, और यहां तक कि उनको अवतार भी घोषित कर दिया। हालांकि अवतार का मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, अवतार का मतलब है निम्न करना, छोटा करना, उनको अवतार भी बना दिया गॉड का। ये उनको खत्म करने का प्रोसेस बहुत तेजी से किया और उनके साधारण से और सहज से ज्ञान को, छोटे से ज्ञान को चमत्कारी ज्ञान में बदल दिया और ऐसे ऐसे चमत्कार उनके ज्ञान के साथ जोड़ दिए कि अब बुद्ध को बुद्ध की बातों से समझना ही बड़ा मुश्किल हो गया। जो लोग विपस्ना करते हैं वो तो समझ जाते हैं कि बुद्ध क्या है, मगर जो विपस्ना ही करनी करते और कहानियां सुनते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है भारत के अंदर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बाबा साहब ने साइंटिफिक बुद्ध बताए हैं और किताबों में चमत्कारिक बुद्ध होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि बाबा साहब की बात माने या चमत्कारिक बुद्ध की, उन किताबों को माने जो किताबें बाबा साहब ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी नहीं है जो जानकार है और जो उन्होंने लिखी है जो हम लोगों को बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। और यहां तक कि जो उनकी गौतमचर्या थी, गौतम जहां भी शब्द गो लगता है इसका मतलब गौतम से आता है, गौतमचर्या का मतलब है कि गौतम पूरे दिन जो चर्या करते हैं, पूरे दिन जो काम करते हैं उसको गौतमचर्या बोलते हैं। चार तरह की चर्या होती है, उस गौतमचर्या को गाय की चर्या बोल दिया, यानी कि गौचर बोल दिया कि गाय चल रही है जबकि गौतम चलता है। तो गौ जहां शब्द आता है वहां गौतम से गाय, जबकि गाय को पाली के अंदर धैनु बोलते हैं, गौ नहीं बोलते, गाय नहीं बोलते, क्योंकि गाय यहाँ का है भी नहीं, गाय सफेद रंग का जानवर है, वो ऊपर का पहाड़ों का जानवर है, यहाँ का है नहीं। मगर गौतमचर्या को उन्होंने पूरी पूरी तरह से गौचर कर दिया और उनके पद दिखा को पदिक्षण कर दिया, यानी पद दिखा वो था कि जो उनका रास्ता है उसको देखना है। पद दिखा का मतलब होता है पदों के देखना, यानी कि उनके जो पद हैं, जो उन्होंने बोले हैं उन पदों को देखना, और पद को बदल दिया पैर से और पैर से कह दिया कि पैरों को देखो तो लोग पैर भी पूजने लगे। ये बातें संघ को खत्म करने के लिए और बुद्ध को खत्म करने के लिए संघ में ही मिक्स की गई हैं। इसलिए जहां भी लोग संघ बनाए उनको कुछ बातें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संघ की जो संघ को खत्म करने के काम तब किए गए थे वो संघ को खत्म करने के काम हमेशा किए जाएंगे जब भी आप संघ बनाओगे। क्योंकि आप संघ बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो लोग आएंगे कुछ यहाँ धन इकट्ठा करने आएंगे, क्योंकि संघ में कुछ लोग आते थे तो वो खाना खाने के लिए आते थे, उनको खाने में उनको लगता था कि यहाँ खाना आसानी से मिल जाएगा, इसलिए वो धम्म सीखने नहीं आते थे, वो खाना खाने के लिए आते थे। यहाँ जितने लोग आएंगे वो जनबल चाहेंगे, यानी उनको ये लगेगा कि संघ में बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं
तो इसको यहां से कुछ लोग ले जाएं, कुछ फोन नंबर ले जाएं, कुछ यहां से हम कॉन्टेक्ट ले जाएं, उनसे हम बात करें, उनसे हम फायदा करें, यहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर आता है तो उनसे हम फायदा उठाएं। ऐसे लोग उस समय भी आए थे जब एक व्यक्ति खुद बुद्ध का सगा भाई संघ के जनबल को 500 भिक्कों को तोड़कर ले गया अपने साथ। तो जनबल से सावधान है क्योंकि यहां लोगों को फुसलाया जाएगा, भलाया जाएगा। आप संघ बना रहे हो तो संघ में ये प्रक्रियाएं उस समय भी चली थी, अब भी चली थी, इनकी सावधानी उस समय भी बताई थी, आपको भी उसकी सावधानी मैं बता रहा हूं कि जब यहां से लोग आए तो वो आपको बगलाएंगे, वो यहां से लोगों को लेकर जाएंगे, कोई इंश्योरेंस करेगा, कोई बीमा करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई फायदा उठाएगा। पूछें उससे, जानकारी लें, खाली वी द पीपल संघ के नाम से पिघल ना जाएं, ये ना सोचें कि भाई संघ में सब लोग एक से होते हैं, तो जानकारी लें, मदद कर सकते हैं आप उनकी। यहाँ जो लोग आएंगे वो प्रसिद्धि के लिए आएंगे, क्योंकि भिक्खु के संघ में, बुद्ध के संघ में लोग इसलिए प्रसिद्धि पाने आते थे कि भंतों को बड़ा सम्मान मिलता था, मान मिलता था, प्रसिद्धि मिलती थी, उनको लोग नमस्कार करते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो यहाँ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि वो यहाँ प्रसिद्धि पाने के लिए आएंगे। जो उस समय के जो लोग थे वो मान सम्मान के लिए उसमें शामिल हो गए कि हमें कहीं इज्जत नहीं मिलती, तो उन्होंने चीवर पहन लिए, कपड़े पहन लिए कि हमको यहाँ कुछ मान सम्मान मिलेगा। लोग भिक्खुओं को झुककर नमस्कार करते थे, यहाँ के उनके कपड़ों को भी नमस्कार करते थे। वो अभी भी भिक्खु संघ के अंदर होगा, उससे सावधान रहना चाहिए। और लोग यहाँ नेतृत्व के लिए आएंगे कि उनको नेतृत्व मिल जाए, नेतृत्व करने के लिए वो पूरी तरह से ड्रामेबाजी करेंगे, सारे काम करेंगे ताकि नेतृत्व उन्हें मिल जाए। ऐसा उस समय भी हुआ था कि लोगों ने काम नहीं किया और नेतृत्व के लिए लड़ाई झगड़े किए, उनको नेतृत्व चाहिए बिना काम करे। और कुछ लोग यहाँ अपनी अनैतिक इच्छा पूरी करने के लिए आएंगे, उनके खुद के एजेंडे होंगे, वो एजेंडे लागू कराने की यहाँ कोशिश करेंगे, और एजेंडे लागू नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ आके वो पूरी पूरी गंदगी यहाँ संघ में डालेंगे और संघ में उल्टी सीधी हरकत करके चले जाएंगे। इन लोगों की, इन ऐसे लोगों की बुद्ध ने साफ साफ पहचान बताई है। वो लोग क्या करते हैं, वो धम्म का कोई काम नहीं करते, वो संघ का कोई काम नहीं करते, वो बुद्ध का कोई काम नहीं करते। उनका उद्देश्य होता है यहाँ आके अपनी बात को मनवाना। वो बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा झगड़ा करेंगे और संघ के नियम का फायदा उठाएंगे। संघ का नियम है सबको समानता है, संघ को नियम है कि सब बोल सकते हैं, संघ का नियम है कि सब की अपनी बात रखी जा सकती है, संघ का नियम है कि सारे नियम सबके बराबर हैं, और संघ का नियम है कि सबको बराबर का अधिकार है। तो वैसे लोग, उनकी पहचान रखना, जो संघ के अधिकारों का तो इस्तेमाल करेगा मगर संघ की जिम्मेदारियों से भागेगा, वो संघ में काम नहीं करेगा, वो आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाएगा, मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार चाहिए, देखो संघ में ऐसा होता है, देखो संघ में वैसा होता है, अरे ये काय का संघ है जब इसमें समानता नहीं है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं। काम कुछ नहीं करेगा, जिम्मेदारी कुछ नहीं लेगा। और संघ का अगर आपने कोई काम उसको दे दिया तो तीसरे दिन दिखाई नहीं देगा, और जब उसकी बात नहीं बनेगी तो यहां से जाएगा, तो ये कह के नहीं जाएगा कि मैं यहाँ अपने काम के लिए आया था, मेरा अपना एजेंडा था, मैं अनैतिक तरीके से आया था, मैं यहाँ प्रसिद्धि के लिए आया था, मैं यहाँ मान सम्मान के लिए आया था, मैं यहाँ से फोन नंबर ले जाने के लिए आया था, मैं यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए आया था। वो कहेगा, अरे यहाँ तो एक ही आदमी बहुत बोलता है, यहाँ तो चार आदमी बहुत बोलते हैं, यहाँ तो आठ ही आदमी बहुत हैं, यहाँ तो हमारी बात सुनी नहीं जाती है, ये तो व्यक्तिगत हो गया, ये तो ऐसा हो गया, यहाँ तो सारा का सारा सिस्टम बड़ा खराब है, यहाँ तो कोई आदमी की इज्जत नहीं है। संघ में संघ की इज्जत से बड़ी किसी की इज्जत नहीं होती। ऐसी ऐसी बातें कर वो संघ को तोड़ने और भ्रम करके और निकल जाएंगे। उनका ध्यान रखिए कि कौन तेजी से आया और कौन तेजी से निकल गया, क्योंकि ठहरेगा वही जो संघ में काम करेगा, और जो काम करेगा वो समझ जाता है कि बोलने में काम नहीं है, काम करने में काम है। संघ में, बुद्ध के संघ में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, और बहुत लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, मगर संघ टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो स्थिर लोग थे और जो स्थिर हो गए और जिनको ये समझ में आ गया कि मुक्ति का मार्ग संघ है, जिनको ये समझ में आ गया कि बाकी सब बेकार की बातें हैं, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बचेंगे, अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, वो लोग टस से मस नहीं हुए। उन लोगों की वजह से आज हम जिंदा हैं, उन लोगों की वजह से आज भारत के अंदर बुद्ध का नाम है, उन लोगों की वजह से आज भारत बचा हुआ है, और उन लोगों की वजह से ही भारत बसता चला रहा है, और उन लोगों की वजह से ही भारत बचेगा। इसलिए जुड़ना और जोड़ना और संघ में रुकना और ठहरना और संघ को जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए अगर आप बुद्ध की शरण में जा सकते हैं खाली विपस्ना करने के लिए तो कर लीजिए, क्योंकि आज धम्म का दिन है, धम्म में विपस्ना बहुत जरूरी है, ठहरा बहुत आता है, उससे जानकारी बहुत होती है। व्यक्ति यहाँ डॉक्टर यूवी सिंह जैसा भी हो सकता है कि अगर जो काम दे दिया तो काम कर लिया, नहीं तो चुपचाप पूरे दिन सुनते रहते हैं, जीरो आपने बोलते हैं, वो जानते हैं क्योंकि वो विपस्ना करके आए हुए हैं, वो जानते हैं कि संघ की ताकत क्या है,
इसलिए वो 70 साल की उम्र में भी यहाँ लगे हुए, उन्हें पता है कि अगर संघ होगा तो संघे शक्ति होगी, संघ में शक्ति होगी, संघ बिखर जाएगा तो शक्ति नहीं होगी। यहाँ वो जो लोग जो थोड़ा टसमस होके आ रहे हैं वो अपने आप को नापें और तोलें और देखें और जानें कि क्या संघ के बिना कहीं मुक्ति है, क्या बिना इकट्ठे हुए कोई काम हो सकता है, क्या अभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, क्या जो हमारे महापुरुषों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कम है। सबने तो कहा है कि इकट्ठे होना है, अलग अलग तरीके से कहा है, किसी ने कहा है कि ऑर्गेनाइज होना है, किसी ने कहा है कि संघ में जाना है, किसी ने कहा है कि संगत करनी है, सबने एक ही वाक्य बोला है। तो उसके कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, खाली उसके अधिकार ही नहीं होते। यहाँ संघ में जो आदमी आता है उसे पहले दिन में सारे अधिकार मिल जाते हैं, तो पहले दिन में सारी जिम्मेदारी भी तो मिलती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो लोग पहले से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि संघ में उनकी उम्र ज्यादा बड़ी होती है। अगर कोई करमवीर सिंह, अगर कोई राकेश कुमार, या अगर कोई यहाँ भागचंद पिंगोलिया 10 दिन से या 20 दिन से या 3 दिन से या 3 महीने से या 6 महीने से लगे हुए हैं, तो उनकी उम्र 6 महीने है। और कोई व्यक्ति अगर आज ही यहाँ आएगा तो वो उनसे 6 महीने छोटा है। उम्र का यहाँ लेन देन नहीं होता, यहाँ काम का लेन देन होता है, ये संघ का नियम है। तो उनको ज्यादा, जो लोग काम कर ज्यादा समय से ठहरे हुए हैं उनको इज्जत देनी ही पड़ेगी, ये संघ का नियम होता है। और उनको ठहरने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। पहले दिन से ही अगर आप यहाँ सारे अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो पहले दिन से ही आपको सारी जिम्मेदारियों का भी अधिकार है। खाली बोलने और खाली भाषण देने के लिए संघ नहीं होता, संघ में भाषण नहीं चलता, संघ में तो सिर्फ काम चलता है। बोलने के लिए अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, मगर संघ को सीखने के बाद बोलेंगे तो बेहतर होगा। उससे आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा, और आपके बच्चे बच भी जाएंगे। क्योंकि जिद्द है जिंदा रहने की, अब जिद्द है जुड़ने की, अगर जुड़ेंगे तो जिद्दा रहेंगे। गले में तलवार सारी हम बार बार बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है, हमको जुड़ना है। जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं जुड़े तो बच नहीं सकते। इस बार बुद्ध नहीं आने वाले जो आपको संघ के नियम बताएंगे, संघ बताएंगे। इस बार अंबेडकर नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे कि संगठित हो जाओ। इस बार महापुरुष नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे कि संगत करो। इस बार तो आप ही महापुरुष हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही अंबेडकर हैं। समझ में आती है बात तो तुरंत जुड़ जाना चाहिए, और अगर समझ में बात नहीं आती है तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मौत उसी को नहीं कहती कि जब आपके गले पे कोई तलवार काटेगा, मौत उसको भी कहते हैं जब आपके सारे अधिकार चले जाएंगे, जब आप बोल नहीं सकते, जब आप वोट नहीं डाल सकते, जब आप कुछ बन नहीं सकते, जब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको वो काम नहीं मिलेगा जो काम आपने सीखा है, आपको वो काम दिया जाएगा जो काम आपको पनिशमेंट में आपके सारे महापुरुषों को दिया गया, जो आपके सारे पूर्वजों को दिया गया। जिसको जूता गांठना है वो जूता गांठेगा, जिसे टट्टियां उठानी है वो टट्टियां उठवाएगा। क्योंकि यही काम होते हैं उन लोगों के जो इकट्ठे नहीं होते। जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो बड़े बड़े अफसरों में बैठते हैं, वो बड़े बड़े ऊपर नियम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने आपको इकट्ठा किया तो आपको वो अधिकार आ गए। आप में इकट्ठे होने की अकल होगी तो आपके बच्चे वो काम करेंगे, और आप में अगर इकट्ठे होने की अकल नहीं होगी तो बच्चों को कह के जाना कि बच्चों हमने तो बाबा साहब के इकट्ठे हुए का फायदा उठाया, हम इतने निकम्मे नारा थे कि हमको ये समझ में नहीं आई कि इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए हम इकट्ठे नहीं हुए। अब तुम वही काम करना जो तुम्हारे दादा और परदादा करते थे, अब हमें माफी कर दो, हमारे बस की था नहीं, हम तो बड़े निकम्मे थे। कुछ लोगों ने हमसे कहा जरूर मगर हम समझे नहीं, हम तो अपने ईगो रहम में टकराते रहे, हम तो अपनी झूठी इज्जत ढूंढते रहे। संघ की इज्जत से ज्यादा हमने अपनी बड़ी इज्जत मानी, संघ से बड़ा हमने अपने आप को खुद माना, अपने अहंकार को हम संघ से बड़ा ले आए, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा बोल के जाना, ऐसा वचन में लिख के जाना, और अगर जुड़ गए संघ से तो बच्चों को शान से कहना कि तुम्हारे जो बाप दादा थे संसद में, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, और हम तुमको बता के जा रहे हैं कि तुम दुनिया के संविधान बनाओगे, ऐसी उनको शिक्षा दे के जाना, तब ये संभव होगा। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। पहले भी जुड़े हैं तब जीते हैं, अब भी जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ जी। संघ के साथ हमने भी इकट्ठे करे थे जी लोग, सब गांव में मैंने सबको इकट्ठा कर दिया था, औरतों को भी और बंदों को भी, अपने अधिकार मांगने का हक है जी हमको सबको जी, हर चीज का अधिकार मांगने का हक है जी। हमारे गांव है जी, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हमारा पटियाला है जी जी। करमवीर जी एक मिनट साहब है जी,
आप लोग बोलो क्या हुआ, नाम क्या आपका? मेरा नाम अंजना है जी, अंजना मलिक। तुम बच्चों से पूरा नाम डाला करो ना, आप आर्यन क्या आर्यन के नाम से आते हो ना? हाँ जी आर्यन के नाम से है जी। अच्छा बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैंने इकट्ठा करने में मेरे ना 2 साल लगे, 3 साल लगे, शादी हुई को मेरे 15 साल हो गए जी। तो मैंने हम अपनी एससी कैटेगरी को इकट्ठा करा था जी, हमारी वहाँ बिरादरी है, जैसे वाल्मीकि है, सिख मजहबी है और बाजीगर है जी। तो जट सरदार है जो बड़े है, पैसे वाले है जी, वो ही अधिकार, हर चीज पर अपने अधिकार उन्होंने जमा रखा है जी। एक तो क्या कहते हैं उसका, पंचायती जमीन पे उनका अधिकार है जी, उन्होंने जमीने दाब रखी। चलो हमने कोई प्रोजेक्शन नहीं था, कोई बात नहीं जी। जो थोड़ी मोटी किसी लेडीज को जरूरत है किसी चीज की भी, किसी का तो घर मकान भी आया जी, गली भी पास हुई है जी, उनको अधिकार नहीं देते जी। घर मकान भी जैसे गिर गए बारिश में काफी जनों के, तो मैंने इकट्ठा करके मैंने वहां से उनको दरखास्त लगवाई, पात्रा लेके गई उनको सबको मैं, और मैंने कहा भी चल चंडीगढ़ भी चलेंगे दिखा देंगे। चलो जी वो हमारे गांव में सारे सरदारों ने इकट्ठे मीटिंग करी जी। अब परसों की बात है जी, बुधवार की बात है जी। तो उन्होंने कह रहे भी किस गांव में किसी को बुलाते क्यों आप, भी आपने मीडिया में क्यों दिखाया, वीडियो क्यों बनवाई आपने, भी अपने अधिकार लेने के लिए बनवाई हमने, तो हमने मीडिया बुलाया है, पत्रकार बुलाया हमने। डरो मत आप तो बिल्कुल भी। उन्होंने उन्होंने पंचायत करी जी, पूरे सरदार पूरे गांव ने पूरे पूरे इकट्ठे हो गए, आगे कुछ लोग बड़े बड़े लोग है जी, उन्होंने इकट्ठे हो गए हमारी बिरादरी को इतना लज्जित कराया बहुत ज्यादा जी। बाल्मीकों को, सिख मजहबियों को, बाजीगरों को, बाजीगर तो बस ठीक है जैसे भी उनके साथ आगे जी, उन्होंने इतना वो करा जी, लेडीजों को कुछ लेडीजों को बुला के उनकी बेइज्जती करवाई जी। बेइज्जती मैडम संघर्ष की नहीं होती कभी भी, होती तो नहीं जी। देखो उन्होंने माफी मंगवाई है जी मैडम जी, इकट्ठे को आपने एक बड़ी बात कही, एक इकट्ठे होंगे तो जीतेंगे ठीक है, इकट्ठे होंगे तो जीतेंगे। देखो बहन जी बड़े बड़े बंदों से भी माफी मंगवाई है, उन्होंने कहा भी माफी मांग अभी, जो तूने हमारे खिलाफ बोला भी है कुछ भी बोला हो, जो भी बोलने तो गए, जो इतने 50 साल से उन्होंने अधिकार जमा रखा गांव में, तो उन मांगने की अब चलो उन्होंने पता लग गया, अब मीडिया भी आ गई, अब बच्चे जो से जो बच्चे थे पढ़े लिखे भी हो गए, संविधान का पता लग गया, किसी किसी को पता भी है, जो हम संविधान के बारे में बताते भी हैं, भी अपना अधिकार क्या लिखा है इसके अंदर, उसके लिए भी किसी को टॉर्चर करते हैं, तू ज्यादा मैडम है या तू कुछ या लग रही है ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। 142 आदमी बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठे हैं, और ये आप देखो कि हमारी बहन अपनी असलियत बातें बता रही है, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो ये तो प्रत्यक्ष है, 2 दिन की पहले की बात है, इसलिए इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे इकट्ठे यानी लोगों को कैसे रो रही है वो। बिंदा पीपल मैडम आपके साथ है, इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है जी, आप अपने एक वीडियो बनाए और हम आपके साथ हैं, पूरा विदा पीपल आपके साथ है, समझ गया आपकी बात, जी जी जी। रणवीर जी सर पंजाब से बहुत सारे साथी जुड़ते हैं अपने, उनसे संपर्क कराए इनका, हाँ उनसे भी कराएंगे, और कोई बात नहीं, अब तो मुख्यमंत्री अपना है, और एक वीडियो बनाए बहन जी, एक अपनी इस बात की एक वीडियो बनाए और दे, आपके मुख्यमंत्री तक भेजेंगे वो सुनवाएंगी। मैंने एक ही दरख्वास्त की थी उन लोगों से, मैंने सरकार से पंजाब सरकार से भी, हमारे गांव के स्कूल है ना जो हमारे बच्चों को बारे बच्चे 12वीं तक पढ़ नहीं सकते जी, हमारे बच्चे है ना आगे जाते हैं, लड़कियां इतनी परेशान होती है, आपने पता होगा अभी स्कूलों के बाहर क्या होता है, इतनी मुसीबत में बच्चे पढ़ाते हैं हम, इतने पेपर पे इतनी मुश्किल से दुआए बच्चों के पेपर, हमने लेके जाना लेके आना, किसी के साथ बच्चे को भेज नहीं सकते हम, 12वीं तक हमारा स्कूल को नहीं करवाते जी। वो जो है ना एक्चुअली जो करमवीर जी है ना, वो एक्चुअली वो इस तरीके की एक्टिविटी, अंजना जी, अंजना जी डॉक्टर मोहन लाल तो हैं, अंजना जी जी मैम, हाँ क्यों कमजोर पड़ रही हो, हम है ना आपके साथ में, मैं हूँ ना, आ रही हूँ मैं आपके पास में, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना हम चलेंगे मिलने,
कोई नहीं, मैं आपको ठीक है ना, आप मैं आपको भी अलग से बात करती हूँ अंजना, आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं भाई हैं, आप क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी आपको देखा, आप विराम दीजिए, आप अपनी बात को विराम दीजिए बहन जी। कोई नहीं अंजना, मैं आपको बात कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, अभी कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं करती हूँ आपको बात, आप हस्बैंड से भी बात करा देना मेरी, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, घबराओ आप, हम लोग है ना आपके साथ में। हाँ, मट्टू साहब आए होंगे ना आपके पास में, मट्टू साहब नहीं आए थे? हाँ आए थे मैम, उनको भी रोका है उन्होंने, वो कहता भी ये क्या आता हमारे गांव में, किस लिए आता है, इसको इसको मरवाएंगे। शर्मिला जी लगे हैं, चलो कोई नहीं, अभी आप शांत हो जाओ, अभी आप शांत हो जाओ, मैं कर रही हूँ आपको फोन, कर रही हूँ थोड़ी देर में अभी, ठीक है ना, अभी मैं बात कर लूंगी आपके घर पे, कोई नहीं। मैडम का नंबर बोल दीजिए, मैडम अपना नंबर लिखवा दीजिए। हाँ। मनीषा जी, मैं इनका नंबर, मनीषा जी मैं इनका नंबर फोन पे डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, एक्चुअली वो इसमें आता नहीं है चैट बॉक्स में, इनको लिखना। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, बात करते हैं फिर। चलो ठीक है अंजना जी, परेशान मत हो, आप अपने आप से पहुंच लो, एप्लीकेशन है तो भेज दे और आगे करते हैं कार्रवाई। तो हमारे बीच में डॉक्टर योगेश है, आयुर्वेद डॉक्टर है, पहली बार जुड़े हैं, डॉक्टर योगेश जी वाणा से मेरी आवाज सुन रहे तो आए बहन जी, आप हिम्मत रखे और आप आपने आपने सुनाई तो वो दे और थोड़ा वो करें, हम इस पर कार्रवाई करते हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जो है ना आपका है और वो काम कर रहे हैं। हाँ जी योगेश, डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर योगेंद्र है, नमो बुधाय जय भीम, योगेश है डॉक्टर, योगेश आयुर्वेद डॉक्टर है टोहाना से है, आवाज सुन रहे डॉक्टर, नमो बुधाय जय भीम जी, आपने वीडियो ओपन करें। हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, आप देखो हम आमने सामने, मैं करमवीर बोल रहा हूँ जी, जी बोलिए, कहाँ से बोले, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हाँ नमो बुधाय जय भीम जी, मैं डॉक्टर योगेश आयुर्वेदिक प्रोफेसर टोहाना से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा, और मैं अभी यहाँ सुलेड़ा में पोस्टेड हूँ, नजदीक ही है हमारे यहाँ सोहाना से 10 किलोमीटर पे है सुलेड़ा, वहाँ पोस्टेड हूँ। और मैं अभी जो आजकल पहले बाबा साहब के जो कुछ संगठन है हमारे यहाँ पर, तो उनके साथ काम करता रहा हूँ, अनुसूचित जाति कर्मचारी वेलफेयर समिति और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ट्रस्ट है उनके साथ, लेकिन आजकल धम भूमि के साथ में कार्य कर रहा हूँ, और मैं यही मेरा परिचय है, और कुछ आप अगर जैसा भी आदेश करें वैसा मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब आप कितनी देर हो गए जुड़े, आपने कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं जी? मतलब ये कल मैं जुड़ा था वैसे, कल अपना मैं बहनों का कार्य जी जी, हाँ तो, कल तो महिलाओं का था, तो इसमें आज ही जुड़ा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको, आपको कम से कम 18-20 राज्य के लोग सुन रहे हैं? बहुत अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ धम की चर्चा सुन के, और ऐसा सर मैंने कुछ बीच में अपने कमेंट्स डाले थे हैं इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक मेरे काफी प्रश्न है लेकिन मैं आज नहीं पूछूंगी, भी पहले दिन आए हैं और पहले इतने सारे ऑब्जेक्शन या कुछ प्रश्न वगैरह उठाने शुरू कर दिए हैं, तो मतलब बाकी ये जो आपका प्रयास लोग थे 18-20 राज्यों को, मैं इसको बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं लगातार इससे जुड़ा रहा हूँ। चलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, नेट की प्रॉब्लम, आप जुड़ते रहे और इसको देखें, फिर उसके बाद आप पे फिर बात करेंगे, आप दो एक दो दिन और आराम से देखें, इसमें अलग अलग मीटिंगें होती हैं। डॉक्टर यू जी आज से मेरी बात हुई है काफी देर, आधा पौना घंटा डॉक्टर योगेश से। हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरी भी रात को मैंने नोट कर लिया था नंबर इनका, करमवीर जी से बात हुई थी मेरी, तो आपसे ज्यादा बात नहीं हुई है मेरी, ज्यादा अच्छा आप हो गया ठीक है जी, नहीं अच्छी बात हुई हमारी, ठीक है जी। हाँ जी एस सी साहब ठीक है, डॉक्टर साहब योगेश जी अच्छा लग रहा है जी सर।
तो आप जुड़े। हाँ जी आगे चले, मैं आगे इंट्रोडक्शन कराए, कौन कौन कर रहे हैंडल, वो डॉक्टर यूवी जी और कुछ और। हाँ नहीं, ये आज हमारे बीच में विपश्यना टीचर रास गौतम जी को आना था, अगर वो आ गए हैं तो कृपया करके श्री राम निवास गौतम जी विपश्यना टीचर हैं। डॉक्टर लाल सिंह जी क्या आ गए हैं? डॉक्टर राम निवास जी, डॉक्टर लाल सिंह जी, डॉक्टर जो हमारे जो गेस्ट स्पीकर जिनको बुलाया गया है आज, जिन्होंने जिनको डॉक्टर लाल सिंह जी के द्वारा इनवाइट किया गया है, वो कृपया करके आए और अपने धर्म संबंधी जो अब उनका संदेश है उसको देने का कष्ट करेंगे। क्या नाम बताया डॉक्टर साहब? राम निवास गौतम जी, डॉक्टर राम निवास नहीं दिख रहे। आगे और किसी को ले ले, फिर आ जाएंगे, फिर ले लियो। और एक और भी जो दूसरे साथी हैं, राहुल विपला जी, प्रोफेसर धमेश जी, प्रोफेसर धमेश जी, राहुल विपला जी अगर हमारे बीच में मौजूद हैं तो कृपया करके आए। लगता है अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। प्रियार जी देखो और कौन कौन है। देख रहा हूँ, मैं सुन रहा था, देखा नहीं मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई भी साथी और, कोई मैं एक दो मिनट के लिए, कोई नए साथी है वो बोल दे। नए साथी हैं वो, करमवीर सर, करमवीर सर हमारे बीच जितेंद्र जगताप साहब आए हैं मुंबई से। करवाइए सर, करवाइए इंट्रोड्यूस, करवाइए जी, कराएं रमेश जी, करा। हाँ जितेंद्र जगताप साहब, क्या हमारी बात सुन रहे हैं जी? हाँ प्लीज अनम्यूट कीजिए जितेंद्र जगताप साहब, अपना परिचय दीजिए। और विद प्रिपेयर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। ओके ओके ओके, कोई बात। लेकिन उसके बाद भी कटके साहब देखो गाड़ी चला रहे हैं, आपकी मीटिंग ऑन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहन निशा, निशा झा देखो कराए इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं भी अभी तक गाड़ी चला रहा था, अभी तक मैं गाड़ी चला रहा था। यूवी सिंह जी एक निशा झा है, अगर इनका नहीं हुआ तो देखना इंट्रोडक्शन। ना ना नहीं हुआ अभी तक। जो नए साथी हमारे जुड़े हैं, क्योंकि हैंड रेज तो मैं, अमोल अमोल इंगोले जी है अपने भी हमारे बीच। अमोल इंगोले सब अपना परिचय दीजिए। अमोल इंगोले जी, अमोल अमोल अनम्यूट कीजिए अब। सत्यवान जी उन्होंने हैंडरेज किया हुआ है, सत्यवान जो भाई हैं कलकत्ता वाले भाई, आप अपने विचार रखिए। परम खोपे साहब हमारे बीच सर। अच्छा, यू भी सर बुलाइए, परम खोपे जी अपना अनम्यूट कीजिए। परम खोपे साहब, परम खोपे सर, सत्यवान जी को ले लो। दिल्ली से खेमचंद जी हैं, इनके बाद ले लेना, उनको भी उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है एक मिनट, सत्यवान जी आवाज सुन रहे हैं कलकत्ता से। जय भीम नमो बुद्धाय सभी वीदा पीपल के मेंबर को। मैं जय भीम नमो बुद्धाय भाई साहब। डॉक्टर साहब मैं आपसे या कोई भी क्लैरिफाई कर दे, एक बनते आए मेरे ऑफिस में अभी 4 दिन पहले दार्जिलिंग से जी, तो मैंने उसको ऐसे पूछ लिया अभी क्या करते हैं आप आजकल। वो बोलता है मैं तांत्रिक विद्या सीख रहा हूँ, तांत्रिक विद्या, तो क्या इसमें ऐसा होता है क्या? मेरी राय में इसकी चर्चा करना भी मुझे तो अधम लगता है। भंते जी, ओ डॉक्टर यूवी सिंह जी, जो तांत्रिक शब्द है वो हमारा नहीं है, वो दरअसल पाली में जो शब्द है उसको तात्विक बोलते हैं, तत्व से मना हुआ है। और जो तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको
तत्विक बोलते हैं, और तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट लोग वो हमारे ही रहे हैं, मगर बाद में जो तत्वों के ज्ञान, जो पानी अग्नि और ये जल जमीन आकाश जो इनका अध्ययन करते थे हमारे ही लोग होते थे भिक्कु, उनको बदनाम करने के लिए उनको जादू टोने में डाल दिया गया और उनको जादू टोने में बदल दिया, तो शब्द बदल दिया है। दरअसल उसको अगर पाली में हटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि तत्व का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और वो साइंटिस्ट जैसे आप डॉक्टर हैं आप भी तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लोगों ने करते थे वो, और हमारे ज्ञान सब हमारे लोगों के पास ही था, बाहर वाले लोगों के पास नहीं था। थैंक यू। नहीं मैंने भी बोला, मैं इस तरह का नहीं होता, इसमें बहुत दम है, तो 25-30 साल के आसपास था, वो माना नहीं है, मैं बोला ठीक है छोड़ दी। थैंक यू। एक डॉक्टर साहब मेरा भी क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? हैंड रेज नहीं किया मैंने, इससे पूछोगे? डॉक्टर यूवी सिंह जी बता दे, चाहे डॉक्टर लाल सिंह बता दे, नहीं तो धम से रिलेटेड है। ठीक है बताएं। वो पुनर्जन्म की बात तो मेरे समझ आ गई, क्या है वो पुनर्जन्म होता नहीं, नेक्स्ट जन्म होता है, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां सुनते हैं हम कि उसको पुराने जन्म का ये याद है, ये सब चीजें, तो इस तरह है कि या तो झूठी है या सच है, क्या है? अगर सच है तो क्या हो सकती है किसी को अपने पिछले जन्म का कुछ याद हो तो जाके बताते हैं? इस तरह की बातें कई बार सुनी है पहले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सब झूठ है, मतलब ऐसी प्रचार। आप अपना उत्तर ना दो ना, मेरी राय में तो सर मैं तो झूठ मानता हूँ, 100% बिल्कुल झूठ नहीं है कि सत्य बात होगा। आके बहुत बोल रहा हूँ दिल्ली से, और इसके बारे में बता सकता हूँ, मेरे चाचा खुद है इसका गवाह। गांधी जैसी पर बोलिए साहब, नंबर कोई नहीं जो करमवीर का है, मैं भेजेगा कौन करा, आपका नंबर ढूंढाई भेज दिया। जब सारे लोग जवाब बता दे तो मुझे बता देना, फिर मैं बता दूं। नहीं 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 सुधीर जी, बीच में नहीं बोलोगे, अभी आपका बड़ा साइलेंट रहना। हाँ बताओ बताओ, अपनी अपनी बातें करो जी, हार के बाद क्या करे बोलिए। ये है आज कम आ रही है, मतलब ये नहीं कि हर आदमी प्रोजम ले सकता है, कभी बाई चांस कहते ना अपवाद को छोड़कर, कि वो वाली कहानी है। मेरे घर में ही मेरे चाचा का ऐसा ही हुआ था, और मेरे पास में गांव था, वहां से वो गाड़ी पर चल रहे थे जब, तो हमारे बाबा दादा बताते हैं, तो वो उनका पैर फिसला, वो गाड़ी के नीचे आ गए, मर गए। उसी टाइम हमारे परिवार उन्होंने जन्म ले लिया। जब बड़े हो गए तो उन्होंने सारी कहानी अपनी वहां बताई, और वहां पर हमारे परिवार के लोगों ने जाकर देखा, तो वो कहानी हकीकत निकली। तो ये अपवाद की रिकॉर्डिंग करी थी क्या सर? ये अपवाद उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, बहुत पहले की बात है। तो ये अपवाद चीज होती है सर, ये नहीं है कि हर आदमी कहते हैं पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं। हाँ अपवाद हो सकता है, जो हमने यहाँ अपने यहाँ भी देखा था। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, और कोई डॉक्टर लाल सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे या और कोई साथी कहना चाहे? दिल्ली से इस बात से तो आत्मा वाली बात सिद्ध हो जाती है, जो बात आप बता रहे हो आत्मा वाली बात से तो जाती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण कर लेती है, ये संभव नहीं है। बुद्धिज्म में आत्मा नहीं होती। नहीं नहीं बुद्धिज्म में नहीं, बात बुद्धिज्म की नहीं है, बात सच्चाई की है। पिछले जन्म और अगले जन्म की बात हो रही है, ताल बात को इधर उधर घुमाते हैं। ठीक है ठीक है, इस्तेमाल जी मैं ले रहा, मेरे चिंता मत कर। और कोई भी साथी जो बैठे है, 133-134 आदमी बैठे, कोई और बोलेगा? नहीं बिल्कुल सर, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अमित कुमार गाजियाबाद से। जी जी बोलिए बोलिए। तो कोई जन्म है, पूरा जन्म होता है। बात पे ये बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट, जब हम बच्चे को ABCD सिखाते हैं तब बोलना सीख पाता है, अंगुली चलाना सीख पाते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें कैसे बोल सकता है? ये पॉसिबल नहीं है सर। मेरा इतना ठीक है, सही आपका सही है, बढ़िया बढ़िया जवाब है। और कोई साथी सर? कोई गांधी जयंती पर भी कुछ बोलेंगे सर? हेलो जी गांधी जयंती पर कुछ बोलेंगे? गांधी कोई बौद्धिस्ट था क्या सर? गांधी तो वैसे ही हमारा दुश्मन था। बात चल रही है साथियों, थोड़ा बीच में ऐसे ना करो ना, ये बड़ा सीरियस इशू चल रहा है, लोगों को समझाने के लिए। तो सीरियस बात, बड़ा सीरियस इशू है, और इस तरह ऐसे मजाक करके मत लो ना।
अगर इजाजत दे तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हेलो सर, इसके बारे में अगर कभी दास जय भीम नमो बुद्धाय तो उन्होंने बताया पुनर्जन्म का। सर जय भीम नमो बुद्धाय सर, मैं पुष्पा बहुत संभल से जी सर। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने बुद्धिजीवी लोगों में ये जन्म पुनर्जन्म की बात कहाँ से आ गई, इसकी तो इसे तो खारिज कर देना चाहिए, बात ही क्यों कही जा रही है। ओहो बहन जी, बात पता क्या, ठीक है आपकी बात, हम और आप तो समझ गए, हम और आप तो बिल्कुल आगे निकल गए, लेकिन कुछ लोग नए हैं उनकी बात पर बहस करना थोड़ा सा ठीक है। हम तो इस बीमारी से बाहर आ गए, फिर भी आपने देखा ना, एक हमारे बहुत सीनियर साथी ने कहा कि ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये निकले नहीं है सर। सर ये निकले नहीं है, ये बाबा साहब को जानते हैं मानते नहीं है, जो नहीं मानते हैं वही ऐसी बात कह सकते हैं। कई बार बहन जी समझाने ये मेरा अपना ठीक सर, आपकी बात सही है, इस पर चर्चा ना की जाए तो ठीक है सर, इस पर चर्चा बड़े लोगों की तरफ देखती है सर। ये देखो ये कह रहे पूर्ण जन्म होता है, बताइए क्या राजपाल जी, तो किसी का पूर्ण जन्म है ना होता, और मैं होता कोई भी नहीं है, कोई पूर्ण जन्म वगैरह कुछ नहीं है। सही बात है, सभी मेरा क्वेश्चन तो ऐसे पुनर्जन्म से नहीं था, गलत है। एक मिनट हम भी कुछ बोले, एक मिनट लाल सिंह जी, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन पुनर्जन्म से नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि जैसे ये कहानियां कई बार कहते हैं कि पीछे का उसको याद है, वो चलो मेरे को कुछ इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आया है कि हाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर सबको होना चाहिए, पुनर्जन्म की बात है वो मुझे क्लियर है अभी नहीं होता, लेकिन यहाँ सारे साथी ने क्लियर होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो अभी नहीं मानना, मानना नहीं मानना डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए ना कि कैसे नहीं होता पुनर्जन्म, नहीं होता ये पता होना चाहिए कैसे नहीं होता, मुझे पता है मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक और अराइज हो गया तो इसका भी जवाब दे सकते हैं, मुझे क्लियर अभी नहीं होता सर, क्लियर करना चाहिए। राज सर, राज सिंह को बोलने चलो, बोले डॉक्टर यूएस लाल जी, बंदे जी बाद में लेंगे आपसे, बाद में आपको लास्ट में लेंगे जी। एक तो कुछ ये कहने वाले हैं कि नहीं होता, जस्ट मान लिया भी बाबा साहब ने कहा है कि एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान से। पुनर्जन्म की बात हो रही है, पुनर्जन्म नहीं होता है, संसरण होता है, और भगवान ने संसरण की बात बताई है और उन्होंने आम की उपमा दी है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे एक आम का वृक्ष होता है और उस आम के वृक्ष में जब फल लगता है और वो पक के जमीन में गिर जाता है, फिर उसमें से एक दूसरा आम निकलता है और वो बड़ा होता है और वो फिर वृक्ष बन जाता है, लेकिन जो दूसरा आम होता है वो वही आम नहीं होता है जो पहला आम होता है, लेकिन वो उसके सारे गुण सारी चीजें उसमें विद्यमान होती हैं, और पुनर्जन्म ठीक इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आम का एक जो वृक्ष है वो दूसरा वृक्ष बनके तैयार हो जाता है और वो फिर से फल देता है, और यही क्रम लगातार चलता रहता है और हमारा जन्म आगे की तरफ पुनर्जन्म के रूप में आगे बढ़ता रहता है। थैंक यू सर। पुनर्जन्म ये परिकर्मा है, ऐसा नहीं होता है। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि कर्मवीर गया और कर्मवीर ही आ गया, ये है पुनर्जन्म। नहीं, परिकर्मा है सर, परिकर्मा है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बोले सर मिकी अजी। हाँ बोले बोले हेनरी जी, एडवोकेट है सर, जिसके घर में पैदा हो रहा है तो उसको तो क्लियर कर दो। चला रहा। सही बात है।
रमेश कटके जी सर, रमेश कटके जी। हाँ सर, नवोदय जय भीम। मैं थोड़ी अलग बात करने वाला था। मैं ये बताने वाला था कि बाबा साहब ने जो दो बातें कही है, दो विचार, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ जो कि बुद्धिज्म के बारे में है। बोलो सर, बोलो। बाबा साहब ने एक विचार है बाबा साहब का, बाबा साहब कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। बुद्ध के धम्म के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत के आधार पर इस विश्व की पुनर्रचना की जा सकती है। उसी को मॉडर्न फॉर्मेट में बाबा साहब ने अपने मूवमेंट में दिया है, जो मैसेज दिया है। हो सकता है कि वो बाबा साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। दूसरा विधान है बाबा साहब का मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान जो है, जो बुद्ध धम्म के जो बेसिक सिद्धांत है उसका ही आधुनिक रूप है। तो ये दो सिद्धांतों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो बुद्ध का धम्म दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, और मॉडर्न साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स है जो नेचर से रिलेट करते हैं वही बुद्ध का धम्म है। बुद्ध की एक गाथा है, बुद्ध कहते हैं कि सब्बे पयालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। विश्व में जो भी कुछ है, विश्व दूसरा तीसरा कुछ नहीं, विश्व ये ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन है। एक ऊर्जा दूसरे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये पुनर्जन्म वाला मुद्दा जो है, जो नया जन्म जो बोलते हैं, उसी में उसी से रिलेट करता है कि जो कि एक साइंटिफिक बात है। अब बाबा साहब ने जो बात कही है, बाबा साहब ने हमको कालाम सूत्र दिया है जो कि बुद्ध का कालाम सूत्र है, जो कि बुद्ध की बुद्धिज्म की सारी टेस्ट जो है कालाम सूत्र के ऊपर आधारित हम कर सकते हैं। ये बाद में जो बुद्धिज्म को जो बिगड़ाया गया, उसमें इन्फिल्ट्रेशन किया गया, बहुत सारी कुछ अनर्गल बातें उसमें मिला दी गई, उसको अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो बुद्धिज्म के चार पांच प्रिंसिपल है जिसको हमें अपनाना होगा। पहली बात तो यह है कि कालाम सूत्र को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। दूसरी बात, बुद्ध धम्म और विज्ञान के जो तत्व है उनको कंपेयर करके पढ़ना होगा, समझना होगा। और तीसरी बात, हम अनुभव के सिवा कुछ नहीं सीखते। हम बातें तो बहुत करेंगे, बहुत सारी चर्चा होगी। बुद्ध ने कहा कि चर्चा से कुछ नहीं निकलता, अनुभव से ही जाना जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते कि यही पश्चिको ओपन आई को पचतंग वेदितव्यो, आओ अनुभव लो, अपने अनुभव से जानो और अपने अनुभव से परखो। और वो अनुभव अपने को बाहर से कहीं नहीं लेना है, अपने मन और शरीर को एक प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी बना के ही हम अनुभव ले सकते हैं। जैसे कि हम विपश्यना करते हैं 10 दिन में, बाद में जाके 4 शिविर करो, 5 शिविर करने के बाद हम सतिपट्टान का शिविर करते हैं। उस सतिपट्टान में असली बुद्ध का धम्म और उसका विज्ञान हमें पता चलता है, जो कि हमारे अनुभव के तौर पर हम समझ जाते हैं। सतिपट्टान में जैसे जैसे हम धम्म समझते रहते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि मेरा एक शरीर है और मेरा एक मन है। शरीर और मन का दोनों का एक जुड़ाव है, जिसको प्रतित्य समुपाद में बुद्ध ने कहा, यो पटिच्य समुपाद पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्य समुपाद पश्यति। जिसने भी प्रत्युत समुत्पाद को जाना है वो धम्म को जानता है। और प्रत्युत समुत्पाद बोलने से नहीं समझ में आता, वो क्रिया करने से, मेडिटेशन करने से, धम्म को अनुभव करने से ही आता है। मैं चाहे 1000 बातें सुन लूं किसी की, लेकिन जब तक मैं उसका खुद आचरण नहीं करता, प्रत्युत समुत्पाद को मैं दिन ब दिन मेडिटेशन में जब तक नहीं समझता, तब तक मुझे मेरा खुद का धम्म नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो बुद्ध को किसी ने पूछा था कि आपका वारिस कौन है, तो बुद्ध ने कहा कि धम्म ही मेरे पीछे मेरा वारिस है, मेरा सक्सेसर है। नहीं तो ऐसा हो जाता कि अगर वारिसदार अगर बनाया जाता तो बुद्ध ने राहुल को ही अपना वारिसदार बना लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें खुद अनुभव लेना होगा, और अनुभव लेने के लिए बुद्ध ने 4-5 बातें बताई है। तो पहली बात है कि ये प्रत्युत समुत्पाद को समझ लो, जो कि साइंटिफिक है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, उसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर होती है। ये हमें तभी समझता है जब हम गहराई में विपश्यना करते हैं, जब हम संवेदनाओं को जानते हैं। संवेदना जानते जानते हमें अनुभव आने लगता है कि मैं धम्म में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, धम्म को मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ।
थोक थोक खने खने रजतकारा विषम, मतलब सुनार जैसे थोड़ा थोड़ा मल निकलता है सोने का या चांदी का, वैसा ही हम मल का मन का मल धीरे धीरे निकालते हैं। और धम्म हम अनुभूति से समझते हैं, हम चर्चा बहुत करेंगे लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल धम्म को नहीं करेंगे, जैसे कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये चार चीजें अगर हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो हमें धम्म को पूछने की जरूरत नहीं। क्योंकि सुभद्र था अनपढ़ था, सुभद्र को एक ही गाथा आती थी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि सुभद्र एक गाथा जानता है लेकिन उसके मुताबिक वो आचरण करता है, तो हजार गाथा जानने वाले भिक्खु से भी सुभद्र का मोल ज्यादा है। तो इसलिए हम जितना अनुभव करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे और बाबा साहब का साइंटिफिक प्रिंसिपल उस पर लगाएंगे तो धम्म हमें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो हम पहले फेज में हैं, जैसे कि हमारी पहली पीढ़ी थी, मेरे माँ बाप दोनों धम्म दीक्षा के समय उपस्थित थे, उनको धम्म समझ में नहीं आया लेकिन उन्होंने हमको धम्म में अग्रसर कर दिया, तो हमारी जनरेशन को थोड़ा कुछ समझ रहा है। आने वाली और जनरेशन जब साइंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से बुद्धिज्म को कंपेयर करेगी तो हमें बुद्धिज्म को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, साइंस अपने आप प्रूफ करेगा। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू कटके साहब, एक एक दो दो मिनट के लिए मेरे साथ दो वन एक ही रह गया। हाँ जी, ओपी बोध जी, सम्राट ओपी बोध जी। हाँ, मैं डॉक्टर लाल सिंह, हेलो डॉक्टर लाल सिंह जी। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। ऐसा है कि ये जो प्रश्न है, ये 13 प्रश्न ऐसे हैं जिनका भगवान बुद्ध जवाब नहीं देते, जैसे आत्मा का है, पुनर्जन्म का है, सृष्टि का है, किसने बनाई, कब बनी, तो ये 13 प्रश्न ऐसे हैं जिनको भगवान अव्याकृत प्रश्न कहते थे और उनका जवाब वो नहीं देते। तो लोग पूछते थे उनसे कि आप जवाब इनका क्यों नहीं देते, तो भगवान उसके बारे में ये कहते थे कि इन प्रश्नों से हमारे किसी सुख दुख का लेना देना नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप मेरे से वो प्रश्न पूछो जिनसे आपका सुख दुख का लेना है। तो ये अव्याकृत करने से किसी को कोई इनको कोई किसी को नहीं समझा सकता, तो जो जरूरी बात है धर्म की उनके ऊपर प्रश्न करिए, वो पूछिए, ये अव्याकृत कहलाए ये प्रश्न। ठीक है, ठीक है, और जी और कुछ पूछना चाहे कोई तो मैं नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, सही है, क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। ओपी बोध जी, हेलो, प्रवीण नाइक कौन है, इनका जो वीडियो है बंद कर दीजिएगा, वो अपना वीडियो अच्छी तरह से नहीं बता रहे, ये अच्छी बात नहीं। प्रवीण नाइक, अरविंद नाइक का बंद है वीडियो, बोलिए आगे, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी बोल जी, बोलिए जी सर, बोलिए। आज का हमारा विषय था धम्म जी, और धम्म पे चर्चा हुई, मगर उसी कड़ी में आवश्यक ये जो साथी थे अभी अभी जो है वो उनके चाचा जी कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपना वो डाला हुआ है क्या नंबर वगैरह, तो चले गए कि है उनसे परिचय लेना। एक संस्था है सर जो पुनर्जन्म पे काम करती है और उसको उनके यहाँ भेज दिया जाए, जिसके ठीक है, उसको समझाना पड़ेगा या समझ जाएंगे, या ऐसे लोग बहुत हैं अभी, और भी बहुत जी, अभी बहुत दुनिया अंधकार में बैठी है, तो जी जी सुख दुख से है, सुख दुख के इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। हाँ, मुकेश जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरे से बात करा दीजिए इनकी, जो कह रहे हैं कि वहाँ आप चैट बॉक्स में डालते, बहस करने की आवश्यकता नहीं, आप बैठे रहे, सुनते रहे, ठीक है, टेलीफोन चैट बॉक्स में नंबर छोड़ा हूँ मैं, आपसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। करमवीर सर जी, करते सर, नए साथी है उनको परिचय करा दिया जाए। हाँ, वो बस एड्रेस उनको ले रहे हैं सर, अगर इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ मुकेश जी, आपका ही नंबर है, बोलिए।
जी सर, सर ऐसा था, अभी सुधीर जी ने धम्म के ऊपर जो व्याख्या की बहुत अच्छे से समझाया सबको, मैं भी सुन रहा था। इसमें एक प्रसंग आया था कि बौद्ध धर्म का जैसे ही उनको मतलब विनाश किया गया, उनको रोका गया, और ये जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो कार्यक्रम हुए जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का नाश हुआ या समाप्ति की तरफ गया, बिखरा यहाँ भारत के अंदर बिखरा, तो उस पे मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं जानकारी आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस समय हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म का इतना अच्छा प्रभाव था और दूर दूर तक था कि ब्राह्मण भी बौद्ध ही बने हुए थे, और कुछ ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सभी बौद्ध धर्म के शिक्षा लेने के लिए इन अपने जैसे यहाँ है जो शिक्षालय पाठशाला वगैरह थी सभी जगह ब्राह्मण भी ऐसे शिक्षार्थी थे जैसे के जैसे शिक्षार्थी और अपने बौद्ध भिक्खु होते थे, बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी होते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे जैसे इसने पुष्यमित्र शुंग ने हमला किया और हमला करके जो अपना राज्य लिया, और बाद में जैसे जैसे उसने परिवर्तन के लिए जोर दिया, और इसके ऊपर जितनी जानकारियां जो बौद्ध धर्म की थी उनको जो तोड़ा मरोड़ा गया और ब्राह्मणीकरण जब उनका किया गया, तो वही ब्राह्मण जो बौद्ध के अनुयायी थे उन्होंने उनका साथ दिया और उस सारे संग्रह को तोड़ मरोड़ के नए तरीके से नई कहानियां बना बना के उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों की, पुराणों की और इनकी रचनाएं की, और जिससे सारा हमारा जो बौद्ध धर्म है और उसकी जो जानकारी, उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है कहीं छिप गया या दूर हो गया, और सारा ब्राह्मणीकरण जो है जनता के अंदर फैला। और ये सब आप लोग जानते ही हैं कि उस समय जो है इसने पुष्यमित्र शुंग ने कितना अत्याचार करके बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, भंते जी जो थे उनको मरवाया, जितने भी प्रचार प्रसार करने वाले थे सबका उन्होंने मतलब कुल मिला के कुचला उस व्यवस्था को। तो मेरा बस इतना ही बताना था कि ये जो बदलाव हुआ था उस समय, जो इतना विकराल रूप से बदलाव किया गया था, उसके पीछे यही था कि जो ज्ञान था बौद्ध धर्म का, वो ज्ञान उनके पास भी था, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से उसको पलटने में और पुष्यमित्र शुंग का साथ दिया, और जिससे जितने भी रचनाएं हुई हैं उसके बाद में, जितने भी धर्म ग्रंथ, ये गीता पुराण और ये जितने सब लिखे गए हैं वो उसी पर आधारित, रामायण वगैरह वो सब उसी के ऊपर आधारित है। उसमें जो कथाएं दी गई हैं, अगर हम अपने भगवान बुद्ध की जो रचनाएं हैं उनके उदाहरण के हिसाब से जो भक्तों को, अपने अनुयायियों को कथाएं सुनाया करते थे, उन्हीं को अगर हम देखेंगे तो उन्हीं की कथाओं के कुछ हिस्से इनके अंदर मिलते हैं, जिससे रामायण महाभारत गीता वगैरह की रचना की गई है। तो ये बचाव का क्या साधन है, बात तो सही है। हाँ जी, बचाव का क्या साधन है, बचाव का ये साधन है। हेलो, हाँ बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू जी। बचाव का ये साधन, मैं बोलूं सर या मेरा काम हो गया? नहीं आप, मैं वही बात हो रही, जितनी ये बातें तो सही है, क्या कैसे कैसे हमारे कपट हुआ है तो आज भी हो रहा है, कैसे बचा जाए उसके ऊपर चर्चा। ये साकी जी, आवाज किसकी आ रही इतनी, आपकी आवाज इतनी आ रही है मुकेश जी, कुछ आवाज है पीछे सर मेरे पीछे, मैं बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ सर। आवाज कहाँ से आ रही है, एक छोटी सी प्रार्थना है, और पीछे एक संगति में गए थे सुधीर जी थे वहाँ, गौतम साहब के यहाँ पर अभी प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ भी मैंने रखा था कि अपना विचार कि अगर हम सभी को एक छत्र, एक छाया के नीचे, उसके नीचे, छाते के नीचे लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जितनी 6,743 जातियां बटी हैं, इन जातियों में अंतर जातीय विवाह पर जोर देना होगा, जिससे जो बांटने की प्रक्रिया है वो खत्म हो और वो सब एक ही अपने आप को बिरादरी में समझें, और जितना भी भेदभाव है आपस के अंदर वो भी खत्म हो, और बुद्ध की ही शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए जहां भी हम बात करें, और एक अंतरजातीय विवाह करने के लिए जो स्थल रखा, चुनाव किया जाए वो बौद्ध विहारों का किया जाए, कि बौद्ध विहारों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे सभी को वहां आमंत्रित किया जाए और उसके वहीं पर ही सभी को सर्टिफिकेट देकर के विवाह किया जाए।
इससे हमारा ये जो आपने कहा बचाव कैसे हो, ये एक अच्छा रास्ता है मेरे हिसाब से। बाकी आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बाकी आप जैसा ठीक समझे। मेरा इतना ही कहना था, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। साकेत जी आए हुए हैं? साकेत जी आए हुए हैं? सुन साकेत जी, जो आते रहते हैं बोलते हैं, अतुल साकेत जी, आईएएस की जो ट्रेनिंग सेंटर है जिनका, अतुल साकेत जी, अतुल साकेत जी प्रश्न है क्या? परियार सर, शुभांगी मालखेड़े ताई है। अब आपका आपका प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, वरना तो सब खिचड़ी पक जाएगी। आप सब नहीं जरूरी है, जरूरी है, दे दे सुधीर जी। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो पुष्यमित्र सुंग वाला जो मैटर है ना, जिसको कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे किया, अभी डॉक्टर राजीव पटेल हैं बिहार के अंदर, मेरे मित्र हैं, कभी उनको यहाँ हम ले आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने जो खोज की है और बहुत कमाल की खोज है, वो ये कहते हैं कि ये जो पुष्यमित्र सुंग था वो बुद्धिस्ट था। दरअसल हमारी जो कल्चर नष्ट हुई है वो लगभग 500 साल पहले हुई है, वो पुष्यमित्र सुंग के समय नहीं हुई है, वो तो बुद्धिस्ट ही बताते हैं उसको और उसके प्रूफ भी देते हैं। तो अभी बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, अब हमारे लोग खोज रहे हैं तो पुष्यमित्र सुंग का भी, और जो ये कहते हैं कि हम 2000 साल से गुलाम हैं, 2500 साल से, ऐसा भी नहीं है, बस 500 साल हैं, ज्यादा नहीं है, जब से ये चीजें रची गई हैं तब से हैं, इसके बारे में खोज ऑलमोस्ट है। मगर जो ये मैटर अभी जो क्या बोलते हैं, जो हमारे साथी जो आर के बौजी हैं, उन्होंने जो ये सुनाया है ये बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे केस हैं जिन लोगों को अपनी पुरानी मेमोरी रिकॉल हुई है, और बुद्ध को तो अपनी सारी पुरानी मेमोरी रिकॉल हुई थी। बुद्ध के तीन पार्ट हैं, जब बुद्ध को कि बेसिकली पहले ये समझें कि बुद्ध कर क्या रहे, बेसिकली ये समझें कि सिद्धार्थ गौतम नाम का जो व्यक्ति है, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और जो अपने शरीर को देख रहा है कि शरीर कैसे काम करता है, शरीर में दुख कैसे आता है, सुख कैसे आता है, कहाँ चीजें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, मन कैसे काम करता है। दरअसल बुद्ध जैसे व्यक्ति ने ही बताया है कि मन अलग होता है और मस्तिष्क अलग होता है। तो आपने बहुत सारी रचनाएं सुनी होंगी, मेरा मन खराब है, मेरा जी खराब है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा, कभी आपने ये नहीं कहा होगा मेरा मस्तिष्क नहीं कर रहा, मेरा मस्तिष्क खराब है, मेरे मस्तिष्क में, आप कह रहे मेरे मन में ये बात आई, आप मन बोलते हैं। तो अगर मैं अब ये चश्मा यहाँ उठा रहा हूं तो मेरे मन में ये बात आई कि मुझे चश्मा यहाँ पकड़ना है, तब मैंने अपने शरीर को आदेश दिया, यानी मन ने शरीर को आदेश दिया, तब चश्मा पकड़ा है। और अगर मेरा मन ही आदेश देता है कि इसको छोड़ दूं तो मैंने छोड़ दिया। यानी कि जो हम कंट्रोल हो रहे हैं, जो व्यक्ति कंट्रोल होता है वो बाय माइंड होता है, नॉट बाय ब्रेन, वो ब्रेन के द्वारा नहीं होता, वो माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है। इसलिए धम्मपद का जो पहला जो सिद्धांत है धम्मपद में, वो यही कहता है कि मन जो है वो हमारा ड्राइवर है, अगुआ है, यानी माइंड जो है वो हमारा ड्राइवर है, वो हमको ड्राइव करता है। जैसे कार का ड्राइवर एक आदमी ड्राइवर सीट पर होता है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को जो ड्राइव करता है, चलाता है, वो माइंड है, और माइंड आदेश देता है ब्रेन को, मस्तिष्क को, और जब ब्रेन को वो मिलता है, आदेश मिलता है, तब वो कहता है कि सुधीर राज सिंह चश्मे को पकड़ो, और जब मन कहता है कि छोड़ना है और एक सेकंड बाद छोड़ना है तो छोड़ देता है, तो माइंड को आदेश देता है। तो बुद्ध ने ये सारा उस समय साइंटिफिक काम कर रहे थे बुद्ध, और वो ये देख रहे थे कि ये दुख कैसे काम करता है, सुख कैसे काम करता है, क्या चीजें कैसे काम करती है, मनुष्य चलता कैसे है, रोता कैसे है, हंसता कैसे है, और पैदा कैसे होता है, ये सारा काम वो पेड़ के नीचे कर रहे हैं। और जब वो बहुत बारीक 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 और कहां करेंगे ये, तब बात को समझाना बड़ा मुश्किल था, और अब से लगभग 10-15-20 साल पहले हमारे जैसे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल था, मगर अब बड़ा आसान है। अब इसलिए बड़ा आसान है क्योंकि हम ऑलमोस्ट अब आदमी बना चुके हैं, जो जर्मन की लैब है, जो अमेरिका की लैब है, उसके अंदर जो ऑलमोस्ट जो ह्यूमन है वो आदमी जैसा तैयार होने को तैयार है बिल्कुल। तो उन्होंने सब कुछ अभिधम से सीखा, सब कुछ बुद्ध से सीखा, और बुद्ध की साइंस को उन्होंने फॉलो किया और उसी से सीखा। तो क्या हो रहा है वहां, क्या नहीं हो रहा है, ये ठीक ऐसे है जैसे, बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, कि जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, और आप तो मोबाइल पे या तो बैठे हो या लैपटॉप पे बैठे हो, इन दो में से तीसरी चीज पे आप बैठे नहीं हो जो मुझे सुन रहे हो। तो ये जो लैपटॉप है या ये जो मोबाइल है, इसमें जो हम बातें कर रहे हैं और जो आप तक पहुंच रही है, वो
तरंगों से डिजिटल फॉर्म में चेंज हो रही हैं और वो स्टोर होती हैं, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो स्टोर भी हो रही हैं। तो जब व्यक्ति पैदा होता है या जानवर पैदा होता है, तो जानवर जो पैदा होता है या व्यक्ति पैदा होता है, ये बुद्ध बता रहे हैं और अब तो साइंस ने प्रूव भी कर दिया है। तो कुछ चीजें माँ बाप के खून से, माँ बाप के शरीर से, माँ बाप के मांस से, माँ बाप में जो खाते हैं उससे मिलती हैं, जिसको हम रूप बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं या मटेरियल बोलते हैं। मगर मन कहाँ से आता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मन का तो कोई वजन नहीं होता। मन ठीक ऐसे है, शरीर तो ऐसे है जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या कंप्यूटर है, और मन ऐसे है जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप कहते हैं कि अगर आपके अंदर, आपके पास में एंड्रॉयड फोन है तो आप कहेंगे कैंडी है, चॉकलेट है, ये इसके नाम है सॉफ्टवेयर के, और आपके पास एप्पल है तो आप कहेंगे iOS 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 ऐसे बोलेंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हैं वो मैक में आते हैं या विंडोज में आते हैं, वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने के लिए भी एक छोटा सिस्टम होता है जो इसके अंदर होता है, वैसे ही एक शरीर के अंदर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। तो अब क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, बुद्ध बता रहे हैं, तो पैदा होते ही उसका जो मन है वो मन बाहर से आता है। वो कैसे आता है वो सब उन्होंने बताया है, लंबी बात हो जाएगी, मगर वो एयर से आता है। जैसे हम किसी को फोटो भेजते हैं तो फोटो यहाँ से जो भेजना है या आप जो मैं बात कर रहा हूँ ये एयर में जाता है वाईफाई के थ्रू और फिर आपको पास आता है, फिर आपका जो रिसीविंग डिवाइस है आपकी जो इसको रिसीव करती है वो इसको मेरा फोटो दिखा रही है, आपको मेरी बात सुनवा रही है। तो मैं नहीं हूं, मगर वो डिजिटल फॉर्म में वो वाईफाई से होता हुआ जा रहा है। मन भी ठीक ऐसे ही जाता है और ऐसे ही बच्चे के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि बच्चा भी एक मशीन है, हम भी एक मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है और मोबाइल भी एक मशीन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब मशीन है और मशीनों के चलने का सेम नियम है प्रकृति के अंदर, दूसरा नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मशीन को चलने का दूसरा नियम है जो कंप्यूटर मोबाइल है और हम जो चल रहे हैं उसका नियम दूसरा है। बस फर्क इतना है कि हम बहुत अच्छी मशीन है और कंप्यूटर मोबाइल अभी इतनी अच्छी मशीन नहीं है, मगर रोबोट बन चुके हैं, ऐसे मनुष्य जैसे बनना है। और वो समय भी आने वाला है कि जब रोबोट रोबोट को पैदा करेंगे जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं, वैसे भी आने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि जब सिस्टम आता है तो सिस्टम के साथ में कुछ फाइलें और भी आती हैं जो ऑपरेट नहीं होती, जो खुलती नहीं है। यानी कि हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर बहुत सारी फाइलें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा लेन देन नहीं है, क्योंकि हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। वो उसको कंप्यूटर ही इस्तेमाल करता है, उसको मोबाइल इस्तेमाल करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। अगर उसमें कोई फाइल ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। अगर ज्यादा फाइल आ गई और वो खुल गई तो जो ज्यादा है उसमें वो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, और अगर कम है तो जो उसमें जरूरी चीजें वो नहीं आएंगी, तो वो चीज हैंडीकैप पैदा होगी, वो मनुष्य हैंडीकैप पैदा होगा, उसका किसी का कान नहीं होगा, किसी की आंख नहीं होगी, ये बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ये सब बुद्ध ने बताया हुआ है। तो अब होता क्या है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके साथ में हिडन फाइल आती हैं, उसके साथ में इसको भगवान बुद्ध ने नाम बोला है। तो नाम में जो फाइलें आती हैं उसमें सारी फाइलें आती हैं, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी वर्जन हैं जो सॉफ्टवेयर में है वो सारे वर्जन आते हैं। ऐसे ही हमारे जितने वर्जन हैं, जो जो हमारे सर्कल पहले घूमे हैं वो सर्कल भी साथ आते हैं, और उनकी मेमोरी कई बार कंप्रेस फाइल के रूप में आ जाती है और वो रहती है साथ में, मगर वो कई बार कोई कोई मनुष्य में अचानक खुल जाती है, कई कई बार खुल जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो वो, क्योंकि वो नई नई फाइलें आती है तो एडजस्ट नहीं हो पाती, तो वो खुल जाती है। इसलिए जिन लोगों ने भी ये बताया है कि मैं वहां जन्म में था या ऐसा जन्म था, वो झूठ नहीं बोलते, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने तो अपने सारे जन्म खोले हैं। अगर आप बुद्ध की थ्योरी की विपसना और साधना करते हैं, उसके नाम रूप के सिद्धांत को जानते हैं, उसके पटचे समुत्पाद के सिद्धांत को जानते हैं, उसके धम्म चक्र को जानते हैं, वही धम्म चक्र है। और अगर आप इतनी गहरी मेडिटेशन, इतनी गहरी विपसना कर सकते हैं, तो आप भी अपनी फाइलें वो खोल सकते हैं, जो फाइलों में पहले सिस्टम कहाँ था, कैसे काम करता था, वो आपको पता चलेगा। और ये उतना ही सच है जितना कि इस बात में सच है कि कंप्यूटर के वर्जन होते हैं, मोबाइल के वर्जन होते हैं, और आगे आने वाले समय में रोबोट के वर्जन होते हैं। ये वर्जन हमारी लाइफ के भी होते हैं, ये सारे वर्जन देखें तो ये हमारे जो लोग हैं धम्म के अंदर, ये वर्जन डाउन भी होते रहते हैं और अप भी होते रहते हैं। इसलिए धम्म कहता है कि अगर अच्छे काम करोगे, जीवन में बहुत बढ़िया काम करोगे और पाप वाले काम नहीं करोगे और पंचशील का पालन करोगे, तो आपका वर्जन अच्छा हो जाएगा, फिर आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो नेक्स्ट बर्थ और भी अच्छा होगा। और अगर आप पाप वाले काम करोगे तो आपकी फाइलें करप्ट हो जाएंगी और करप्ट फाइलों में आपका वर्जन डिग्रेड होगा। इसलिए आपका आपका जो जन्म है वो किसी जीव में हो सकता है, और हो सकता है कि वो ना भी हो। उसके बहुत सारे सिस्टम बताए उन्होंने कि हवा में भी रह सकता है, जैसे वाईफाई में कई बार फोटो भेजते हैं हम,
और वो फोटो जाता ही नहीं है तो हवा में रह जाता है, आपने भेज दिया और वो पहुंचा नहीं, तो हवा में भी उसको एरूप बोला है, लटके रहोगे आप और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं कि जीवों पे दया करनी है, क्योंकि ये सारे जीव उसी सर्कल में चलते हैं, उसी वर्जन में चलते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ये कोई अलौकिक चीज नहीं है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि इसको आप गॉड से जोड़ें या इसको चमत्कार से जोड़ें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये प्रोसेस अब हमें समझ में तब आता है जब हम अपने कंप्यूटर को, मोबाइल को देख रहे हैं और अपने रोबोट को देख रहे हैं। और बुद्ध ने तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया और बताया और सिखाया, मगर बुद्ध ये कहते थे कि इस प्रोसेस को समझाने के लिए, समझने के लिए भी मेरे को समझदार आदमी चाहिए। इसलिए अभी धम्म भी उन्होंने बहुत कम लोगों को, जो बहुत ज्यादा जानकार थे उनको समझाया। ये वो डीप बातें हैं जो आज तो समझ सकते हैं आप, मगर उस समय नहीं समझ सकते थे। इसलिए जो धम्म के जानकार हैं नहीं है वो सीख लें कि बुद्ध ने तो अपनी सारी मेमोरियां खोल ली, और बुद्ध को तो पता था कि मेमोरी में क्या है। और एक बार कश्यप भिक्खु अपनी मेमोरी खोलने में लग गए तो बुद्ध ने कहा, अरे ये मत खोलो, इसमें तुम फंस जाओगे, तुम अपना ध्यान करो और ध्यान करके अपना क्या बोलते हैं मुक्ति का मार्ग लो, इसके चक्कर मत पड़ो आप। तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते थे कि कोई आदमी डीप विपस्सना में जाए और जाके खोले, क्योंकि उसका कोई फायदा था नहीं। और वो मेमोरी धीरे धीरे डिलीट हो जाती है। इसलिए आर के बौद्ध जो कह रहे हैं वो 100% ठीक है, और जो लोग आप कह रहे हो वो भी 100% ठीक है, क्योंकि आपने वो अनुभव किया नहीं, आर के बौद्ध ने वो अनुभव किया है। आपके अनुभव अलग हैं और जो अलग अलग है। इसलिए बुद्ध ने ये कहा है कि जितना जिसने अनुभव किया है उसको सच मानना है, उसमें झगड़ा मत करो आप, क्योंकि आपके लिए वो सत्य नहीं है क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया। आर के बौद्ध के लिए वो सत्य है क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, और मेरे लिए वो इसलिए मानने के लिए जरूरी है क्योंकि बुद्ध ने खुद अपने वर्जन खोजे थे, मैंने देखा नहीं है। मगर चूंकि अगर बुद्ध के उसमें जाओगे, धम्म में जाओगे, तो बुद्ध ने अपनी मेमोरी खोली है, और मेमोरी का साइंटिफिक पहलू आज ये बताता है कि मेमोरी वाईफाई के साथ ट्रांसफर हो सकती है। और हम रोज करते हैं, हम अपनी फाइलें डेली भेजते हैं, अब हम ये प्रोग्राम है उसको भेज रहे हैं तो ये वाईफाई के थ्रू जा रहा है, ठीक है, सही बुद्ध ने बताया था। इसलिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। और उस समय बुद्ध नहीं बताते थे प्रश्न का जवाब, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कौन इस चक्कर में पड़ेगा, यहाँ आपने आधा घंटा खराब कर दिया। उस समय लोग पूरा दिन और पूरी जिंदगी खराब कर देते, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों को साफ कर दिया कि ऐसा तुम्हारा फायदा नहीं है, इसको ना करो तो बेहतर है, और अपना काम करो ज्यादा अच्छा है। इसलिए अपना प्रोग्राम चला लो भाई, इसके चक्कर मत पड़ो, ये बड़ी गहरी थ्योरी है, बड़े दिक्कत में आ जाओगे आप सब लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर राज सर। खोलिए 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 अपना माइक। रवीर सर आज बहुत साधुवाद, बहुत अच्छे से समझाया आपने। सुधीर सर नए लोग हैं, उनका परिचय ले ले। सुधीर राज जी, सुधीर राज जी अभी ये जो बताया है, मैं एक छोटा सा करेक्शन चाहूंगा इसके ऊपर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए दुनिया जी, बोलिए। अच्छा सर, ऐसा था कि जो मैंने अपनी बात कही थी, एक्चुअल में एक जगह पढ़ा गया था कि सन 400 ईस्वी में जो चाइना के जो यात्री आए थे यहाँ पे, दुनिया जी, जी सर, के लिए ना एक मैं राजीव पट मैंने ये कहा था कि देखो इसका जानकार मैं भी नहीं हूँ, हर आदमी हर चीज का जानकार नहीं सकता, वो खोज करते हैं, उनकी जो खोज है बहुत कमाल की है, उनकी किताबें भी है जी, मैंने तो उनके आधार बताया। राजीव पटेल जी को एक बार ले आएंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर आप उनसे प्रश्न पूछना तो टाइम बचेगा सबका। बेहतर है जी, बेहतर है। और कोई किसी का धम्म के बारे में सवाल हो? हाँ, जावेद नवोदय, मेरा एक छोटा सा आज डिस्कशन हुआ था ऑफिस में, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी मुझे बात करनी थी। आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा ही क्वेश्चन है। डॉक्टर लाल सिंह जी, हाँ जी, उनका क्वेश्चन ले लो, क्योंकि जब हमारा आदमी ऑफिस में हारता है तो हारना नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन अटकता है तो उसका जवाब लेके जाए ना अगले दिन, हम है किस लिए यहाँ, इसीलिए सर रख रहा हूँ, इसीलिए रख रहा हूँ। जोरदार शब्द में पूछो सर जी। एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि बी द पीपल के एक दो लोग हैं हमारे में, उनको बात कर रहा था जोड़ने की, तो हमके बोला मैंने कि संघ हमारा बन रहा है, संघ तैयार हो रहा है, तो वहां पर एक दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि पहले हिंदू धर्म आया या बौद्ध धर्म आया, तो मैंने कहा मेरा बौद्ध धर्म पहले का है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर आपका बौद्ध धर्म पहले का है तो मनु ने जातियां बनाई, तो भगवान बुद्ध तो शाक वंश में कैसे है, वहां जाति का विवरण कैसे हुआ, तो यहाँ सर मैं फंस गया। चलो और कोई ना फंसे उसको निकाल देते हैं, और आप कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे।
पहली बात तो ये है, जो साग के शब्द है, साग के होता है साग सब्जी, खाते हो ना आप साग सब्जी? जी जी। तो साग सब्जी वाला ही साग है, क्योंकि शय पाली में नहीं होता था, बुद्ध के समय शय नहीं होता था, तो शाक्य नहीं है, साग है। बाद में उन्होंने साग को शाक्य कर दिया, बदल दिया, ताकि हम अपनी पहचान खो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुद्ध के समय, या बुद्ध ने भी ना कोई धर्म दिया, ना उस समय कोई धर्म था, क्योंकि बुद्ध के साहित्य में बुद्ध के अलावा, और बुद्ध ने भी धम्म बताया है, बुद्ध के धम्म के अलावा किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, एक उनका जरूर है, निकटनाथ बोलते थे, निकटनाथ का मतलब है जो नी ग्रंथ वाले होते थे, जो कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे निकटनाथ का जिक्र आता है, वो बुद्ध से 19 साल बड़े थे, ठीक है, और उनकी फिलोसफी भी श्रमण वाली थी, वो भी श्रमण थे। फिर क्या है कि जो खेतीय लोग थे, खेतीय शब्द को उन्होंने बदल के क्षेत्रीय कर दिया, और क्षेत्रीय से क्षत्रिय कर दिया, तो इस पूरे भारत में जितने भी क्षत्रिय हैं या क्षेत्रीय लोग हैं, वो दरअसल खेतीय लोग हैं, किसान लोग हैं, पहले काम ही खेती का होता था, तो बुद्ध भी क्या बोलते, किसान थे, खेतीय थे, बाद में उनको क्षेत्रीय कर दिया, और उनको खत्म करने के लिए ये कह दिया कि ये क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय में आते हैं, उनको खत्म करने के लिए, ताकि किसानों से उनका रिश्ता टूट जाए और भारत से उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि क्षत्रियों की संख्या जो उन्होंने बाद में बताया, जिस तरह के क्षत्रिय, वो तो 3-4-5 तरह के क्षत्रिय हैं, कुछ बहुत छोटे से लोग हैं, तो उनकी पूरी पहचान को खत्म करने के लिए किया। फिर जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द आपको पूरे साहित्य में कहीं मिलेगा ही नहीं, आप किसी से बहस मत करो, आप ये कहो कि भाई हमको तो किसी किताब में, किसी साहित्य में हिंदू शब्द ला दो। हिंदू शब्द बेसिकली जो आया है, ये अरब से आया हुआ शब्द है, भारत का शब्द नहीं है हिंदू, तो हमारी किताबों में मिलेगा नहीं, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तो ये अरब से जो लोग आए थे, वो अपने साथ लेके आए, और वो उसका क्या अर्थ है, वो आप गूगल में तलाशेंगे तो आपको सारा उसमें मिल जाएगा, आप हिंदू शब्द का अर्थ तलाशेंगे ना, तो वो सब हिस्ट्री बता देगा आपको, ये शब्द कब से आया, कैसे आया। तो जो शब्द ही यहाँ नहीं है, तो उसका कोई धर्म या उसका कोई जो रिलीजन है, वो यहाँ होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप कंपैरिजन मत करो। देखो, बुद्ध का धर्म नहीं है, और बुद्ध को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बुद्ध का जो सिस्टम है, जो बुद्ध ने फिलोसफी दी है, वो यूनिवर्सल है, और पूरे 750 दुनिया के जो मनुष्य हैं उनमें काम करती है, और जितने जीव है दुनिया में, चाहे वो चींटी है, चाहे वो समुद्र में कहीं है, उनके लिए भी काम करती है, वो थ्योरी उनके लिए भी उतनी फिट है जितनी मनुष्य के लिए फिट है। और वो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जीवों को नहीं मानना है, सारी जीव के लिए करुणा, मैत्री और भाईचारा रखना है, क्योंकि उनके अंदर भी वही सिस्टम होता है जो सिस्टम ह्यूमन के अंदर होता है। और वो उन्होंने देखा था, वो विपसना साधना से देखा था कि अरे ये इसलिए ऐसा बना, ये इसलिए ऐसा बना, वो जानते थे कि कैसे जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता है और कैसे डिग्रेड होता है, यानी कैसे जो मनुष्य है वो अपने खराब कामों से डिग्रेड होके जो आता है, जिसको क्योंकि उन्होंने जो योनियां बताई हैं, यानी जो उन्होंने उन वर्जन के नाम बताए हैं, वो उन्होंने बताया कि वर्जन कैसे काम करते हैं, ये सारा अभिधम्म पीटक में दिया हुआ है। तो आप जब भी बुद्ध की चर्चा करें, तो एक तो बुद्ध को सेपरेट करते हैं, क्योंकि बुद्ध ना गॉड वाला या चमत्कार वाला उनके पास कुछ नहीं है, और बाकी जो लोग हैं सारे वो गॉड वाले हैं, वो चमत्कार वाले हैं, गॉड वाले हैं, और बुद्ध गॉड वाले नहीं है। दूसरी बात यह कि बुद्ध धर्म नहीं है, ना ही बुद्ध क्या बुद्ध रिलीजन है, ना ही वो मजहब है, बुद्ध तो सेपरेट एक फिलोसफी है, जो लिविंग है, जो जो जीत जीने की है। तो आप जब भी चर्चा में, यहाँ जितने लोग 115 हैं, वो जब भी बुद्ध की चर्चा करें, तो साफ साफ ये कहें कि भाई बुद्ध का गॉड से कोई लेना देना नहीं है, और बुद्ध का कोई कंपेरिजन भी नहीं है, और हम कोई तो वो लोग आपको कंपेरिजन में खींचेंगे। देखो, कंपेरिजन में खींचते क्या होता है कि जैसे यहाँ मुकेश उदिनिया जी है, ठीक है, और मैं उनको चीफ मिनिस्टर के साथ में कंपैरिजन करूं, तो जैसे ही मैं उनका चीफ मिनिस्टर के साथ में कंपैरिजन करूंगा, तो वो चीफ मिनिस्टर के बराबर के लेवल में आगे नहीं आगे, और वो चीफ मिनिस्टर से तो बड़े हैं, वो तो पूरी दुनिया के हैं, वो तो पूरी दुनिया ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे ही आप चीफ मिनिस्टर के साथ उनका कंपैरिजन करोगे, तो वो तो चीफ मिनिस्टर हो गए छोटे से राज्य के, अब तो वहां झगड़ो आप, पूरी दुनिया से क्या लेन देन। इसलिए बुद्ध को खत्म करने वाले लोग हमेशा बुद्ध को खींच के पहले बाड़े में लाते हैं, किसी रिलीजन में, मजहब में, या किसी कल्चर में बांधने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बुद्ध धर्म ऐसा है और हमारा ऐसा है, पहले तो वो आपको जबरदस्ती एक बाड़े में बांधेंगे। तो जब भी आप बहस करो, जब भी बात करो, कह रहे भैया बुद्ध का किसी से कोई लेना देना नहीं है, बुद्ध तो यूनिवर्सल है, और जितने लोग यहाँ बैठे हो उनके अंदर भी बुद्ध होता है, तो हमारा तुम्हारे की बात ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध का तो कमाल का वर्क है, 750 आदमियों में काम करता है, सारे जीवों में काम करता है, तो इस कंपेरिजन में आप नहीं पढ़ोगे तो आप जीत जाओगे, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है, और वो अपने अब वो अपना हिंदू का कोई आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो अभी का शब्द है, ज्यादा नहीं पुराना, 300-400-500 साल पुराना शब्द है, आप इसका पता कर लेना, ठीक है सर। जी जी, ओके। और ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द है, ये खाली अरबी की लैंग्वेज में डिक्शनरी में मिलता है, और कहीं है भी नहीं, अरबियन डिक्शनरी में।
क्योंकि हिंदू शब्द का पहला जो सर हिंदू शब्द जो आया पहले अलाउद्दीन खिलजी के इसमें जो ये था अलबेरूनी उसकी किताब है तहकीकात हिंद, वो किताब में उसने पहले बार रेफरेंस दिया है तहकीकात हिंद 12वीं शताब्दी का है वो, उसमें वो कहता है डिक्शनरी में इसका मीनिंग है हमारे इंडिया के किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है। वो तो पर्शियन डिक्शनरी में है सर, फारसी शब्दकोश में है इसका, फारसी का शब्द है वो, फारसी शब्दकोश में हिंदू का मतलब होता है काला कलूटा चोर लुटेरा ये इस प्रकार से एक तरह से उसका जो है अर्थ बताया हुआ है सर। नहीं काला कलूटा नहीं है उसमें, है सर बिल्कुल है, मैंने मैंने देखा है सर काला कलूटा है उसमें। आप दोबारा पढ़िए, उसमें है चोर लुटेरा और हरामजादा तीन शब्द हैं, काला कलूटा ओ ओ डॉक्टर लाललाल सिंह जी देखो जो अरब के लोग थे वो सफेद और गोरे होते हैं और इधर भारत के लोग काले होते हैं, तो काला लगा दिया होगा उन्होंने मान लो, तो वो उन्होंने अपने लिए लगाया था जो लोग यहाँ भारत में लूटने आते थे। ना वो यहाँ भारत के लोगों को बोलते थे, काले तो भारत के लोग थे ना, वो लूटने वो आते थे ना, उन्होंने अपने लिए लगाया था हिंदू। ना अपने लिए लगाया उन्होंने, वो दरअसल यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी बता रहे थे कि हम इनको ये कहते हैं। सुधीर दास सर जो सर। बुद्ध की गाथा में जो आता है ना, लंका जम्बू दीपे तीदसपुरवरे नाग लोके चथूपे, नाग लोग के हमारे वंशज है जो कि काले हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो आज भी काले हैं, हमारी नाक मोटी है वो अलग बात है। वही 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 वो अलग बात है कि हमारा मिक्सड हो गया थोड़ा सा। नागाज और द्रविडियंस, नाग लोग द्रविड़ लोग ये हमारे वंशज है जो कि काले हुआ करते थे और उनके बाल अक्सर घुंघराले बाल हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो साउथ के जो लोग हैं उनके बाल सारे घुंघराले होते हैं, नॉर्थ वालों के थोड़े सीधे होते हैं। इसलिए भारत में तो हिंदू शब्द की व्याख्या ही नहीं की गई है आज तक किसी ने भी। सर ये तो 300-400 जैसे सुधीरराज सिंह सर ने कहा 500 साल पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। मुगलों के टाइम उन्होंने गाली के रूप में पहचान के रूप में। हाँ बराबर। हेलो, और आपको एक कमाल बताता हूँ सबको एक बात और ध्यान रखना, एक चीज और बता देता हूँ आपको, मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था अपने दिल्ली में है, तो वो जितने भी उर्दू की किताबें थी सारी किताबों में वो हिंदुस्तान ही बोलते थे, वो भारत नहीं बोलते थे, भारत सिर्फ एक बार बोलते थे जहां भारत का आईन यानी भारत का संविधान था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम सारे सारे लोग ना ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोलते हो, तो एक प्रोफेसर था उसने ये कहा कि भाई देखो ये बिल्कुल ठीक बोलते हैं, इनको आदत पड़ी हुई है। कारण क्या है, जो मुगल आए थे वो ये कहते थे कि ये हिंदू हैं और जिस स्थान पर रहते हैं वो हिंदुस्तान हो गया, तो अगर हिंदू गाली है तो गालियों का स्थान हो गया, इसलिए वो लोग आज भी गाली बकते हैं हमको, जितने भी मुस्लिम हैं वो आज भी गाली बकते हैं भारत के लोगों को, वो कहते हैं ये हिंदू और स्थान है, तो इसको हम गर्व से कहते हैं। हाँ गर्व से कहते हैं। हेलो जी जी हाँ आपको ही देख रहे थे हम, कहाँ पर हो सर? सर सर दरअसल क्या है ना, कभी कभी हम लोग अपने पूर्वाग्रह से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि भाषाओं के भी अलंकरण में गलती कर बैठते हैं। दरअसल फारसी में सा को हा कहते हैं, सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, वो फारसी का अपना एक नुक्ता है। तो फारसी में जब वो इन्वेडर भारत में आए, अरब आक्रमणकारी लगभग 700 AD के आसपास, जब भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है अलप्तगीन सुबुक्तगीन के समय से, तो जो सिंध नदी कहते थे इसके आसपास जो चराते थे, तो उसको उन्होंने इंगित किया सिंध नदी से, तो सिंध नदी को वो हिंद नदी कहने लगी। और फारसी में इस्तान का नाम होता है स्थान, भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया, तो सिंध नदी के पार का क्षेत्र, तो उससे वो हिंदुस्तान कहने लगे। उससे उनका मकसद किसी तरह की रेसिज्म या किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से नहीं था, वो केवल एक रेफरेंस देते थे कि सिंध नदी के पार का स्थान, जैसे गांव देहात में नहर होती नदी होती तो कहते नदी पार, वो हम लोग के एक जनरल वर्जन में आ जाता है। तो इसी तरह से जो लुटेरे थे या रेवड़ चराने वाले लोग थे वो इसे हिंदुस्तान कहते थे। अभी सुधीर राज सर ने एक रेफरेंस लिया मुस्लिम या अरेबिक वबोलॉजी का, तो उसमें लगभग लगभग यही है। वो एक बात बताइए, उसमें जॉन विल्सन की थ्योरी भी है जो आपने बताया, जॉन विल्सन ने पुट अप की हुई थ्योरी है,
बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में चारों थ्योरियों का रेफरेंस दिया है। मैं कटके साहब हैं, ये पसंद तो दरअसल अच्छा हुआ कि क्या बोलते साके भाई ने बताया। साके भाई एक बात बताओ मुझे आप, साके भाई जी जी भैया, जो जो ये फारसी के जो अल्फाबेट हैं जो और या जो अरब के अल्फाबेट हैं उनमें ना स्वाद ज्वाद शय शय और जय पांच तरह के शय आते हैं उसके अंदर, पांच तरह के, जो बंदे पांच तरह के शय बोलते हो और पांच तरह के शय में और वो शय का है क्यों बोलेंगे, वो तो शय के एक्सपर्ट है, मतलब शय के एक्सपर्ट हम नहीं है, हमारी पाली में सिर्फ एक ही शय है जो सुधीर वाला शय है, वो बड़ा वाला शय वही है, और कोई शय और कुछ शय है नहीं वहां, और उनके यहाँ तो पांच पांच हैं जो उनके स्वाद में ज्वाद में सीन में शीन में और शय में आते हैं, मैंने उर्दू पढ़ी हुई है, तो आप मुझे बताओ कि जो बंदा शय बोलने में एक्सपर्ट है वो शय को है क्यों बोल रहा है। उर्दू की बात नहीं हो रही सर। अरे सर अल्फाबेट वही है, अल्फाबेट वही है, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके फारसी के और अरब के अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, अरेबिक अल्फाबेट की बात, मैं अरेबिक अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, अरेबिक अल्फाबेट में पांच है। अरेबिक एक्सेंट में कभी आप देखेंगे जब उन्होंने अपना रेफरेंस लिया तो सा से हा का ही रेफरेंस लिया उन्होंने। भाई साहब आप सिर्फ दो तीन बात बता रहे हो, मैं तो आपको अल्फाबेट बेसिक बता रहा हूँ जो बच्चा सीखता है, जो स्वाद है ज्वाद है शीन है शीन है शे, वो इतने एक्सपर्ट हैं कि हम लोग तो सिर्फ सह ही बोलते हैं, अगर जो शय बोलने में सह बोलने में सीन बोलने में स्वाद बोलने में ज्वाद बोलने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो वो सह को है क्यों बोलेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो अरेबिक अल्फाबेट है भाई। आप देखिए हम लोग क्या क्या है, हम लोग क्या सप्ताह बोलते हैं, आप देवनागरी में या पाली में सन्नी बोलते हैं, वो आप उसको देखिए उसको प्रोनंशिएट करते हैं हफ्ता, भाई साहब हफ्ता तो उनका होगा, मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा कि वो, ये तो प्रोनाउंसिएशन का तो दो तीन शब्दों का हो सकता है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो आप मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम जो हिंदी में बोलते हैं ए पे आम आ पे आम या से या टे या टमाटर जो भी है, और कल को हम ये कहें जी हमको टे बोलना नहीं आता, हम तो टे को टे बोलते हैं चे बोलते हैं, हम तो ये बात जस्टिफाई नहीं हो रही है भाई, क्योंकि जो अरेबिक अल्फाबेट है वो शे को बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं, शे को है बोल नहीं सकते। सिंधु नदी भी तो इंडस रिवर थी ना, इंडस। अतुल सर ऐसा है, ये सारा नया इतिहास लिखा गया है, अंग्रेजों ने लिखा हुआ है, जिसको कि जैसे वी एस स्मिथ हो गया, मॉर्टिमर व्हीलर हो गया, ये जो नए है इनको जो रेफरेंसेस दिए थे यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने दिए थे, जो कि अपने हिसाब से उनको देते थे उसके हिसाब से, हमें चार पांच जो थीसिस है खासकर जो हाइपोथेसिस है उनको ज्यादा गहराई में जाके खोजना होगा, जैसे कि सुधीर राज सिंह सर बता रहे ग्रामेटिकल क्या चीजें है, इसके ऊपर गहराई से अगर हम ज्यादा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, अभी तो तीन चार थ्योरी है कि कौन सी थ्योरी सही है गलत है, इसके ऊपर डीप में जैसे ये क्या बोलते हैं उसको जेनेटिकल अगर रिसर्च होगा तो ज्यादा बातें सामने आएंगी। ऐसे तो ये इंडस रिवर को स्लैंग में इंडस को जो बोलते हैं ना इसको इंडस ऐसे कुछ चेंज होके हुआ है इंडस हिंदन हिंडन तमाम अपभ्रंश देखने को मिलते हैं, और अलग अलग भाषा अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी सेट करते हैं अपनी अपनी जरूरत और अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बराबर सही है। एक बात और मैं सभी साथियों को ऐसे में सुनता हूँ, साइंस जर्नी और ह्यूमन विद साइंस दो ऐसी अच्छी जो यूट्यूब चैनल है जो रिसर्च बेस्ड काफी कुछ नया जो है ना, हम जो बात कर रहे हैं जैसे उसकी कर रहे थे अपने 185 की पुष्यमित्र संकीर को वो कौन थे, वो सब चीजें उन्होंने काफी क्लियर कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड। सर साइंस जर्नी में इतना बढ़िया बताते हैं वो, साइंस जर्नी और साइंस दोनों मिलके दोनों के आपस में वो भी है इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। सर हाँ यस मैम, ये हिंदू कुश की पहाड़ियों वाला क्या था चक्कर, कि जो हिंदू कुश की पहाड़ियों की तलहटी में लोग रहते थे उन्हें हिंदू कहा, क्योंकि एक तो रीजन बिहाइंड ये भी है कि वो अल्फाबेटिकली जो प्रॉब्लम थी उनको वो तो थी, लेकिन मेन रीजन ये भी रहा है कि वो जानते थे हिंदू वर्ड का मीनिंग क्या है ना, तो ये दोनों चीजें थ्योरी बिल्कुल लगभग सही है, कि एक तो उनको अल्फाबेट प्रोनंशिएट करना नहीं आता था, दूसरा वो मीनिंग जानते थे कि ये हिंदू वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
तो उन्होंने तो पूरा हिंदू कुश की पहाड़ी मतलब पूरा पहाड़ के इधर के लहर तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कह दिया, हिंदू कुश की पहाड़ी की तलैटी में जो लोग रहते हैं, जो इस तरह से करके ये वर्ड फेमस हुआ है। हाँ, आप जो कह रही बहन जी वो भी एक थ्योरी है, ऐसी चार पांच थ्योरीज है। जब तक साइंस जर्नी जैसा चैनल खासकर इस बात पे ज्यादा गहराई से रिसर्च कर रहा है, ऐसी ज्यादा सखोल रिसर्च नहीं होती तब तक हम फाइनल नहीं आते। हम तो लॉजिकली सोचते हैं, इस साइंटिस्ट ने ऐसा कहा, उस साइंटिस्ट ने ऐसा कहा, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा, इंडोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा, तो ये बातें आगे चलकर क्लियर हो जाएगी जैसा साइंस का जितना ज्यादा रिसर्च होगा। मुझे तो रीजन बिहाइंड ये लगता है कि वो जानते थे कि भाई वो हिंदू वर्ड का मीनिंग खुद एक्सप्लेन कर रहे थे, और उन्होंने ये जो नदी के इस पार वाले लोग उनको सेपरेटली कर दिया कि वो इस बिहेवियर के लोग हैं, जो उसको पहाड़ी को ही झाड़ी को ही उन्होंने हिंदू कुश कह डाला है ना। बेंच मैं क्या समझता हूँ कि जैसे सुधीर राज सिंह ने कहा ना, फोनेटिक्स में ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे अंग्रेजों को हमने कोई भी हिंदी शब्द बताओ तो अपने हिसाब से अलग से ही प्रोनाउंस करेगा। जैसे ये उधर से जो फारसी लोग आए थे हमारे हिमालय को पार कर कर हमारे जमीन में आए थे पठारों में, तो उनको ये शब्द प्रोनाउंस नहीं किया करते आता था, इसीलिए ऐसा होता गया। तो ये जो फोनेटिक्स का जो है इसमें भी बहुत सारा रिसर्च किया जा सकता है। एक रीजन तो ये भी है कि ये बात भी सही है कि वो आज भी हमने देखा है कि ये लोग जो मुस्लिम्स है ये ज वर्ड नहीं बोल पाते, जा बोलते हैं, ज और जा में कंफ्यूज रहते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा नहीं है। जो जीम शब्द है वो बिल्कुल क्लियर जे है, और जो जीम की जगह जो जे है वो अलग है, और जबर का जे अलग है। कई कई तरह के जे हैं उनके अंदर, उनका जे अलग अलग तरह के हैं, और जीम जो है वो जी से आता है। लेकिन ये चीज तो हम लोग समझते हैं, बट अगर आप किसी मौलवी से किसी से भी बात करोगे, मुस्लिम से बात करोगे, मोस्टली उनके ये होता है कि वो जा शब्द का इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो जायका नहीं बोल सकते, वो जायका बोलते हैं। वो बहुत ही मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली जब वो जमीन बोलते हैं तो जमीन ही बोलते हैं, और जब वो जीनत बोलते हैं तो जीनत बोलते हैं। उनको बिल्कुल क्लियर है, उनके नाम से तो बहुत अच्छे होते हैं। भाई साहब मैंने तो सुना इनके मुंह से, मैंने जमीन वर्ड का भी इनको कई बार पूछा कि नहीं, वो आप वो बेसिकली आप वो जो आप जो सुन रहे हो ना, वो यहाँ के लोग हैं, वो बेचारे सीख नहीं पाए उनके फोनेटिक्स ना, वो तो बेसिकली इंडियन लोग हैं सारे। अगर आप किसी पतली नाक वाले गोरे किसी मुसलमान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो बाहर का होता है। जैसे ये देखो मैंने इनसे कई बार बात करी है, ये उस्मान लुधियानवी है, यहाँ लुधियाना के बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ मैं उनसे कई बार टोकती भी हूँ कि आप बहुत ज्यादा जा का इस्तेमाल करते हो, जा वर्ड को मतलब जा अल्फाबेट को आप कहीं छोड़ते ही नहीं हो। उनके उनके जो जो उनके जो अल्फाबेट है उसमें पांच अल्फाबेट ऐसे हैं जो जो गले से बोले जाते हैं, जैसे हक हक बोलेंगे तो गले से आएगा, तो जैसे वो इजीली नहीं बोल पाते है। दो तरह का होता है, एक गले से बोला जाता है, एक जबान से बोला जाता है। तो ऐसे ही ऐसे काफ होता है, ऐसे गाफ होता है, तो ये अलग अलग तरह के हैं। उनके बोलने का तरीका पूरी दुनिया में बोलने के तरीके अलग अलग से होते हैं, इसलिए जो भारत के जो लोग हैं जो कर्मठ हुए हैं उनको नहीं बोलना आता, और जो वहां के आए थे वो सीख जाते हैं। मैं एक मिनट और बोलना चाह रहा हूँ। सभी को ज्यादातर पता भी होगा वैसे कि जो जजिया कर लगाया था उस टाइम ये सारे जो ब्राह्मण थे इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि हमारे पे मत लगाओ, और हम जो है ना हिंदुस्तान मतलब जो इंडिया के नियर हिंदू जो हिंदू यूज करना है ये गाली है, तो हम तो हिंदू है नहीं। और वो हिंदू यहाँ के लोगों को सेपरेट करने के लिए आइडेंटिटी के लिए एज ए गाली समझ लो इसलिए करते थे, तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया था जजिया कर से। तो ये हिंदुस्तान जो बोल रहे हैं खासकर आरएसएस से ये लोग, ये तो ठीक बोल रहे हैं, इनको तो पता है, या फिर कुछ मोमडन है जो जिनको पता नहीं है वो अनजाने में बोलते हैं, और हम एक्चुअल में है ही नहीं, बाकी लोग यहाँ के बहुजन है वो तो हमें पता ही नहीं है कि ये चीजें, तो हम तो है ही बौद्ध ओरिजिनली वैसे भी। सर परियार सर, बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसीलिए कहा था
कि हम जो ये एससी एसटी और ओबीसी है हम हिंदू नहीं है। हाँ, जैसे जैसे जो क्रिश्चियन लोगों में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक जो है तो उन्होंने शब्द दिया था कि हमको प्रोटेस्टेंट हिंदू कहा जाए, हम वी आर नॉट हिंदू, और इसी बेस पे रिजर्वेशन मांगा था बाबा साहब ने, प्रतिनिधित्व मांगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वर्ड यूज करना क्यों बंद नहीं कर रहे, तो इनको तो पता है मुस्लिम्स में भी मोस्टली खान पठान ज्यादा यूज करते हैं शब्द को, जो यहाँ पे ओबीसी एससी में आते हैं मुस्लिम सर। अभी आरएसएस वाले इसीलिए हिंदू और हिंदुस्तान कहना चाहते हैं, यस यस, क्योंकि वो एक इसमें बांधना चाहते हैं सभी लोगों को। बिल्कुल, और एक एक टाइटल के अंदर सब कुछ उनका हासिल हो जाता है। कुछ हो वो तो अपना फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें तो पता है हम तो 2% हम तो है नहीं, लेकिन चलो सबको मिला के हमें फायदा उठा रहे हैं। एक न्यूज प्रेस रिलीज निकाला था हमने कि देश का नाम बुद्धिस्तान होना चाहिए ना कि हिंदुस्तान, में हिंदू की परिभाषा भी लिखी थी। और भारत बहुत सही है, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इन इंडिया संविधान में जो है लिखा है। सुन लीजिए भाई, हिंदू की परिभाषा भी लिखी थी, हिंदू माने चोर लुटेरा और हराम ज्यादा होता है, और ये प्रेस रिलीज दिल्ली के सारे अखबारों को देख के आए थे, एक अखबार ने छापा एक खबर को, मुकेश जी की हिंदू अखबार सर प्रवेश आवाज आ रही है करना, कोई मेरा तो है नहीं ऐसे। इस खबर को दी हिंदू ने छापा अपने अखबार में फ्रंट पेज पे, इस देश का नाम बुद्धिस्तान होना चाहिए ना कि हिंदुस्तान, और हिंदू के माने ये चोर लुटेरा जो होता है, चार तीन कॉलम की बड़ी खबर को फ्रंट पेज पे छापा द हिंदू ने। और किसी वो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप होना चाहिए, कि लंका है जम्बूद्वीप है, तिदे से पुरवरे नाग लोके चतुपे सबे बुद्धस्त बिंबे सकल दशरी से केसलो मादि धातु। बुद्ध को क्यों माना जाता है तो जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है, और शंभो नागो ऐसा भी एक शब्द आता है। जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिख के चले गए तो अब किसके कितने नाम बदलवाओ। नहीं नहीं, ये बहस चल रही, इसीलिए बता रहे हैं, ये तो बाबा साहब ने भारत दैट इज इंडिया कहा है तो ये तो हमको मानना ही होगा। हाँ, तो दो नाम तो तब भी रखे ही ना, आज भी दो ही नाम है, अभी तो एक नाम नहीं है देश का। इंग्लिश में इंडिया है, हिंदी में भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लाल परिचय रह गया तो परिचय करवा लो एक बार, कोई भाई किसी का नए फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या हुए हैं एक दो बार हुए हैं तो वो अपना परिचय दे दें। हैंडेज है तीन उनका, रियलमी 5S और रेडमी, रेडमी तो अपने वो पुलिस वाले भाई होंगे शायद, रियलमी 5S ये भी है, परिचय दें जिनका हैंडेज है वो बोलें। सर हमारे बीच कीर्तिराज प्राध्यापक कीर्तिराज लोनारे जो है, लोनारे साहब परिचय दीजिए ना। हाँ ये मैंने नोट किए हैं 5-6 नाम, कीर्तिराज लोनारे हैं, पप्पू जी भारत से भी हैं, नंदेश चिंचोड़े हैं, कीर्तिराज लोनारे जी हैं, पप्पू जी बालसे का हो गया नहीं, शुभांगी मालकेड़े मैडम है, एक विशाखा सेवंत ये कुछ ऐसे नाम से भी, हाँ विशाखा सावंत मैडम भी है। कीर्तिराज लोनारे सर, प्रकाश सिंह जी नहीं बोले आज कुछ, प्रकाश जी आप भी बोलिए, प्रकाश जी, प्रकाश जी लोनारे सर परिचय दीजिए ना जी। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम, आ रही आवाज, बोले लोनारे जी। हाँ जी, आज की जो चर्चा है ये बहुत सारे जो परिचय उसमें चली है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और उसके क्वेश्चन आंसर हुए है, तो ये होना जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ लोगों को बहुत सारे बातें मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं, तो इससे क्या होता है कि सभी को ये मालूम होता है और बुद्धिज्म क्या है ये पता चलता है। मैं बात हो गई महाराष्ट्र से, कीर्तिराज लोनारे बात कर रहा हूँ, और मैं
ग्रेजुएशन एमए पीएचडी वगैरह ये जो नेट सेट वगैरह एग्जाम पाली में किया हूँ, तो इसमें क्या है कि बुद्ध कहते हैं धम्म काये न पश्यति, जब हम आचरण में लाएंगे ये बातें जो है आचरण में लाने की जरूरत है। हम बातें करते रहते हैं लेकिन आचरण में लाते नहीं, हम एडॉप्ट करते नहीं, हम स्वीकारते नहीं, तब तक हम धम्म जिएंगे नहीं। ये सही बात है। तो अभी कटके साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जो इस ग्रुप में जुड़ा हूँ तो कटके साहब के वजह से जुड़ा हूँ। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि आप इस हुई हम इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और धम्म पे जो चर्चा हुई है हर बार होना चाहिए, क्योंकि कालाम सूत्र में जब बताया है तो ये कालाम सूत्र बहुत अच्छा है, बार बार पढ़ना चाहिए। और बुद्ध एंड इस धम्मा जो ग्रंथ है ये बार बार पढ़ने से हमें नए नए क्ल्यू मिल जाते हैं। माइंड एंड मैटर जो बात चली है, नाम और रूप, ये नाम और रूप हमें मिलिंद प्रश्न जो है इस ग्रंथ में उसका पूरा डिटेल्स हमको मिलता है। तो ये जो भाई साहब किसी ने बताया कि आत्मा पुनर्जन्म, ये जो बातें है वो अव्याकृत बात है, तो उसमें ज्यादा चर्चा न हुई तो अच्छी बात है। उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है हमारे पास है बुद्धिज्म में, तो वो बता के हम आगे चलेंगे। सर न सर सर सुधीर राज ने तो बोल जी जी सर जी बहुत अच्छा। तो धम्म के बारे में जब जब चर्चा चलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा पुनर्जन्म होता है फिर आप वो कर रहे हैं जी सर। थैंक यू। खड़गे सर। हाँ यस यस सर बोलिए ना। अतुल जी बोलिए। मेरी एक कौतूहलता है, अगर आपका आदेश हो तो मैं पूछूं। अरे मेरा आदेश की क्या जरूरत है, सर बैठे ना। सर अगर लाल सर बैठे बौद्ध धम्म ये कहता है, या हमारा धम्म ये कहता है कि जगत अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये जगत का नियम है, तो फिर हम बौद्ध धम्म में अनुसरण करने की क्या बात करते हैं जिसमें तात्विक रूप से परिवर्तन हर घड़ी हर क्षण प्रतिपल हो रहा है, प्रतिपल ये प्रकृति अपना रूप बदल रही है, ऐसा बुद्ध ने माना है। प्रकृति परिवर्तनशील है, चित्त चलायमान है, इसलिए चित्त की स्थिरता की बात करते हैं वो। तो हम अनुसरण किन चीजों का करते हैं जब प्रकृति अपना रूप बदल ही लेगी और उस प्रकृति में रहने वाले जीव उसी के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति जीवों को और चराचर जगत को या इसके पदार्थ को अपने हिसाब से अपने मोमेंटो से अपने आवेग से ही चलाती है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ साइंटिफिक गतियां हैं। उन तमाम गतियों के आवेग में जब प्राणी या कोई कोशिका गमन करती है तो उसमें अपने हिसाब के होमियोस्टेसिस या मानवस्थैतिकी संतुलन उत्पन्न होते हैं, वो उसके अपने ऑटो करेक्शन में है, ऑटो कोऑर्डिनेशन में है। उस डॉक्टर साथी भी हैं, वो भी जानते हैं कि होमियोस्टेसिस, मान लिया हमारा जो पीएनएस और सीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पृथ्वी और ग्रहों की बहुत सारी गतियों से प्रभावित होता है, तो ये परिवर्तनशील जब है। तो बौद्ध धम्म में बार बार हम लोग अनुसरण करने की बात करते हैं तो ये तो किसी एक ऐसी जड़ चीज को प्राप्त करने की बात करता है जो कहीं स्थिर हो गई हो, उसको हम किसी प्रैक्टिस से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो खुद में चलाए मानो कैसे अचीव कर सकते हैं कौतूहल। अतुल सर ऐसा है, बुद्ध ने जो आपने कहा सभ्य संकार अनिच्छाति और सभ्य संकार अनत्थाति, अनिच्छाति यानी जो भी कुछ कोई चीज निर्माण होती है नष्ट होती है, अनित्य थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस। दूसरा सभ्य संकारा अनत्ता थी, मतलब सभी संस्कार सभी धम्म अनात्म होते हैं, आत्मा जैसी परमानेंट कोई चीज नहीं होती। लेकिन बुद्ध ने कहा ये तो मुझे समझना होगा, अगर मैं इन चीजों का पालन तब जब तक नहीं करूंगा तब तक मुझे इसका अनुभव नहीं होगा, मेरे खुद के अनुभव के लिए। और ये जो जो चक्र है दुख से दुख का चक्र, इसको मिटाने के लिए मुझे ये अनुसरण करना होगा। जिस दिन तक मैं अनुसरण करता रहूंगा एक ऐसा समय आएगा कि मुझे समझ में आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि इसको चक्कु उदपादी, ज्ञान उदपादी, पहिया उदपादी, विज्ञा उदपादी और आलोक उदपादी, ये अगर मैं अनुसरण करूंगा मेडिटेशन से खुद अनुभव लेता जाऊंगा तो मेरे चक्षु उत्पादित होते हैं, ज्ञान उत्पादित होता है, प्रज्ञा विकसित होती है, विद्या उत्पादित होती है और आलोक यानी प्रकाश उत्पादित होता है, मुझे सब समझ में आ जाता है। इसके लिए ये अनुसरण करना होगा जो कि निसर्ग का नियम है, जो बुद्ध ने कहा था वही हमें करना होगा। प्रकाश सिंह भी बैठे हैं, कुछ बोले हैं आज। प्रकाश सिंह जी, प्रकाश जी, हेलो जी जी, आप लाल सिंह सर जी,
मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना दें, क्योंकि आप सभी साथी मुझसे कई गुना सीनियर हैं, तो मैं चाहता हूं इस प्रश्न का कहीं हम लोग एक उत्तर ढूंढ लें। अतुल जी, आपको उत्तर मिला, सेटिस्फाई नहीं हुए आप उत्तर से? नहीं नहीं, सेटिस्फाई नहीं। अच्छा सुनिए, आप सुनिए, देखिए सर, सर सबसे पहले तो जरूरत है कि धम्म यानी क्या। अतुल जी, आप ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ अपने आप होना है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम फिर धम्म क्यों अपना रहे हैं, क्या 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 बताया? नहीं 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 नहीं, फिर से इसको मैं क्लियर कर दूं, सरल शब्दों में करना, सरल शब्दों में। हाँ, बहुत सरल शब्दों में करूंगा। बौद्ध धर्म अभी सर ने कहा, खड्गे सर ने, कि अनात्मवाद और अनीश्वरवाद के सिद्धांत को मोटा मोटा मानता है और ये कहता है कि जगत अनित्य है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और जो प्रकृति परिवर्तनशील है तो प्रकृति के स्फीयर में आने वाला, इस सेट में आने वाला प्राणी हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, वो प्रकृति के संतुलन में ही अपनी गतियों से परिवर्तनशील है और उसके रूप आकार प्रकार और उसके केमिकल रिएक्शंस जो भी होंगे वो भविष्य में उसी के हिसाब से तय होंगे जो वो ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहे हैं। और ऐसा एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी भी मानती है, मेडिकल साइंस भी यही मानती है कि नित्य शरीर में कोशिकाओं में उसकी उम्र को लेकर, उसके करेक्टरिस्टिक्स को लेकर निरंतर परिवर्तन आते हैं। बंदर बहुत बुद्धिमान हो गए, इंसान पहले बुद्धू था, बुद्धिमान हो गया है। आप साइंस, आप प्रश्न पे आ जाओ तो एक लाइन पे ज्यादा अच्छा है। नहीं प्रश्न सुधीर भैया, प्रश्न भी स्पष्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तो हम लोग एक आसक्त भावना से कुछ आचरण के या कोड ऑफ कंडक्ट के सिद्धांतों को मानकर जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, जब कभी आप किसी अनुशासन में होते हैं तो एक जड़ चीज को प्राप्त करते हैं, यानी ये एक प्रणाली है। आप ये कह रहे हैं कि आप क्या प्राप्त करते हैं, आप ये करते हैं, ये तो आपकी इच्छा है, हम क्या नहीं, प्राप्त करते हैं, आप प्रश्न पे आओ ना, आप प्रश्न पे आओ, क्लियर प्रश्न करोगे, ये प्रश्न है मेरा। आप पहले देखो क्या है आपके साथ, एक दिक्कत ये है कि पहले आप अपनी पूरी फिलॉसफी जो आपके माइंड में चल रही होती है, जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं, या जो आपने पढ़ी लिखी है, या जो आपके जानकार है, पहले आप उसमें आते हैं और फिर इतने सारे एफर्ट लगा देते हैं उसमें, प्रश्न इतना घूम जाता है। स्पष्ट बताओ कि ये पूछना है। दरअसल देखिए क्या है ना, ये भी अपना एक तरीके का, जिस आवेग से या जिस परिवेश में मैं चाहता हूं उसकी कुछ भूमिका पहले बना देता हूं ताकि लगे कि प्रश्न उसी। सर आप भूमिका देखो, ऐसा है हमें, आप भूमिका बना रहे हो मगर हमें प्रश्न में इंटरेस्ट है, आप भूमिका बाद में बता देना, प्रश्न जवाब पहले। मैं एक सीधा साधा प्रश्न पूछता हूं और प्रश्न में फिर आप उससे कहोगे अतुल थोड़ा सा इसको क्लियर करो। मैं प्रश्न ये पूछता हूं कि बुद्ध के मार्ग से बुद्ध बुद्ध ही हो सकते थे या कोई भी आदमी उनके मार्ग से बुद्ध हो सकता है, क्योंकि हमें तो बुद्ध का पहले वाला जीवन जीना है। आपने यदि लगा दिया, आप एक प्रश्न में आ जाओ, जो प्रश्न है उसका जवाब दे। अरे मैं एक सीधा प्रश्न करता हूं, मुझे इंटरेस्ट है बुद्ध के उस अवस्था में जो राजत्व अवस्था थी, हमें राजत्व चाहिए, हमें बुद्धत्व में विश्वास नहीं। भैया पहली बात तो बुद्ध कभी राजा ही नहीं था, पहले भी आपको बताया, फिर बताया, कई बार बताया, आप मुझे कहीं एक उदाहरण बता दो कि वो राजा था, उसका दरबार था, उसकी सेना थी, वो सेनापति था, उसका कोई खजाना था, खजांची था, उसके दरबार के कोई क्या चिन्ह दिखा दो, कोई शिलालेख दिखा दो, कोई साहित्य दिखा दो, कोई व्यक्ति दिखा दो, मुझे तो आज तक मिला नहीं। भाई पहली बात तो ये सुन लो कि वो ना वो राजा था, ना वो राजा था, ना वो राजकुमार था, वो खेतिया था, वो कृषक था, वो अपने खेत में खेती कर रहा था, उसका जिक्र है। अब बताओ आगे, आप श्रीलंका के दीप वंश वगैरह में किसी ने हमसे बताया? अरे भाई श्रीलंका की जो चीजें हैं वो यहां से गई हैं, यहां की बात करो, दीप वंश जो साहित्य वो घूम के आया है, कहीं कोई नहीं कहता। जब क्या है कि जब बुद्ध को खत्म करना था तो उन लोगों ने उसको हमसे दूर करने के लिए राजा और राजकुमार की कहानी गढ़ी। वो गण परिषद था, कितनी बार बताया कि साके गण परिषद था, एक कोलिय गण परिषद था। नहीं सुधीर भी, हम तो एक बात मानते हैं, जो आदमी आम होगा वो इतना खास चर्चा में होगा नहीं, थे जरूर कुछ ना कुछ। किया गया है बार बार कहते हैं, आप भी आप इस बात को समझिए, आज मैं कहता हूँ बड़े दमदार शब्दों में इस बात को, कि बार बार आप ये कहते हैं कि वो किसान थे, खेतियर थे, गाजर मूली उगाते थे, लेकिन आप ये सोचो कि आज की डेट में जब आधुनिक युग में पैसे के बिना किसी पॉलिटिकल पावर के आदमी संचालित नहीं हो रहा, आदमी के हिडन और ओपन मोटिव सारे पटल पे हैं, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध को कौन प्रचारित कर देगा, ये बताइए आप। भैया रे, जो बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं वो बुद्ध ग्लैमर का कुल भी ऐसा ग्लैमर का प्रचार का कारण नहीं। मुझे बाबा साहब आम आदमी नहीं थे क्या, इनको क्यों कौन समझा रहा है भाई? बाबा साहब आम आदमी थे, गरीब थे, और कहां पहुंच गए आप, इस बात को क्यों नहीं मान रहे? सुनो भाई, साके भाई, साहू जी जैसी रियासतें लगी रही हैं, समाज की पीड़ा रही और बहुत सारे उनके पीछे फंडर रहे हैं। हाँ तो बुद्ध के साथ अनाथ पंडित जैसे व्यापारी लगे रहे और प्रसन्न जी जैसे राजा थे, ऐसा नहीं है। और बुद्ध फिर भी उनसे पैसा नहीं लेते थे, वो सिर्फ उनको बिहार वगैरह देते थे और वो जब पढ़ाते थे उसका खाना लेते थे। पहले आप पूरा समझो कारण क्या है, अभी आप लेट ज्वाइन किए हो, मैंने सारा बताया था कि जब किसी को खत्म करना होता है तो उसको पहले अलग किया जाता है। जैसे आज आप मुझे यहां से खत्म करना चाहते हो,
तो आप मेरा इतना प्रचार करो, मुझे इतना मान्य बोलो, इतना मुझे सम्मान्य बोलो कि तार जो सारे मेरे लोग हैं वो मुझसे ईर्ष्या करने लगे, तो मैं अपने आप ऑटोमेटिक अलग हो जाऊंगा। और अगर ऐसे भी अलग नहीं होता हूं तो आप मुझे लालच दो और क्या बोलते मान सम्मान दो, मुझे कुछ चीज दो, तो मैं अलग हो जाऊंगा। या ऐसे भी नहीं अलग होता हूं तो आप मुझे कोई अवतार बना दो, या ऐसे भी नहीं अलग होता हूं तो मेरी रूप रचना बदल के कहीं लिखो, और ऐसे भी अलग नहीं होता हूं तो मुझे अपने में घोषित कर दो कि भाई ये तो हमारा ही खानदानी था, और ऐसे भी अलग नहीं हो जाओ तो साफ साफ कह दो कि इसकी माँ का जो ये पैदा हुआ है, इसके बाप से पैदा नहीं हुआ, वो कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण इसकी माँ के साथ में सत्संग किया तब ये पैदा हुआ, ये तो ब्राह्मण ही है, तो ऐसे बोल दो। खत्म करने के भैया बहुत तरीके उन्होंने बना रखे, हमारे महापुरुषों को सबको खत्म किया गया है, तो बुद्ध को खत्म किया गया अवतार बना के, बुद्ध को खत्म किया बहुत बड़ा आदमी बना के, बुद्ध को खत्म किया राजा बना के, बुद्ध की बात किसी नहीं मानी, बुद्ध का सारा जो साहित्य मिलता है हमें घूम के पूरी दुनिया से, हमारे यहाँ साहित्य खत्म कर दिया, सारे बिहार खत्म कर दिए, सारे लोग खत्म कर दिए, और आप कहते हो कि बुद्ध राजा था। भाई वो राजा जो इसलिए बनाया गया कि ताकि प्रजा उससे दूर हो जाए ऑटोमेटिक, भैया राजा है तुम मत छूना उसको, वो राजा है तुम्हारी औकात नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम मत जाना उसके पास ज्ञान के पास। ये तो अच्छा हो जो बर्मा के अंदर जो किसान थे और जो क्या बोलते म्यांमार के अंदर जो किसान लोग थे, उन किसानों ने इसको धर्म को बचा के रखा, विपश्यना को बचा के रखा, और वहां से ही हमारे पास आई है और जो दोबारा चल रही है। आप जानोगे तो थोड़ा पता करेंगे, आप किताबों के ऊपर चलते रहोगे तो किताब तो भैया सब खत्म करके उन्होंने उल्टी पलटी कर दी है, किताबों में कुछ नहीं पढ़ा हुआ। बोलिए सर। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि राजा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ विशिष्टता तो थी ना, सपोर्ट तो भैया विशिष्टता मेहनत करने की थी, मेहनत की उन्होंने अपनी 6 साल लगातार उन्होंने मेहनत की, सारा कुछ जो सिस्टम था जो लोग उनको सिखाते थे वो सीखा उन्होंने, कहा भाई सबका सीखा मैंने, जो उनका लास्ट जो टीचर था उससे कहा जी जो मैंने सिखा सकता था यही है। तो बुद्ध ने कहा भाई, उस समय सिद्धार्थ गौतम दास, सिद्धार्थ भाई दुख नहीं गया, मैं तो ये ढूंढ रहा हूं कि दुख कैसे जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तो ये बताओ कि दुख कैसे जाएगा और ये आता कैसे। प्रश्न बहुत है आपकी तरह है, उनके प्रश्नों के कहीं मिले नहीं उनको उत्तर, कहां-कहां घूमते रहे। 6 साल के बाद में जब उन्होंने कहा भैया खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन्होंने खुद ही मेहनत की, और वो उन्हें 11 साल की एक ध्यान याद आया कि जो उन्होंने पेड़ के नीचे खेत चलाते समय, जब उनके यहाँ बप मंगल उत्सव हो रहा था, बीज बोने का उत्सव, तो खेत में जो चला रहे थे, खेतों में बैठे हुए थे, तो एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लग गया ऑटोमेटिक। ये ध्यान लग जाता है, कुछ लोगों का ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, जैसे गुरु नानक है उनका ध्यान लग गया जल्दी, ये कुछ संत हुए जैसे कबीर का ध्यान लग गया अपने आप ही, अब कबीर तो ना पढ़े ना लिखे ना कोई बुद्ध आया, अपने आप लग गया, ऐसे ही उनका भी ज्ञान लग गया। बहुत लोगों में मेडिटेशन तुरंत हो जाता है, बहुत लोगों में पूरी जिंदगी निकल जाती है वो मेडिटेट नहीं कर पाते, इसका एक्सपीरियंस मुझे है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका तो मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ आपको। बराबर है, बुद्धत्व का बीज होना जरूरी है और बीज फूलता फलता भी है। दूसरा सर, ये जो आपने बताया ना सुधीर सर, जी सुधीर सर आपने जो बताया सावित्रीबाई फुले की आज की न्यूज है, सावित्रीबाई फुले का जो घर है जहाँ पर उन्होंने पाठशाला शुरू की थी, उसके सामने बोर्ड लगाया गया साध्वी सावित्रीबाई। बिल्कुल लिखा है उसके सामने, मतलब जो साधना करती है उसको साध्वी बोलते थे, जो साधना करती है। लेकिन अभी साध्वी शब्द को तो गलत, मतलब वो उन अलग तरीके से यूज करते हैं। नहीं वो तो उसको ऐसा ना, अब बाबा साहब अम्बेडकर को वो अवतार घोषित करने में लगे पड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर नाम वही करवा रहे हैं, लेकिन उस नाम को ही बदनाम कर दिया। वो मॉर्निंग के प्रेयर में बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है अभी। हाँ, अब उनको गॉड बना देंगे, थोड़ी देर बाद उनके टेम्पल बना देंगे, खत्म बाबा साहब। अब कहते रहे ना बाबा साहब बड़े चमत्कारी थे, फिर वो ब्राह्मण टीचर तो बताते ही है कि कोई ब्राह्मण टीचर का आशीर्वाद था वरना बाबा साहब कुछ नहीं जानते थे, ये सब चीजें चलती रहती है। एक साक्य जी ना बार बार परिवर्तनशील की बात करते हैं, वो परिवर्तनशील उसको हम यूं नहीं है, बहुत लंबा टाइम की बात, बहुत लंबे टाइम में वो चेंज होता है जो हमें समझ आता है, जो विजिबल चेंज, अदरवाइज ये थोड़े टाइम में कुछ वो नहीं है कि इतने कम टाइम का चेंज है ये। ठीक है, चेंज क्षण हर क्षण चेंज हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन जो मेजर जो विजिबल चेंज है ना वो लॉन्ग टाइम होता है। परियार सर जी, एक दिन में मनुष्य का मन भी सुबह शाम दोपहर कई बार चेंज होता है, मैं उस अनित्य की बात कर रहा हूँ, वो जो आप लार्ज स्केल पे सोशल चेंजेस पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं या वैल्यूज के चेंज की, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके मन की बात कर रहा हूँ। विपश्यना करके 7 दिन बाद निकलिए, फिर आप रोटी मांगेंगे, फिर आप बेड मांगेंगे सोने के लिए, फिर अतुल सर बराबर विचलित होता है, बार बार विचलित होता है, उस चित्त को हमें एक जगह पे एकाग्र करना होता है, और बुद्ध का सारा सिद्धांत चित्त को एकाग्र करने का ही है। चित्त एकाग्र हो गया उस दिन आप हो गए परिपूर्ण। नहीं है सर, कट के ऐसा नहीं है, चित्त उतने काम नहीं किया है,
एक्सक्यूज मी सुधीर अंकल जी, बोलिए बोलिए बोले बोले। जय भीम, नमो बुद्धाय, माय सेल्फ यशस्वी। अंकल, एज यू कोटेड अर्लियर कि आजकल किताबों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है, सर देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पाली है, और पाली का जो लैंग्वेज है, डिक्शनरी है, और उसके बाद जो विपस्ना की है मैंने, और जो मैंने ये धम्म सीखा है विपस्ना कर करके, और जो खुद का मैंने अनुभव लिया है, और जो डॉक्टर अंबेडकर ने बुक्स में लिखा है, जो उनका खुद का अनुभव है, उस सबसे सारे से जो रिसोर्सेस आए हैं, और जो हमारे महापुरुषों का, उसके बाद में एक इमेजिनेशन पावर डेवलप की है मैंने। जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उसको कलाम सूत्र में डालता हूँ। कलाम सूत्र एक ऐसी मशीन है हमारी जो भगवान बुद्ध ने दी है, कि आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सोचें, कुछ भी देखें, एक बार उस मशीन में डाल लीजिए तो वो मशीन फिल्टर करके बता देती है कि ये हमारे अपने यूनिवर्सल बेनिफिट का है या नहीं है, वहां से हमें पता चल जाता है। तो जितनी भी जो शब्द बदले गए हैं वो उनका हमें पता चलता है पाली से। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम में 16वां जो वॉल्यूम है वो पाली का दिया है। ये सब लोग ध्यान दें इसको, मैं बार बार बोलता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ना तो ये कहा कि आप इंग्लिश का मैं डिक्शनरी देके जा रहा हूँ, ना उन्होंने संस्कृत का दिया, ना हिंदी का दिया, ना मराठी का दिया, और उन्होंने उस लैंग्वेज का दिया जिस लैंग्वेज को उस समय कोई जानता ही नहीं था। और वो बाबा साहब को शायद ये उम्मीद रही होगी कि जैसे पाली पढ़ के मैंने अच्छा अच्छा लिखा है, वैसे शायद पाली पढ़ के बाकी लोग समझेंगे तो अच्छा, वो अपना हिस्ट्री निकाल लेंगे, और सारी हिस्ट्री हमें पाली में मिलती है। तो इसलिए वो रिसोर्सेज जितने भी हैं वो पाली से आते हैं। और ये बाई चांस की बात है कि मैं पाली थोड़ी बहुत जान गया, इससे मुझे पता चल जाता है, और फिर ये मैं वीडियो बना लेता हूँ तो वो जानकारी रहती है, उससे पता चलता है मुझे। अंकल जी, जब उस टाइम पे कोई रिटन सोर्स नहीं था लोगों के पास, कुछ ऐसे लिखने के कोई माध्यम नहीं थे, कोई बुक्स नहीं थी, तो वो डिक्शनरी आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैसे अंकल जी फॉरवर्ड हुई गई? घड़क और भाड़क हुआ करते थे पहले ना, घड़क उनको बोलते थे जो गणना करते थे, भाड़क उनको बोलते थे जो लोगों को पाली भाषा में जो रटा जाता है उसकी वो किराए पर काम करते थे। जैसे आज के समय हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, जैसे SD कार्ड होता है जिसमें हम अपनी मेमोरी स्टोर करते हैं, वैसे ही पहले लोग इस बात के लिए काम करते थे कि जो उनको बोला है वो एज इट इज वैसा है का वैसा ही जितना बोला जाता था उसको याद करते थे, ये उनका काम होता था, और फिर वो लोगों को सुनाया करते थे और लोग उनको पैसा दिया करते थे, तो उनसे पूछा करते थे। ये काम जो बुद्ध के भाई थे, जो आनंद थे, वो सबसे बेहतर थे, वो सबसे उनकी जो मेमोरी थी वो सबसे बेहतर थी। और वो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी बुद्ध के साथ में कि आप, जब बुद्ध ने ये कहा था कि आप मेरे असिस्टेंट बनो, सहायक बनो, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपका सहायक तब बनूंगा जब आप मेरी बात मानोगे। उन सारी बातों में एक बात उन्होंने ये कही कि आप जहां भी जाओगे मेरे बिना नहीं जाओगे, और अगर आप मेरे बिना जाते भी हो तो जब दोबारा आओगे तो आपने वहां क्या कहा, क्या सुना, क्या बात हुई, वो मुझे आप बताओगे। तो वो बात मानी गई, बुद्ध अगर उनके बिना भी कहीं जाते थे तो वहां क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, वो सारी उनको बताते थे। बुद्ध के एक्सपायर होने के बाद में 3 महीने बाद में 500 ऐसे लोग जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, उनकी एक संगति हुई, एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में यह हुआ कि इसको हम गंठ में बांधें, यानी गांठ में बांधें, और इसको एक सीरीज में बांध लें हम। तो वहां गंठ बांधी गई, वो स्टार्ट हुआ जो सावन पूर्णिमा थी वहां से, और वो होली तक चला, जो होली का जो पूर्णिमा है वहां जाके वो पूरे हुआ। और उन 7 महीनों के अंदर जो 500 जो टीचर थे, भिक्कू थे, उन्होंने उसको मेमोराइज किया, उसको सिंपल तरीके से, क्योंकि वो सूत्रों में आता था तो वो गाने में आसान होता था। सारे सूत्र जो गे हैं, गे का मतलब है वो गाए जाते हैं, वो नहीं है ग्रंथ, वो नहीं है गद नहीं है वो, तो वो सारे सारे गा गा के याद किए गए, और उनको उन्होंने सेपरेट करके बांट लिया, हिस्सों में बांट लिया कि भाई तुम ये गाओगे, तुम ये गाओगे, तो ये तुम गाओगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो पूरा कंप्लीट जानते थे, उसको उस समय तक द्विपिटक बोलते थे, यानी 2 पिटक होते थे, बाद में अभिधम पिटक भी बना, तो 3 पेटियां हो गई, और सारे लोग उसको, तो वो जब कथा कहानी सुनाते थे तो वो जो गड़क थे और जो भाड़क थे वो जाते थे, और उनको खाना मिलता था, उनको पैसा मिलता था लोगों को बताने का। तो घर घर में कथा की कहानियां चली उन भाड़क से, उन भाड़क को बाद में भाड़ू कहने लगे, और गड़क की जो गाली बन गई बाद में, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो गालियां बनाई, और वो गालियां इसने बनाई क्योंकि वो हमारे प्रचारक थे, वो सारे के सारे बने। उसके बाद फिर अशोक के टाइम पे अशोक ने लिपि बना ली जिसको धम्म लिपि बोलते हैं, और वो धम्म लिपि बनाने से पत्थरों पे वो लिखना शुरू कर दिया, जो 84,000 पत्थर की किताबें हैं जो आज भी मिलती हैं। उसके बाद फिर जब तांबा आ गया तो वो तांबे पे लिखी गई जो श्रीलंका में चली गई। उसके बाद वो आगे श्रीलंका से समुद्र में होते हुए कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड वगैरह सब देशों में चली गई। फिर बाद में उनका मिलान हुआ म्यांमार के अंदर, तो वो पाया गया कि जहां जहां बताया गया उनमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मगर वो लगभग ऑलमोस्ट ठीक सी है। मगर इसका नुकसान ये हुआ कि श्रीलंका में एक ब्राह्मण भिक्षु था जो अपने आप को बुद्ध घोष बोला करता था,
बुद्ध घोष का मतलब है जो बुद्ध की घोषणा करता था, वो पहले ब्राह्मण था, उसको एक भिक्कु ने, साधारण से भिक्कु ने हरा दिया, उसको उसको प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपना नाम बुद्ध घोष रखा और बुद्ध घोष करके वो श्रीलंका में गया। हालांकि श्रीलंका के लोग उसको मानते नहीं है, पर उसने वहां जाके अपने उस साहित्य में गड़बड़ की और वहां जाके रचनाएं जो उसने लिखी, क्योंकि बुद्ध का जो साहित्य है ओरिजिनल वो तो बहुत कम है और बाद में जो भाष्य टीपक और जो एक्सप्रेशन आए हैं वो बाद के बहुत ज्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग है और हमारे लोग उसको रट्टा मानते हैं और ये मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, जबकि उसको फिल्टर करने का, उसको मेहनत करने का हमें बहुत जरूरत है और ये वही लोग कर सकते हैं जो अम्बेडकराइट हैं और जिन्होंने विपसना की है, बिना विपसना के और गहन विपसना के और बिना अम्बेडकराइट हुए उनको फिल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर लोग भक्त बन चुके हैं और जो भक्त बन जाता है उसको एक एक शब्द ऐसा लगता है कि जैसे वो ईश्वर ने और गॉड ने हमें दिया हुआ है और इसको बदलना नहीं है, वो तो 3 बार बुद्ध की मूर्ति के आगे झुकता है और 5 मोमबत्ती जलाता है, वो चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब ने 16 वॉल्यूम दिया था कि ताकि कुछ लोग अच्छे निकलेंगे जो अम्बेडकराइट होंगे, वो पाली जानेंगे और वो आगे सीखेंगे तो इसको फिल्टर करेंगे। अभी बहुत लोग लगे पड़े हैं और वो हो रहा है। सुधीर सर जी, मतलब मुझे अब बहुत ज्यादा जो दर्शनात्मक विवरण या किसी और चीज से मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ वर्तमान इस एरा में कि आखिर बुद्ध अटेन क्या करना चाहते थे, किस वैल्यू को अटेन करना चाहते थे। राजत्व था, राजत्व को मेस्मराइज करके या उसको खो के वो भिक्खू हो गए। अब आज की डेट में हम भिक्खू हैं तो हम राजत्व की तरफ, तो इसका बुद्ध धर्म का और आरक्षण का क्या रिलेशन है, बुद्ध धर्म का राजसत्ता से क्या संबंध है, बुद्ध धर्म का भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या संबंध है, थोड़ा सा इसको और क्लियर करिए कि जो बुद्ध की बात बार बार आप करते हैं इतना ही अंतर गुम्फित हो गया है जीवन के दर्शन में। भाई जब हमको बुद्धत्व प्राप्त करना है तो हम ये मोह माया छोड़ दें, अपने लोगों से कह दें कि भैया राजकाज छोड़ो और 2 रोटी की व्यवस्था करो, मजदूरी करो, जिस व्यवस्था में रह रहे हो यथास्थिति बात के शिकार हो जाओ। मैं आपका समझ गया प्रसन्न, आप इतना ज्यादा करते हो तो या तो आप भाषण दे लिया करो तो फिर प्रसन्न पूछा करो। प्रसन्न नहीं 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 नहीं, आपको समझ गया भाई, समझ गया। आप जैसे व्यक्ति के साथ मैं जरूर चाहता हूँ कि ये संघर्षों तो कहीं कुछ चीजें एस्टेब्लिश हो जाए। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी लोगों ने इसको बना दिया है। नहीं नहीं, बात इसलिए भी है कि कारण क्या है ना, कभी कभी व्यक्ति जो बुद्ध धर्म के पद पर होता है ना तो इसका मोटिव वो कहाँ स्थापित करना चाहता है वो वही व्यक्ति जानता है। और मानव शरीर की विशेषता ये कि किसी के मन में किसी दूसरे का मन नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे के मन में मन होता तो बुद्ध बहुत शॉर्ट में सिमट गए होते। तो मन में मन रखने की बात जो है उस बात से शुरू करिएगा। मुझे ये बताइएगा कि बुद्ध जीवन के किस दर्शन को स्थापित करना चाहते थे, दुख से निवारण करने के लिए इतनी लंबी फिलोसफी जो आम आदमी के बस से बाहर की बात है, उस पर कुछ सरलीकरण करिए। आज का डाइवर्ट कर दिया, सारा सारा जो उद्देश्य था सारा डाइवर्ट हो गया। देखो ऐसा है, क्या बोलते हैं अतुल साक्य जी, कि बुद्ध का जो पूरा सिस्टम है वो सिर्फ एक चीज पे है और वो ये है कि उनको सुख चाहिए। और किसको सुख नहीं चाहिए वो पूछते हैं, और निर्वाण को वो परम सुखम बोलते हैं। तो यहाँ हम जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि हम बुद्ध को सिर्फ एक तरफ सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि बुद्ध भिक्खुओं में है और निर्वाण प्राप्त करके जो सुखंग है, वो जो उससे सुख प्राप्त किया है वो सुख में है और वही बुद्ध है। जब बुद्ध को ये नहीं देखते कि बुद्ध ने राजा में भी काम किया है, बुद्ध ने प्रजा में भी काम किया है, बुद्ध ने गरीब लोगों में भी काम किया है, बुद्ध ने बुढ़िया को भी सिखाया है, बुद्ध ने बच्चे को भी सिखाया है, बुद्ध ने अपने बेटे को भी सिखाया है, बुद्ध ने जो भी सीखने वाले लोग उनको सिखाया है और सबको सुख का मार्ग दिया है और सबको उन्होंने सुख सीखने के तरीके बताए हैं। जिसकी जितनी समझ है उसको उतना बताया है। उपासक और उपासिका जो निर्वाण प्राप्त नहीं करना चाहते या निर्वाण प्राप्त करने लायक नहीं है या वो मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने बहुत सिंपल सा, और अधिकतर लोग उन्हीं की संख्या है, उनको कहा है तुमने जो 5 परसेप्ट हैं, 5 सीलें उनको प्राप्त करना है। अब 5 सील से कोई बुद्धत्व या बुद्धत्व या राजत्व या बुद्ध धर्म नहीं आता है। 5 सील प्राप्त करने से सुख आता है, क्योंकि जो 5 सील हैं अगर कोई व्यक्ति उनको मान लेता है, और सारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने वो सील ही बताए हैं। किसी ने जो यरूशलम के अंदर 10 कमांडमेंट है उनमें 5 सील हैं, बाकी 5 उन्होंने कुछ और बातें ले रखी हैं। तो 5 सील जो भी प्राप्त कर लेगा, जो भी उन्हें मान लेगा, जो उनकी प्रैक्टिस कर लेगा, वो सुख प्राप्त कर लेगा जो बुद्ध ने सुख प्राप्त किया हुआ है, जो बाकी भिक्खुओं ने सुख प्राप्त किया हुआ है ग्रस्त रहते हुए भी कर लेगा। तो आप ये कहें कि भाई आप, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं कहते कि आप यहाँ चीवर पहने और यहाँ गंजा हो जाए और आप भिक्खु बन जाए, जिसको होना है वो जा सकता है, वो उसकी मुक्ति का मार्ग है, वो उसमें कर सकता है। मगर हम यहाँ ये कहते हैं कि आप अगर 5 बातें भी ये मान लेते हैं, 5 सील भी मान लेते हैं, तो आप परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्वाण के बराबर रास्ते में पहुंचना शुरू कर देंगे। आप निर्वाण को भूल जाइए, आप बुद्धत्व को भूल जाइए, आप भिक्खु को भूल जाइए,
आप सिर्फ चोरी बंद कर दीजिए, आप हत्या बंद कर दीजिए, आप व्यभिचार बंद कर दीजिए, आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप नशा पता शराब बंद कर दीजिए, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा और आज से और अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। सोच के देख लीजिए, अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। चलने की तो बात बहुत दूर की है। तो इसलिए हम यहाँ जो बात करते हैं और जो बुद्ध को हम कोट करते हैं बार बार, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बुद्ध के समय में सभी लोग सुखी हो गए थे, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो प्रजा है, चाहे वो वो है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कैसा भी है। तो वो सुख का रास्ता है, उसको इतना चढ़ा बढ़ा के बताते हैं लोग, क्योंकि खत्म करना है ना बुद्ध को, तो कहते हैं अरे भाई तुम बुद्धिस्ट हो क्या? तो कहते हैं जी हाँ जी, हम बुद्ध की फिलॉसफी मानते हैं। कहते तुम गंजे तो हो नहीं भाई, तुमने ऐसे कपड़े तो पहने नहीं है। तो बुद्ध के तो समय 50,000 तो भिक्खु थे सारे सारे, बाकी तो सब पड़ जाती, बाकी तो जनता थी। अगर सारे भिक्खु बन जाते तो रोटी को खिलाता। भाई साहब कंफ्यूजन ये है कि सबकी जो सुख की अवस्था है ना, सुख का जो परसेप्शन है, या फिर आके बात फंसती है कि वो चाहते थे सभी सुखी हो जाए। अभी आपने कहा कि बहेलिया भी सुखी हो गया, चंडाल भी सुखी हो गया, राजा भी सुखी हो गया, व्यापारी भी सुखी हो गया, और वो फांसी देने वाला वो जो चंडाल था वो भी सुखी हो गया। तो ये कैसे सुख की अवस्था सब एक जैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये इसलिए प्राप्त कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके प्रिंसिपल्स को मानेंगे तो पा जाएंगे इसमें। परिहार साहब मैं बताता हूँ, वो भी बहुत सिंपल है। दरअसल बुद्ध तो बहुत सिंपल है परिहार सर। राजा का धर्म, व्यापारी का धर्म, आम जनता का धर्म और उपासक का धर्म, ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन में। व्यापारी तो चाहता है लाभ अधिकतम हो, आप सुनिए तो चाहता है कि लाभ अधिकतम है, वो लाभ आज वाली बात नहीं है। व्यापारी सुख और आनंद तो चाहता ही है ना, कर्म से है। पैसा किस लिए कमाना चाहता है? सुखी होने के लिए। देखिए सुख तो अंतिम है, सुख से आनंद, सुख को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा सर। देखिए ऐसा है, क्या बोलते हैं अतुल साक्य जी? जी सर। भैया जो सुख आता है, वो जो सुख है वो कहीं अलमारी में नहीं रखा हुआ है। जो सुख है वो किसी की दुकान पर नहीं मिलता। सुख कैसे आता है कि राजा का राजधर्म है और राजा ने अपना राजधर्म को 100% नियम से किया, तो वो उसका सुख का कारण है, ठीक है। और जो फांसी देने वाला है, उसका राजधर्म है कि उसको फांसी देनी है, उसने वो जबरदस्ती किसी को फांसी नहीं दे रहा है। राजा ने अपना धर्म निभाया, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की और उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि ये नियम है, अगर हत्या करेंगे तो राजदंड में फांसी है, और राजदंड ने राजा दे दिया, तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है। उसने तो नियम पहले बताया हुआ है, वो ऑलरेडी पास नियम है जो उसने लिया है, पूरे समाज ने उसको पास किया है, इसलिए राजा पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। राजा ने ऑर्डर पास कर दिया, अब उसको फांसी देने वाले ने कहा भाई मैं तो फांसी अपने मन से थोड़ी दे रहा हूं, मेरा काम है, राजदंड आया है, मैंने अपना काम पूरा किया है, तो उसमें उसका ब्लेम नहीं जाता है। कि जो लोग बिल्कुल सच्चे मन से अपना काम करते हैं, पूरा काम करते हैं, वो सुखी रहते हैं। दिक्कत वहां आती है जहां आप किसी की हत्या कर दें जबकि राजदंड ना हो, या आप कम तोलें, व्यापारी तो हैं मगर आप ज्यादा पैसा लें, आपने व्यापार करना तो जाहिर सी बात है कि आप लाए हैं ले जाए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे, इसी को व्यापार बोलते हैं, क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा तो लेंगे। मगर आपने उसको सर्विस ली और एक किलो की जगह आधा किलो पकड़ा दिया, अच्छे माल की जगह सड़ा हुआ माल पकड़ा दिया, झूठ बोल दिया, पैसा लेके खा गए। ये जो सिस्टम है इससे दुख आता है, व्यापार करने से दुख नहीं आता। आप दुनिया में कोई भी काम कीजिए, अगर वो मॉरिटी के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे और पांच सील के साथ करेंगे तो किसी काम में दुख नहीं है, वो सब नियम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कुछ काम करने के लिए मना कर दिया, कह रहे भाई ये काम ऐसे है कि अगर करोगे तो उसमें दुख आएगा, तो उन्होंने हथियार बेचने के लिए मना कर दिया, उन्होंने शराब और नशा बेचने के लिए मना कर दिया, उन्होंने क्या बोलते जीव हत्या के लिए मना कर दिया। अगर कोई मांस कहीं पड़ा हुआ है, यानी कि किसी शेर ने मांस खाया और आपने वो मांस उठा खा लिया, उसमें आपको दुख नहीं आएगा क्योंकि वो हत्या किसी और ने की है। अगर बाज मांस लेके जा रहा है आकाश में और वो गलती से उसकी चोंच से छूट जाता है, पंजे से छूट जाता है और वो आपकी थाली में गिर गया, तो उसका दुख नहीं आएगा। कहीं कोई हत्या किसी ने की है तो हत्या करने वाले पे दुख आएगा, और वो मांस अगर उनकी थाली में किसी ने डाल दिया तो उसका उनको दुख नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया है। तो ये पांच सील जो है ये बुद्ध की जान है, ये बुद्धत्व के या क्या धम्म की। जी भैया अभी आपने कहा जैसे मान लीजिए मांसाहार हमारे यहाँ वर्जित नहीं, अब हमारा पूरा मोहल्ला मांसाहार का आदि है, तो क्या ये पशु हत्या के लिए किसी को किसी के मोटिव का कारण नहीं बनता है कि वो हत्या करे? बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि जब आपको ये कह दिया गया कि आपको हत्या नहीं करनी है तो आप हत्या कर क्यों रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया में बुद्ध ने ये देखा है कि एक दूसरे का एक दूसरे भोजन है, जहां पर अन्न नहीं है वहां पर जीव एक दूसरे को खाएगा, वो नेचुरल नियम में आता है। जो जानवर हैं वो उतना ही शिकार करते हैं जितना उनके उस दिन के पर्याप्त है, वो ढेर नहीं लगाते। ढेर लगाना, इकट्ठा करना, राशि करना, जबरदस्ती मानना, बिना काम के मानना,
ये नियम में, ये पाप के नियम में आता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आपको खाने का सामान है और आप फिर भी हत्या कर रहे हैं। शेर अगर क्या बोलते हैं, 3 शिकार एक साथ करे और वो सड़ जाए तो वो उसके लिए पाप का कारण हो सकता है, हालांकि उसकी चेतना बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा चेतना मनुष्य के अंदर, वो भी जो स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर होती है। तो ये नियम बुद्ध ने बताए हैं, और बुद्ध ने वो नियम बिल्कुल परफेक्ट और नेचुरल बताए हैं, क्योंकि अगर बुद्ध ये कह देंगे कि जीव हत्या नहीं करनी है, तो जो लोग जहां साग नहीं सब्जी नहीं और जहां पे खाने का जो भोजन है वहां प्रकृति से जीवों से मिलता है तो वो लोग जिएंगे नहीं, तो वहां प्रकृति अपना काम करती है। उसके हिसाब से नियम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताए हैं। इसीलिए जो मुसलमान लोग हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नियम बनाया था कि चूंकि वहां पैदावार कम होती है और वहां पे खाना कम होता है, खजूरी पैदावार थी वहां पर मोस्टली, तो वहां जानवर छोटा खरपतवार लेके खाते थे तो उनको काट के खाया जाता था। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि भाई आप जानवर जब काटोगे, क्योंकि वो गार में जाके विपसना करते थे, वहां पे गार है, गार गुफा को बोलते हैं, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि भाई आप ना क्या बोलते हैं, मारने से पहले प्रेयर करोगे कि इस जीव को मुझे खाना मजबूरी है और मुझे माफ किया जाए, मैं इसको अपनी क्या बोलते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल जरूरत है, उसके लिए मैं इसकी हत्या कर रहा हूं। तो वो जीव भी इस प्रेयर में शामिल होता था और वो अपने आप को खुद सरेंडर करता था, क्योंकि उसकी चेतना बहुत कम है तो उसका पाप उसको नहीं लगता था। इसलिए धम्म के अंदर जो लेह लद्दाख के अंदर वहां पे खाना नहीं होता, तो वहां उन्होंने जो भिक्कु लोग हैं मांस काटने के लिए एक अलग से आदमी रखा हुआ है, और मोस्टली वो मुसलमान होता है, वो तो खुद भी नहीं काटते, मतलब वो प्रेयर के साथ भी नहीं काटते। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि उसका पाप ना लगे और फिर उसको क्या बोलते हैं, जो दंड मिलना है, जो दुख आना है, वो दुख ना आए। ये नियम नेचुरल नियम है जो बनाए गए हैं, और ये बड़े कमाल के नियम है। जब व्यक्ति इनमें जाता है, देखता है, और खासतौर से जब देख पाएगा, जब वो विपश्यना ध्यान करेगा। देखो हमने तो विपश्यना ध्यान से सीखा है, हम बता दें आपको, हम भी पहले आपकी तरह खूब प्रसन्न करते थे भाई, इतने प्रसन्न करते थे कि अच्छे अच्छे की बात डालो एक बार जी। हेलो, अरे लेकिन सुधीर भाई एक बार देख, क्या 10 दिन लगेंगे। बिल्कुल सही कही है, विपश्यना के बाद एक क्वेश्चन होते थे, 10 डेज का कोर्स कर लीजिए। अरे विपश्यना के बाद अगर इसी गली आना है लौट के, और इसी काल चक्र में मतलब हमें टाइम काटना है, व्यापार करना है, जो करना है वैसे करना है, मांस भी खाना है, व्यभिचार भी करना है, मतलब लिमिटेड फॉर्म में लिमिटेड टिकट मिला हुआ है, और लिमिटेड फॉर्म ये कि भैया आप 8 चीजों से बंधे हुए हो, और मतलब का जब हो कि किसी ने काट के रख दिया हो तो आप खा लीजिए भैया, मतलब ये कह सकते हैं कि हम बड़े कंप्रोमाइजर लोग हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, साके साहब सुनिए। और भी मजेदार बात ये है कि आजकल और भी तो कुछ करते हो, ये भी कर दो यार सर, यार सर प्लीज सर लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैंने ये देखा है कि अभी मैं पिछले कुछ 3-4 दिन दिल्ली में रहा, लेकिन काम में व्यस्तता थी, मैंने आपका भी एड्रेस एक बार पता किया अपने यहाँ सिंह साहब से, तो मैंने कहा ठीक है अगली बार हम लोग मिलेंगे। ये बताइए कि जो तमाम पूरे भारत में अभी छोटे मोटे संगठन एक चेतना की तरफ जा रहे हैं कि सबको साहब राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, पूरे भारत की मनोदशा है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, बहुत सारे धम्म भिक्खू लोग खड़े खड़े कोई समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है, कोई बीएसपी का प्रचार कर रहा है। अब ये बताइए ये जो चेतना वाले लोग हैं इनकी चेतना कहां मर गई है, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप ना आप ना एक बात कमाल में देखो, आप ना ये सोचते हो कि किसी ने चीवा ले लिया, भिक्कू बन गया, तो क्या उसकी चेतना की गारंटी है? चेतना का कोई लेवल पैमाना थोड़ी है, शरीर के ऊपर लगा हुआ है। और आप तो, आप तो पैंट शर्ट वाले, अरे सुधीर सर पैंट शर्ट वाले, उनकी चेतना की गारंटी क्या है? नहीं है वो, इसलिए उनका कर्म बताता है, क्योंकि बुद्ध ने एक बात स्पष्ट कही है कि जो सत्य है वो मैं जानता नहीं हूँ, मैं मार्ग में हूं, मैं सत्य के पास पहुंचा नहीं हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक पहुंचा सकता हूं, उसके आगे आप भी खोजो मैं भी खोजो। ये कैसे बता दिया आपको, तो हमने पढ़ा नहीं, कहां पढ़ लिया आपने? ये एक फाइनल वर्जन है बुद्ध का, टेढ़ी मेढ़ी खीर वाली कहानी बता दीजिए। नहीं सर टेढ़ी, अच्छा एक बात है, मैं कहूं तो आप कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी खीर है, अभी आप कहेंगे खीर से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं कहूंगा भौतिकतावादी दर्शन है, हमारे साथी बड़ा मजेदार बात करते हैं, प्रसंग तो पूरे धम्म का सुनाएंगे लेकिन सुनने के लिए 1 सेकंड तैयार नहीं होते हैं। अरे जब इसी भौतिकतावाद को सीमित मात्रा में अपनाना था, ये तो प्राणी एक गरीब आदमी भी किसान भी जानता है कि भैया उसको लोहे के हल चलाने से मिलेगा, तो ये बात अगर ना भी आती, अगर मैं ये कह दूं कि बुद्ध धम्म अस्तित्व में नहीं आता तो मानव सभ्यता खत्म हो जाती, या महावीर जैन नहीं आते तो मानव सभ्यता खत्म हो जाती, मत्स्य न्याय नहीं आता तो क्या प्रकृति खत्म हो जाती? मुझे लगता है ये नहीं होता, कुछ और फॉर्मेट होता तो एक लिमिटेड वर्जन में वर्तमान की सुधि ली जाए। और ये जितना भी हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा हमने पूरे भारत में देखा है कि जितनी एनर्जी हम हमारी डिप्रेस क्लास की इसमें खर्च हो रही है, धम्म धम्म धम्म, अब एक नए धम्म की तरफ आया जाए, एक बार कलिंग युद्ध हो उसके बाद धम्म की स्थापना होगी। सर कलिंग युद्ध के लिए साहब कोई तत्पर नहीं है,
अतुल जी, इसके लिए कोई भी तत्पर नहीं करता अपने आप को, बाकी तो चीजें ठीक है, लेकिन धम्म की स्थापना युद्ध के बाद ही होगी। इस बात पे मैं चाहता हूँ आप लोगों की दिशा दृष्टि। कलिंग युद्ध का परिणाम, कलिंग युद्ध का परिणाम भी तो यही रहा भैया, वो धर्म की तरफ वापस आया उसके बाद वो। हाँ भैया वही आना था, फिर कलिंग युद्ध की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं सर? सुधीर राज आज बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही रेज कर रहे हैं, आज बहुत सारे। अतुल जी, सर, सर अतुल जी, सर ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हो और क्यों और कैसे का जवाब आप दे सकते हो क्या? कोई भी क्वेश्चन हो, क्यों और कैसे, इसका जवाब है किसी के पास? मैं एक बात कहूंगा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों और कैसे का जवाब है कि किसी और, क्यों और कैसे का जवाब नहीं है, नहीं है किसी के पास? नहीं नहीं, साधारण सी बात अगर मैं कहूँ, अगर दर्शन को मानने के लिए व्यक्ति को इतना घूम के आना पड़े, इतनी एनर्जी लगानी पड़े और फिर से उसी औसत जीवन में आना पड़े, मध्यम मार्ग में आना पड़े, तो ये तो आम इंसान भी जानता है भैया कि हमें तो बड़ों से मार्ग बताया। अतुल साक्य जी, सर देखो एक आपको छोटी सी देख मड़ी कहानी सुनाता हूँ, वैसे तो मुझे हंसी आ रही है मगर मैं सुना देता हूँ आपको। एक बार बुद्ध से एक बंदा आया कि मुझे कुछ सीखना है, आप क्या सिखाते हो? मुझे सीखना है, मगर सीखने से पहले ना आप मेरे ये प्रश्न के सारे जवाब दो। और उसने बड़े सारे प्रश्न के जवाब, मतलब बड़े सारे प्रश्न बुद्ध से कर डाले। तो बुद्ध ने कहा कि काम कर भाई, तू ना पहले यहाँ बिहार में आ, तब 49 डेज का लगता था, 39 डेज का। उसने कहा, बुद्ध ने कहा कि तू पहले ये सीख जो मैं सिखा रहा हूँ, और जब तू ये सीख लेगा उसके बाद मैं तुझे सारे प्रश्न के जवाब दूंगा। तो वहां पे जो एक सीख चुका था वो कह रहा, अरे सुन बात भाई, जो पूछना पहले पूछ ले, जब तू सीख लेगा तो पूछने लायक बचेगा ही नहीं। तो भाई ऐसा है, आप पूछते रहो भाई, हम तो ये कहेंगे कि आप एक बार विपश्यना कर आओ, उसके बाद जब सवाल आपके आएंगे तो ये जितने लोग सब शिक्षा के आए सब बता देंगे। बात सर, बात ये है ना, बुद्ध पद को प्राप्त बहुत सारे हमारे समाज में कहना चाहते हैं तथा कथित घोषित अघोषित लोग हैं जो उस पदम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो मार्ग एक बार खुलता है एक बार बंद होता है, अब वहां कोई पहुंच नहीं सकता। अब सबसे बड़ी चीज है क्या ना, जैसे न्यूटन आपको कि वो मार्ग एक बार खुलते एक बार बंद होता है। अरे मैं बताता हूँ, देखिए न्यूटन के मार्ग से ग्रेविटी, अब इस जन्म में तो एक ही आदमी हो सकता है, दोबारा तो इन्वेंटर ना लगेगा ना उसका। फैराडे के मार्ग से फैराडे पैदा होंगे, ये बात बिल्कुल सच है। आप क्या है उसके पीछे टेलीकास्ट है। अरे एक मिनट सुनिए, सुनो ना, आप अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हो, किसी दूसरे ग्रह पर जाओगे वहां ग्रेविटी अलग है, किसी तीसरे ग्रह पर जाओगे वहां ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी अलग अलग तरह की होती है, बहुत सारी जगह तो क्या बोलते हैं ग्रेविटी इतनी कम है कि आदमी उड़ता ही रहता है, बैठ ही नहीं सकता। अब किस ग्रेविटी की बात आप करोगे? पहले बात अब तो जानकारी सुनो ना भाई, आपकी बात का आपसे जवाब दे रहा हूँ कि ग्रेविटी की बात करोगे तो हजार तरह की, इस यूनिवर्स में लाखों तरह की ग्रेविटियां हैं। पहली बात, एक न्यूटन की ग्रेविटी को भूल जाओ। दूसरा क्या है कि अर्थ के अंदर भी जो स्फेरिकल है उस पर ग्रेविटी अलग होती है, जो सेंटर है उस पर ग्रेविटी अलग होती है, जो सेंटर से लेके और स्फीयर के जो सेंटर है बीच में इक्वेटर है उसके बीच में जो ग्रेविटी है वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है घटती रहती है, ये तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं जानते हैं, चलो उसकी बीच आप बात छोड़ो। दूसरा यह है कि बुद्ध ने जो कहा है वो जब तक आप पूरा जानोगे नहीं तो बुद्ध को ऐसे ही इंटरप्रेट करते रहोगे उल्टा सीधा। बुद्ध ने यह कहा है कि मुझसे पहले भी बहुत बुद्ध हैं और मेरे बाद भी बहुत बुद्ध आएंगे, बुद्ध का रास्ता बंद नहीं होता, और जितने भी बुद्ध आएंगे वो सारी सारी जो खोज करेंगे वो स्टेप बाय यही होगी, और ये नेचुरल प्रोसेस है और इसी में सबको आना है, और यही प्रोसेस है, जो जो इस पर चलेगा वो उसके सेंटर भी है। अच्छा, हमने तो किया है और हमने तो ये देखा कि जितने लोगों ने किया उनके सेंटर जो बताए गए थे वही आते हैं, बेशक उनके मेहनत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं मगर जब वो पहुंचते हैं तो सेंटर सेम है, यानी उनके जो इंटरवल्स हैं वो सेम है। उससे हमें पता है कि जो बुद्ध कहते हैं वो इंटरवल्स जो आ रहे हैं उसमें लगातार लगातार वो इंटरवल आगे भी सेम होंगे। आगे की बात तो हम इसलिए नहीं कहते कि हम जहां तक गए वहीं तक की बात करेंगे, उसकी गारंटी हम क्यों लें? बुद्ध ने भी मना किया और हम भी क्यों लें? हम तो इतने समझदार तो हैं कि जो हमने अनुभव नहीं किया उसकी हम क्यों आपसे बकायत करेंगे। मगर यह है कि भाई आप बुद्ध को दरअसल किताबों में पढ़े हैं और खास तौर से जो लोगों ने सुनाया उससे पढ़े हैं, हम तो बुद्ध को झेल के आ रहे हैं, बुद्ध को अनुभव करके आ रहे हैं, बुद्ध को सीख के आ रहे हैं, बुद्ध को चख के आ रहे हैं, बुद्ध को हमने अपनी आंखों से देखा है, तो तब हमें पता चला। जब तक हमने विपश्यना नहीं की थी 2003 तक, आप यकीन मानना आपके तो प्रश्न कुछ नहीं है। मेरे तो इतने प्रश्न होते थे, इतने प्रश्न होते थे कि मुझे मेरे घर में तो मुझे जो क्या बोलते भगा देते थे कि अब ये फिर प्रश्न पूछेगा, अब इसको हटाओ यहाँ से, ये काम की बात नहीं करता। तो ये प्रश्न होना बहुत अच्छी बात है, मगर इसका एंड हमें तो वहां मिला, आपको कहीं और मिलता हो ढूंढ लेना भाई, बाकी आपके एंड अगर जब तक नहीं होंगे आप ऐसे ही परेशान रहोगे। नहीं, हमें तो आप ही को देख के ज्ञान प्राप्त हुआ। एक विपश्यना,
जैसे क्या हुआ धीर गंभीर समाज के जवाब थोड़ी देने वाला है। 1 सेकेंड अतुल जी, ये सुधीर जी, विपश्यना करने से चलो बुद्ध की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका मुझे तो साधारण व्यक्ति में कोई बेनिफिट नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम कहें कि बुद्धा की तरह तो जीवन ऐसा जी नहीं रहे, ना तो उनके गुस्से शांत हो रहे हैं, ना उनकी आलोचना करनी बंद हो रही है, ये सब चीजें अगर वो सभी की कुछ अधिकतर चीजें वो विपश्यना करने से पहले वाली भी आज ही लागू कर रहे हैं। देखो ऐसा है बहन जी, मैं सवाल आपका सवाल समझ गया, मैं जवाब देता हूं। मैडम विपश्यना करके जो आता है ना उसके विचारों में और आम आदमी विचारों में लगभग रात दिन का फर्क हो जाता है जी। अगर आप 10 दिन के संदीप गंगा जी वैसे नहीं समझेंगे, हमने प्रैक्टिकल देखा मैडम सारे के अंदर, मैम जौहरी मैम, जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन 8 गुना 10 गुना आ जाता है, ये व्यक्ति की खुद की मना स्थिति होती है, जिस व्यक्ति में ऊर्जा ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे सुधीर सर है, देखिए सुधीर सर ने विपश्यना की, सुधीर भी एक मिनट रुकिएगा, सुधीर सर ने विपश्यना की लेकिन विपश्यना के बाद भी गजब के स्टेट्समैन है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी कहीं भी दबी नहीं है और उस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यही बात बताता हूँ आपको, आपके पसंद का पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि आपका पसंद क्यों आया है, क्योंकि आप खुल के पसंद नहीं पूछ रही है, खुल के पूछेंगे तो बेहतर होता। शर्मिला बहन जी ये कहना चाहती हैं कि खुल के ही पूछा है, आपकी तरफ इशारा या किसी और की तरफ नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ विद पीपल के मंच से भी अलग देखे हैं, जो विद पीपल के मंच पे नहीं है लेकिन वो बाहर हैं, वो अभी तक वो लोग कभी इस मंच पे नहीं आए हैं, लेकिन उनकी भी हालत मैंने यही देखी कि वो कहते हैं मैंने विपश्यना करी विपश्यना करी। आपको आपको मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, सुनिए आप। देखिए पहली बात तो ये है कि विपश्यना एक रेगुलर प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस करना होता है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इसका रिजल्ट मजबूत आता है। कई लोग जो पहला शिविर करते हैं उसमें उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ता, कई लोगों को बहुत कुछ पल्ले पड़ जाता है, कई लोगों को कई शिविर करने पड़ते हैं, कई लोग दसवें शिविर करते हैं तब भी कुछ नहीं पल्ले पड़ता। अच्छा जो विपश्यना है वो दोधारी तलवार है, वो आपका गुस्सा बढ़ा भी सकती है और आपका गुस्सा खत्म भी कर सकती है, ये अलग बात है। मगर मेरा जैसा व्यक्ति, क्योंकि मैं धमकी वीडियो बनाता हूं और धमकी वीडियो बनाता हूं तो अच्छी तरह विपश्यना को जान के धम को जान के बनाता हूं और बहुत पोलैरिटी और बहुत अच्छी तरह से बनाता हूं, मगर जब मैं विदा पीपल में बैठता हूं तो मुझे संघ के प्रोटेक्शन की बात आती है, क्योंकि संघ का प्रोटेक्शन भी है और मुझे ये भी देखना होता है कि कौन व्यक्ति हमारे संघ में भेद लगा रहा है, कौन कर रहा है, तो वहां हमें कठोरता भी अपनानी पड़ती है। हम संघ में भेदक को संघ में तोड़, सुनिए ना, कोई हमारे कोई अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए और वो यहाँ के अंडरस्टैंड बोर्ड के हमारे सारे जितने भी लोग हैं उनके विचार को दूषित करे, उनके विचार में जहर डाले, या अपनी आइडियोलॉजी के लिए आए, या यहाँ धन कमाने के लिए आए, या यहाँ नेता बनने के लिए आए, या यहाँ संघ को साथ ले जाने के लिए आए, जो मैंने आज पूरा बताया था सारा, तो उस समय हम वहां अपना ये नहीं कर सकते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई विपश्यना सीखे तो करुणा मैत्री भाईचारा से बात करेंगे तो ले जाओ भैया इनका तो सब कुछ उठा के। मैं उस समय यहाँ मैं अंबेडकरवादी भी होता हूँ, आप सुनिए, मैं अंबेडकरवादी भी हूँ, तो अंबेडकरवादी होने के नाते और कठोरता, क्योंकि जो विपश्यना करने वाला होता है वो समझता है वो कठोर भी होता है, विपश्यना करने वाला बहुत कठोर भी होता है और वो कठोर डिसीजन लेने के लिए बहुत तैयार रहता है और मेंटली तैयार रहता है। सुधीर भैया, बड़े बड़े विपश्यना कराने वाले लोगों की सीडी सामने आ रही है। अच्छा, अभी एक अपने भंते जी मार्केट में चल रहे हैं, जो सबको विपश्यना कराते थे विदेश ले जाके मलेशिया और थाईलैंड, वो भी चल रहे हैं मार्केट में, बड़े लाइन में। अरे सर, पोस्टपोर्ट और रेगुलर में फर्क होता ना सर, एजुकेशन में वही फर्क है सर, विपश्यना करने में भी सर नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो इनमें पैदा हो रही है। नहीं नहीं, नेगेटिव एनर्जी है। देवदत्त पूरी विपश्यना अच्छी करके आया मगर वो क्या बोलते उसने और बाद में सड़ के मरा वो देवदत्त। शुरू हो गया क्या सभी को? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो देव जी जी शुरू हो गया क्या सभी लोग एक ही साथ बोल रहे हैं? सुधीर जी सर ये चल रहा है, विचार जीरो हो गए तो जीरो। बोलिए बोलिए कौन बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही सर। मैं हेनरी सर, एक मिनट। हाँ हेनरी आर के बोलिए। हाँ जी सर, अभी आपने एक जो मतलब बात कही कि बुद्ध जो करुणा मैत्री से बात नहीं बनती, तो उस टाइम आप अम्बेडकर बात का भी सहारा लेते हो, तो अंबेडकर बात का सहारा क्यों लेना पड़ा?
इसलिए कि बुद्ध ने ये कहा है कि बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से हिंसा करनी सिखाई है। बुद्ध बहुत बड़े हिंसक थे, लोग सोचते हैं कि बुद्ध हिंसक नहीं थे। बुद्ध बुराइयों के प्रति सबसे ज्यादा हिंसा करते थे और वो अपने पास कोई बुराई नहीं आने देते थे, बुराइयों को तो मार के काट के भगा देते थे। तो मैंने बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर से वो सीखा है कि डॉक्टर बोधिसत्व अम्बेडकर बोधिसत्व थे और वो बुद्ध के सबसे अच्छे अनुयायी थे। मैंने इसको रिसर्च किया और एक वीडियो भी बनाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर में एक भी कमी नहीं थी, उनको मॉरलिटी वो सारा पंचशील का पालन करते थे और वो सच में बोधिसत्व की जो उपाधि मिली है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो उनको वो बोधिसत्व इसलिए बाबा साहब का लिया कि बोधिसत्व होते हुए भी उन्होंने अपना काम पूरा किया और उन्होंने समाज की वेलफेयर के लिए जो कठोरता से नियम अपनाने थे, क्योंकि वो कई बार लोगों को छड़ी से भी मारते थे और जो उनके आते थे पैर छूते थे हाथ पैर छूते थे तो उनको छड़ी से मारते, भागो यहाँ से तुम क्या करते। उन्होंने अपना बर्थडे मनाने के लिए मना किया और वो संघवाद की तरफ बढ़ रहे थे और वो पूरी तरह से बोधिसत्व थे और जानते थे। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर से ये सीखे हैं कि जहां कठोर हमें डिसीजन लेना है सोसाइटी के लिए वहां हमें लेना चाहिए और जहां हमें धमकी बात करनी है वहां हमें बुद्ध की तरह नर्म और करुणामय होकर रहना चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहारा लिया कि कोई आदमी ये समझे कि भाई हमने बुद्ध की करुणामयता ही पकड़ी हुई है, हमने बाबा साहब की छड़ी भी पकड़ रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बुद्ध का ज्ञान या अम्बेडकर का ज्ञान दोनों को मिला लिए तो फिर भी अब हम संपूर्ण नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं परिस्थितियों के हिसाब से हमें फिर बदलना पड़ेगा। अगर इसमें जरूरत पड़ी कांशीराम की तो कांशीराम जी ने बोला था बुलेट बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ी, तो क्या आप उससे भी सहमत हो? बिल्कुल सही बात है। आप एक मुझे बात बताइए कि बुद्ध ने 11 प्रकार का सत्तक दंड दिया है। सत्तक दंड जानते हैं? सत्तक पाली में बोलते हैं शस्त्र को यानी हथियार को, छुरी को, और दंड माने होता डंडा। ये नियम में लिखा हुआ है कि अगर मान लो आप, क्योंकि भिक्खु ने यह कहा था कि जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें जानवर वगैरह परेशान करते हैं और जानवर वगैरह परेशान करने के लिए हमको अलाउ करो कि हम उनको सत्तक दंड से दूर भगा सकें या उनको खत्म कर सकें। तो बुद्ध ने 11 प्रकार के सत्तक दंड अलाउ किए, वो नियम में है, वो लिखित में है। और बाबा साहब ने एक आपको संविधान दिया है जिसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर आपको आत्मरक्षा में किसी की हत्या करनी पड़े तो वो जायज है। कुछ स्पेशल कहना पड़ेगा क्या? सर मैं भी वही बात कह रहा हूँ, परिस्थितियां बदलती हैं तो इंसान को अपना ज्ञान बताओ कि आप इसमें मेरे मुंह से, मैं एक अतना सा आदमी हूँ, मैं बाबा साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं बुद्ध का बता रहा हूँ, अब इसमें फिर भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा या आपको खुलकर समझाना पड़ेगा, ये बताओ। नहीं नहीं सर, मैं आपका कोई परेशान नहीं कर रहा, आपके किंतु परंतु कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ अगर समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं तो उसका मतलब ज्ञान को बदल लेना चाहिए अपने आप। बाबा साहब ने साफ कहा है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर हत्या कर रहा है मारने आ रहा है और आप उसे अपनी सुरक्षा मार दोगे तो समय परिस्थिति के हिसाब से तो बोला है। बिल्कुल सर, परिस्थिति देखिए ना, बर्मा में जाके जो है, बर्मा में, हेलो हेनरी सर करिएगा, बर्मा में देखिए ना जो है रोहिंग्या मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो इसी परिस्थिति से जो है परिस्थिति क्रिएट हुई है और बदलना चाहिए बिल्कुल समय के साथ। अगर मनुष्य नहीं बदलेगा तो ये तो एक डार्विनवाद का भी नियम है कि जो है कि आपको अगर जीवित रहना है, आपको जो है परवरिश करना है तो आपको जो है समय के साथ बदलना पड़ेगा। मतलब वही हो गया कि कोई भी जो थ्योरी है वो तैयार किया जा रहा है, जो संघ तैयार हो रहा है बदलने के लिए, जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये वही परिस्थिति बदलने के लिए किया जा रहा है। ठीक है सर जी, बहुत सुंदर। मतलब कोई भी परिस्थिति जो है वो उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। कोई भी जो ज्ञान है, लोगों ने कहा कि आप खाना मत खाइए, आपको बोधि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब बुद्ध मरने लगे तो बुद्ध को समझ में आया कि अगर मैं मर गया तो ज्ञान किसको प्राप्त होगा, तो उन्होंने खाना खाया और उन्होंने खाना केवल ना केवल खाना खाया, उन्होंने खाना इकट्ठा भी करके रखा अपने पास में। और उस पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो उनके पास में पूरे फल फ्रूट इकट्ठे थे जो उन्होंने वहां बैठ के इकट्ठे कर लिए थे। तो उन्होंने अपने शरीर को प्रशस्त किया, स्वस्थ शरीर ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर ये क्या बोलते हैं अतुल साक्य जी, ये कहे कि किसी मरीज को मैं आज पढ़ाऊंगा और आयुष बनाऊंगा, जिंदगी नहीं बना सकते, चाहे उसे दिन रात पढ़ाए तो ज्ञान जी, वो तो जब तक वो 2 लाख फीस नहीं देगा तब तक बन ही नहीं सकता। फीस देनी है उसको। इसलिए क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है सर, सुख का मार्ग है। नहीं तब पैसा पैसा सब कुछ नहीं है साहब। अरे सर कट गए सर, मैंने ये देखा है पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे वाले का सभी सुखी है क्या? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि पैसा जिनके पास पैसा है सभी सुखी है क्या? सुधीर साहब ने कई बार बोला है, ये बार बार ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं आप बौद्ध धर्म और खुद आपने शब्द यूज किया नेचुरल प्रकृति धर्म, ये प्रकृति का नियम है, धर्म को प्रकृति का नियम समझिए आप।
अब सर किसी एक व्यक्ति के अनुभव को प्रकृति का नियम नहीं कह सकते ना। किसी एक एम्पिरिकल देखे खटके सर एम्पिरिकल सर बौद्ध धर्म नहीं बढ़ने का कारण यही है कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म नहीं है प्रकृति का नियम है जी जी धर्म प्रकृति है। मैं आपको मैंने आपको कल ही एक वीडियो भेजा आपने देखा नहीं है। नहीं नहीं आप बिल्कुल सही लेकिन पर्सनल स्टेम है। नहीं नहीं आप वीडियो भेज नियम है बौद्ध धर्म इसलिए नहीं बढ़ पाया इंडिया में उसको बौद्ध धर्म करके बोला गया प्रकृति का नियम है साहब। नहीं नहीं ठीक है मैं आपकी बात बाबूजी मानता हूँ मैं मानता हूँ कि आपकी बात मानता हूँ। आप देखिए बुद्ध ने पहली बात कही है या तो ये बात झूठ कही है या दूसरी वाली आप वाली झूठ कही है कोई सर, तो बात झूठ सर, सर पहली आप बात जाने को तैयार नहीं है उन्होंने बोला आपको अच्छा लगे तो मानो वरना मत मानो अब ये बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं मैं अरे बुद्ध ने पूछ रहा है ये फालतू की बात करके आप अपना आज की स्थिति ये है आज आज इतने ज्ञानवान हो गए जो बुद्ध को भी झूठा बता रहा है बाबा साहब को भी झूठा बता रहा है इतने ज्ञानवान हो गए आज हम। नहीं नहीं कोई ज्ञानवान नहीं होंगे आज हम इतना ज्ञानवान हो गए बाबा साहब को भी झूठा पूछ रहा हूँ झूठा बता रहा है दो चार परिचय कराने किसी के भेजेंगे टाइम किल कर रहे हैं टाइम किल कर रहे हैं इनको ये एक बात बताइए टाइम किल कर रहे हैं आप हम जो पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ चार चार घंटे पहले मेरी बात नहीं है सब समाधान की बात भी पूछी जा रही है अपना अपना अहम मत छोड़ना कोई भी अपना अपना अहम मत छोड़ना कोई भी कोई छोड़ना नहीं आपको मालूम है मैत्री बुद्ध आने वाले है चेंजिंग है चेंज आने वाला चेंज आने वाला पहले बता दिया गया अब पूछेंगे मैत्री बुद्ध कौन है अब अपने दस दिन आपको आप कैसे भेजे हुए लगता है यहाँ पर हमारे बुद्ध चिल्लाने से हमारे बाबा साहब चिल्लाने से हमारे बच्चों की जिंदगी पर चलने वाले डॉक्टर नहीं रुकने वाले हैं आप ये भी समझ लीजिए ना अकेले से नहीं ऐसे हम लोग लड़ते रहे तो किसी काम अहम लड़ते रहे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। ये सुशील भगोरिया कौन है सुशील भगोरिया जी हाँ जी सुशील भगोरिया जी सुषमा प्रेम यादव ये तीन भाई आए अपना परिचय दें भैया सुशील जी नमस्कार सर जी मेरा नाम शिव कुमार भगोरिया है मैं दिल्ली में रहता हूँ मैं एमसीडी दिल्ली नगर निगम प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ 20 वर्ष हो गए मुझे अध्यापन कार्य करते हुए हमारे पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण भगोरिया जी समाज सेवी रहे हैं वे सदैव यही कहा करते थे कि शिक्षा का प्रचार करो उन्होंने बहुत रमेश भाई जी नमो बुद्धाय रमेश भाई महाराष्ट्र वाले भाई बहुत दिनों के बाद कुछ तबीयत नॉर्मल हुई है आज। हाँ सर मैं कल हाईकोर्ट में हमारे दोस्त है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है पुलिस हटौले साहब इनको देखिए इनके साथ जुड़ा हुआ मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। जय भीम नमस्कार जय भीम जय भीम भैया जय भीम बहुत सुंदर मेरे भाई बहुत सुंदर बहुत सुंदर थैंक यू सर कंटिन्यू कीजिए जी 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 जो नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो अपना परिचय भी दे दें राम प्रेम मीना राम प्रेम मीना भैया हम आपको देख रहे हैं आप अपना परिचय दीजिए राम प्रेम मीना प
प्रोजेक्ट क्यों नहीं खुलता भाई बच्चों, बताओ जरा, चालू नहीं हो रहा। एडमिट करते समय सुधीर राज सिंह जी मेरे उसके एरो के नीचे आ जाते हैं और वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है उससे। अरे भाई जुड़े हैं, जो जो भाई जुड़ते जा रहे हैं वो कृपया करके अपना परिचय भी दें तो ज्यादा अच्छा होगा। राम प्रेम मीना, माइक को अनम्यूट करिए भाई। राम प्रेम मीना जी, सभी भाई लोगों का स्वागत है आज की इस पहली तारीख को और 15 तारीख को हर महीने धर्म चर्चा का दिन होता है। आज विशेष रूप से धम्म की बात होगी। धम्म क्या है, कहते हैं धम्म का क्या महत्व है, राम प्रेम मीना जी भैया अपने को अनम्यूट करके अपना परिचय दीजिए। राम प्रेम जी आप अपना माइक खोलिए। राम प्रेम मीना भाई साहब माइक ऑन कीजिए अपना। सर हाँ जी सर, बताइए अपने बारे में। वर्तमान में ब्यारा में है सर, टैग वन पोस्ट पे। कौन सी जगह? ब्यारा। ब्यारा कहाँ पर है ये? ये अपना बारडोली पास में। बारडोली राजस्थान में ही है? नहीं सूरत में, गुजरात। कौन सी जगह? गुजरात में, गुजरात में। अच्छा थोड़ा वो परिचय बताइए ना, क्योंकि सारी जगह हमने भी नहीं देखी, सुनी सुनी है, नहीं पता लगता है। भैया अहमदाबाद को जानते हैं, राजकोट को जानते हैं, बड़ौदा को जानते हैं। हाँ जी जी। तो किधर पड़ता है आपका ये? अपने मुंबई वाली लाइन पे पड़ता है, सूरत से इधर ये नागपुर वाली लाइन पे। अच्छा सूरत, सूरत के पास है वो तो। हाँ, बड़ौदा से आगे पड़ता है। वापी? हाँ वापी तो आगे पड़ जाता है, इधर सूरत से भुसावल वाले लाइन पे पड़ता है सर। प्यारा ठीक ठीक ठीक। तो आप क्या थोड़ा और बताइए, करते क्या है? ये रेलवे एम्प्लॉई है ना सर, सेगमेंट पोस्ट पे। वेरी गुड। तो वो जाटव साहब जो सूरत वाले भाई, उन्होंने जोड़ा होगा ना आपको? जी जी जी, सुंदर लाल जी ने। वो बहुत मिशनरी भाई हैं, बहुत जोड़ने में लगे हैं, पूरे गुजरात को जोड़ने में लगे।
23 तारीख को संकल्प भूमि में हम लोग गए थे, वहां मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, तो आप जुड़े रहिए इस मुहिम के साथ, अपना परिचय करिए, दूसरे भाई लोगों को जानिए। जी जी, पूरा देश जो है यहाँ पर बैठता है, 20-22 राज्यों के लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। जी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके के भाई लोगों से हमारी जय भीम होगी, नमो बुद्धाय होगा, हम एक दूसरे को जानेंगे। तो ये लगभग 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है और ये परिवार निरंतर आगे प्रगति कर रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, दिन प्रतिदिन लोग नए नए भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। 23 साथी हो गए हैं। बुद्ध वंदना से कार्यक्रम शुरू होना है आज, क्योंकि धम्म चर्चा का दिन है और बुद्ध वंदना से पंचशील त्रिशरण पंचशील का गायन होगा। डॉक्टर लाल सिंह जी आएंगे तो हमारे बीच भिक्षु धम्म दीप जी भी मौजूद हैं। त्रिशरण और पंचशील तो भंते जी के द्वारा ही होगा। कोशिश ये की जाए कि जिस समय त्रिशरण और पंचशील होगा उस समय सभी भाई बहन अपने को म्यूट करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा दोहराने से डिस्टरबेंस होता है, शब्द स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं भंते जी से मेरा ये निवेदन होगा कि वो ही त्रिशरण और पंचशील देंगे और हम सब लोग मन से उसको ग्रहण करेंगे, शब्दों का प्रयोग कोई भी भाई बहन नहीं करेंगे, मन से उसका उच्चारण मन में करेंगे, बोलने में से डिस्टरबेंस होता है। डॉक्टर साहब जी, हम कोशिश करते हैं मिलाने के लिए, सारे साथी पढ़े लिखे हैं, जैसे प्रेयर नहीं करवाते थे, एक आदमी एक बच्चा बोलता था तो मैं एक्चुअल प्रेयर में आगे बोलता था, तो हम सारे कोशिश करें, घर में भी सुनाई देता है, हैं? तो सारे से अनुरोध करेंगे भाई जो है ना, सारे बोलने की कोशिश कर, देखते हैं कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो सारे बोलेंगे तो घर में बच्चे भी सुनेंगे कि पापा चाचा कौन क्या बोल रहा है, पापा क्या बोल रहे हैं। सहमति, मैं आपसे सहमत हूँ। जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कोशिश करेंगे भंते जी के साथ ले में ले, वो एक लाइन बोलेंगे, आधी लाइन बोलेंगे, आधी हम बोलेंगे, कोशिश करेंगे, कोई आगे पीछे होगी तो हम वहां चुप हो जाएंगे जी। और जो लाइन होगा उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी लोगों को चालू रहने दो, सब ज्वाइन हो जाएंगे तो आवाज का डिस्टर्बेंसेस होगा। 3-4 लोग आप लोग हैं वो कहो, बाकी के लोग हम म्यूट रहेंगे। नहीं, मेरा अनुरोध ये था, डिस्टर्बेंस से मत डरो, 4-5 मिनट का मामला है, अगर डिस्टर्ब भी होते तो होने दो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे हम प्रेयर पर स्कूल में प्रेयर करवाते थे 5वीं तक, तो एक बच्चा बोलता था उसके पीछे सारे बच्चे बोलते थे। अच्छा, घर में माहौल ऐसा प्रयास किया जा सकता है। ऐसा कोशिश करते, कोई बात नहीं। तो मेरा दूसरा साथी बैठे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कोई आगे पीछे हमारे बोलने में आते तो हम चुप हो जाए, थोड़ा सा आगे अपनी लय में ले, जैसे लेडीज मिलाती है जी, उसको गाना भी नहीं आता लेकिन उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है। तो हम ऐसा करें, जेंट्स का भी यही हाल है, सारे पढ़े लिखे समझदार है और हम करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, भंते जी से भी हम अनुमति ले लेंगे कि भी हम भंते जी एक लाइन छोटा छोटा शब्द बोलेंगे, हम छोटी छोटी बात बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे, क्योंकि ज्यादातर घरों में क्या हो रहा है कि अभी तक त्रिशील पंचशील का ही नहीं पता है। हाँ करमवीर जी, सर वेलकम सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, यार मुश्किल से कनेक्ट हुआ। आपकी नेट की प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब।
हो तो गया, चलिए मैं आपके साथ बार कर रहे थे। बंते जी आ गए? हाँ बंते जी आ गए है और अभी हमारे साथ में है। नहीं हम थोड़ा ज्यादा में कराएंगे, इतना इंट्रोडक्शन ले, हम जो त्रिशील पंचशील करवाएंगे थोड़े ज्यादा लोगों में करवाएंगे। इंट्रोडक्शन करा दीजिए शुरू। हाँ नहीं शुरू हो गया था, डॉक्टर यूवी सिंह जी ने शुरू कर दिया था। तो हमारे साथ साथी है कि ये भगोरिया जी, ये बीच में बोल रहे थे तो इनका बीच में रह गया था, तो सुनील भगोरिया जी, सुनील भगोरिया नाम समाज सेवी रहे, फिर राजस्थान जयपुर से जब आए थे दिल्ली में, छोटे ही आए थे दादाजी के साथ, यहाँ बिल्कुल झुग्गियों में रहा करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, कंस्ट्रक्शन का काम किया सारी, तो मेहनत करते करते ये कि हमारे लिए 3 मंजिल का मकान बनाया दिया उन्होंने, पर हमें पढ़ाया लिखा भी, स्वयं नहीं पढ़े लिखे थे, उन्होंने पूरे परिवार को पढ़ाया लिखाया। मैं अध्यापक बना उन्हीं के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, और सभी ऋषि मुनि गुरु और हमारे जो गुरुजन है। आपने, आपने धर्म अपनाया कि नहीं अभी? अभी अभी डॉक्टर साहब रुके रुके रुके, पहली बार आए हैं आप ही, रुकी है। हाँ सर मैं पहली बार आया हूँ सर, धर्मों में सभी में रुचि, हाँ हाँ सभी में रुचि रही है, अच्छी बातें सभी से सीखी है मैंने, सभी धर्मों से, क्योंकि अच्छाइयां सब में ही है, बुराइयां भी सब में है, और जो अच्छी चीजें वो सीखी है हमने, वही जान रहे हैं। भगोरिया जी ये बात थोड़ी आपको समझ में आएंगी, पहली बार आए हैं, ये पूरे देश के लोग नहीं विदेशों के लोग भी इसमें जोड़ने और जोड़ने का अभियान चल रहा है, इसमें एक इतना भाईचारा परिवार बन रहा है और ये परिवार इतना बड़ा हो चुका है, ये बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला हो गया। लगातार 4.5 महीने हो गए हम 8 बजे बैठते हैं, अभी जैसे मीटिंग शुरू हो रही थी फटाफट रोटी खा रहे थे, रोटी खा लो जल्दी खाना खा लो, ठीक है ना। और करवाइए आगे 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 करवाइए इंट्रोडक्शन, करमवीर जी और इंट्रोडक्शन कराइए, यूवी सिंह जी आगे, यूवी सिंह जी सवाल है अब। जी मैं जो साथी मुझे नजर आ रहे हैं, जिनसे मैं सभी से मैं कहूंगा कि एक एक मिनट में अपना नाम, अपना जिला और अपना स्टेट, बस 3 बातें फटाफट अगर नहीं सर, बस नहीं थोड़ा ठीक आराम से कराओ, आराम से जो आदमी आता है अभी आराम से, जैसे भगोरिया की बात बीच में रह गई, पहली बार साथी आया है तो बात पूरी हो ताकि वो हमारे साथ जुड़े, उसको पूरा पता लगे, ठीक है ना। एक एक नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया, पता ले लिया, तो आपके साथ कैसे जुड़ेगा वो, उसका अपना मन की बात थोड़ा कहने तो मेरा अनुरोध है। हाँ जी भगोरिया जी 1-2 मिनट में खत्म। हाँ जी बस पिताजी यही कहा करते थे कि भाई शिक्षा का प्रचार होना चाहिए समाज में, सभी पढ़े लिखे लोग हो, और मुख्य बात ये कि हमारे समाज के जब वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हैं, SC ST OBC है, मूल निवासी है, सबका मुख्य काम ये होना चाहिए कि भाई एक तो नशा छोड़े, शराब पान बीड़ी गुटखा जो भी है, सिगरेट वगैरह सब चीज छोड़े, तंबाकू कुछ भी है, परिवार में भी छोड़े और औरों से भी छुड़वाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है ये नशा। हम पढ़ लिख तो जाते हैं पर क्या होता है, कई पार्टी हुई चल भाई आज बोतल खोलो, आज ये लाओ आज वो लाओ, मीट मुर्गा मांस मच्छी सब छोड़ दिया जाए, वो हर एक धर्म में बताया गया उसको निषेध है। तो सबसे बड़ी बात है आज से हम जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, पुराने भी जो साथी हैं अभी से प्रण कर लें कि हमें इन चीजों को छोड़ देना है, हमारे परिवार में कहीं बनता है या कहीं जाता है सबका बहिष्कार करें। मेरे पिताजी क्या करते थे कि अगर आप नहीं खाते हैं तो मैं आपको उससे नहीं खिला सकता, आप मजबूत रहिए, ना आप शराब ना पान, यही संदेश जो उन्होंने दिया वही हम खाते हैं, वही मैं आगे भी बताता हूँ सभी को। जय भीम। हमारे बीच में वैसे तो ये 41 हमारे भाई बहन मौजूद हैं, मैं जिनके फोटो देख रहा हूँ, श्री चंदू सिंह जी आप कृपया करके बोल सकता हूँ। मैं बिजनौर यूपी से टीचर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री अशोक नील जी, अशोक सागर नील जी। डॉक्टर साहब चंदू जी बोल रहे थे बीच में, उसको छोड़ दिया। पहले उनका परिचय, सही बात, एक एक मिनट। हाँ चंदू जी बोल रहे थे बीच में, नाम ले लिया था लेकिन बीच में आप थोड़ा सा शायद आपको माइक की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ चंदू जी बोलिए। जी सर। हाँ नमो बुद्धाय सभी को, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय।
जी पहली बार ये आज पार्टिसिपेट किया सर हमने आज इस मीटिंग में। जी जी हाँ, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर धम्म की चर्चा होती होगी जैसा कि मैंने आज लिंक में पढ़ा था। और जी हाँ, और जो बौद्ध परिवार हैं वो बौद्ध परिवार या बौद्ध में भारत को बनाने के लिए जो मिशन बाबा साहेब का उसके लिए जो मतलब हम किस तरह से इस बौद्ध में भारत को बनाने के लिए जो हमारे एससी एसटी और जो ओबीसी वर्ग है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हम जो बनाएंगे तो इनमें से मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जनरल कास्ट के सब लोग हैं जैसे चौहान है या और मतलब जो अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो जातियां हैं, तो मतलब हमें जोड़ना तो इन्हीं से है, इनमें से ही हमको बनाना होगा जहां तक मेरा व्यवहार है। लेकिन एक कट्टरता मुझे नहीं लगता कि जो कट्टरता कि हाँ भाई सब चीज का पालन एकदम से नहीं कर पाएंगे सभी लोग, तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से हमको लाना होगा और उसे उसी से इस प्रकार से वो ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बस मेरी ये कहने की वो। चंदू जी थैंक यू। यहाँ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों का ही ग्रुप है, ये समन लोग हैं, यहाँ धर्म कार्य होता है और यहाँ कोई नेता नहीं है, सुनते रहिए आप पहली बार आए हैं वेलकम, ये आपको जो बातें करी है यहाँ कम से कम 20-22 राज्यों के लोग आते हैं और आप ये संघ है, कोई प्रधान नहीं है, सब बराबर है। आपने देख लिया होगा कि हम जो है ना यहाँ किसी की एक की लीडरशिप नहीं है, सब बराबर है। हाँ जी डॉक्टर साहब आगे चलिए। तो और जो नए साथी हैं ये एडवोकेट प्रेम माथुर जी हैं फरीदाबाद से, आप भी थोड़ा एक मिनट में बता दें, फरीदाबाद तो हो गया और बताएं एडवोकेट साहब हैं ये भी पता लग गया है, बताएं एडवोकेट साहब। सभी साथियों को मेरा जय भी मोह होता है, मेरा नाम जो प्रेम माथुर फरीदाबाद से और सेक्टर 12 फरीदाबाद को प्रैक्टिस करता हूँ और मैं धर्म के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर लाल सिंह जी हैं जिनके द्वारा मैंने विपश्यना 2016 में किया था और उससे अभी तक मेरे लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है और मैं सभी साथियों को कहूँगा कि एक बार लाइफ में विपश्यना जरूर करें जिससे कि आपके जो भी लाइफ में आप चाहते हैं जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे वो हेल्प ही करेगी विपश्यना और अपने शारीरिक और मानसिक रोग भी दूर करती है। धन्यवाद धन्यवाद। अशोक सागर जी हैं नील दीप करके हैं, आप भी भैया बताएं जल्दी। सभी को नमो बुद्धाय। मेरा नाम अशोक सागर, मैं लोनी विधानसभा गाजियाबाद से हूं और नील दीप एक संस्कार के माध्यम से सोशल वर्क करता हूं और मेरा प्रयास यही है कि मैं कुशल मिशनरी बनूं और 2 कोर्स मैंने विपश्यना के किए हैं और ये रास्ता पकड़कर हाथ पकड़कर दिखाने वाले मेरे आज के बुद्ध डॉक्टर लाल सिंह जी है, उनको पंचांग प्रणाम और सभी को पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। योगेंद्र भाई हापुड़ वाले आप भी एक मिनट में बताएं। योगेंद्र भाई योगेंद्र कुमार जी योगेंद्र कुमार जी शायद गढ़ वाले भाई साहब हैं, अनम्यूट करो भैया योगेंद्र। अच्छा रास्ते में है क्या कहीं। ये रेडमी से कौन है भैया, रेडमी REDMI भैया पूरा नाम लिखो ना, REDMI। ये फोन का नाम आ रहा है सर, आपके फोन का नाम आ रहा है, अपना नाम डालिएगा। हाँ अपना नाम डालें तो अच्छा रहेगा। रेडमी तो फोन का नाम है। हाँ हाँ ये अपना नाम डालेंगे तो अच्छा लगेगा, अपना अपना परिचय दीजिए भाई। थोड़ी दिक्कत होती है, 50 संख्या हमारी हो गई है, मैं चाहता हूं कि अब त्रिशरण पंचशील की शुरुआत होनी चाहिए। डॉक्टर लाल सिंह जी से निवेदन है कि वो भंते जी से याचना करें या मैं स्वयं करूं। डॉक्टर लाल सिंह जी 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 आप से याचना करेंगे आप और बाकी सभी मन मन में करेंगे। भंते जी आ गए हैं। हाँ भंते जी हमारे बीच में हैं, भिक्षु धम्मदीप जी हमारे बीच में हैं जी। स्टार जी ओ
का संग भन्ते त्रिष्णेन से पंचशीलं धम्मं याजामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयमपि ओकासहंग भन्ते त्रिष्णेन से पंचशीलं धम्मं याजामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयमपि ओकासहंग भन्ते त्रिष्णेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। आप लोग दोहराएंगे कि मुझे ही बोलना है? आप ही बोलेंगे भंते जी, हम सुनेंगे सिर्फ सभी। अच्छा जी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि चुरा मेरे मध्य पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि स पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्रमादेन संपादे भन्ते। पंते जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेट की प्रॉब्लम है, और कुछ बोलना क्या? हाँ, त्रिशरण और पंचशील के बाद धम्म चर्चा बोले तो डॉक्टर। हाँ पंते जी बोले, धम्म पंते जी बोले। हाँ अच्छा। हाँ जी, धम्म आज धम्म क्या है इसके विषय में थोड़ा आपका आपका थोड़ा अच्छा रहेगा, सभी लोगों को लाभ मिलेगा आपके द्वारा देशना होगी तो। हाँ जी जी भंते जी। बुद्ध ने उपासकों तो ये पंचशील दिया, उनके लिए तो यही धर्म है, तो इसको मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ, उदाहरण नहीं दूंगा। आज के 2500 वर्ष पहले हमारे देश का नाम भारत था, भारत नहीं था, जम्बूद्वीप था, और जम्बूद्वीप की यही भाषा थी पाली भाषा। तो इसी जम्बूद्वीप में बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध इसी भाषा में बोलते थे, सभी लोग इसी भाषा को समझते थे, लेकिन आज आप लोग इस भाषा को नहीं समझते हैं, इसलिए आपकी भाषा में बात करता हूँ। सबसे पहले जो भगवान ने जनसाधारण को जो शिक्षाएं दी, जो पांच, वो मैंने अभी दोहराई, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। इसका अर्थ होता है कि प्राणी मात्र की हिंसा करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
अब हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा लोगों ने अलग अलग ढंग से की है। किसी ने हर हत्या को हिंसा माना, किसी ने हर हत्या को हिंसा नहीं माना। जैसे पैरों से कितनी चीटियां कीड़े मकोड़े दबके चल के मरते रहते हैं, हमने मरना भी नहीं चाहते फिर भी मरते हैं, तो हत्या तो होती है लेकिन हिंसा नहीं कहते। इसी तरह से कभी कभी हम जानबूझ के मारते हैं फिर भी हिंसा नहीं कहते। जैसे आप मान लीजिए मिलिट्री में सर्विस करते हैं, आपकी ड्यूटी देश के बॉर्डर पे लगा दी गई देश की रक्षा के लिए, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान या चीन हम पे आक्रमण करता है तो बंदूक चलाता है तो आपको भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ेगी। जब आप जवाबी फायरिंग करेंगे तो दुश्मन मरेगा, हत्या तो होगी लेकिन हिंसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि कोई हम पर आक्रमण करता है तो फिर डट के मुकाबला करेंगे। ये बुद्ध की शिक्षाएं विवेक पर डिपेंड करती हैं, हालात परिस्थितियों को देख करके डिसीजन आपको लेना है। तो उपासकों के लिए ये शिक्षा दी है। आगे अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदम सुमाध्याम, अभी बोला था ना आपने, तो जो वस्तु आपने उत्पादन नहीं किया, जिस वस्तु को आपने बदले में कोई चीज नहीं दी, जिस वस्तु को आपने खरीदा भी नहीं, जो वस्तु आपको दान में भी प्राप्त नहीं हुई वो आपकी नहीं, और जो आपकी नहीं उसे किसी भी अनैतिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह बुद्ध की दूसरी शिक्षा है। कामेषु मिच्छाचारा से मतलब है कि हर इंसान को स्त्री हो चाहे पुरुष सबको चरित्रवान बनना चाहिए, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आगे मूसावादा बेरमणि सिक्खा पर समाधियां, इसका मतलब है कि हम अपनी वाणी से झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना बोलें। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैं पहले दिल्ली में रहता था, यमुना विहार वहां सभी रहते हैं, कोई नहीं रहता सभी। तो एक उपासक के यहाँ एक प्रोग्राम था बच्चे का नाम था, तो हम दिल्ली के बुलाया गया था, उपासकों को भी बुलाया था, अपने मित्रों स्टाफ के लोगों को कुछ अपने रिश्तेदार को पहले काम से बुलाया था। मैंने उस काम को किया, बच्चे का नामकरण किया, भोजन करा दिया, कोठी बड़ी थी, कुछ लोग चले गए कुछ लोग ठहरे, तो उनको एक कमरे में आसन दे दी, तो हम लोग विश्राम करने लगे। उसके बाद उनका खाना चला, इष्ट मित्रों का या दोस्तों का रिश्तेदारों का उनको खाना खिलाया गया। बाद में वो खास खास के लोग जिनके साथ में वो खाते पीते रहे होंगे, तो उनका खाना चला, टेबल है शराब की बोतल भी खोली गई, खाना परोसा गया और गिलास में शराब भी ली गई। पार्टी होती है वहां क्या होता है, खाना मार लेते हैं टुकड़ा और कभी घूंट मार लेते हैं और गप्पे हाँक रहते बातें करते रहते हैं। ऐसा ही प्रोग्राम उस दिन चल रहा था, काफी देर से खा रहे थे पी रहे थे, तो नशा स्वाभाविक है और ऐसे में खाना भी ज्यादा खाया जाता है क्योंकि गप्पे हाँकते रहते हैं, काफी टाइम खाने में लगता है, तो दारू का नशा शराब का नशा हो गया था। और इधर टेबल पे लगा हुआ खाना का कोई आइटम समाप्त हुआ तो बाबूजी ने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम था शीला, कि खाना दे जा। वो बिचारी उस समय रसोई घर में गरम गरम पूरी बना रही होगी, सो उसकी सास शीला की यानी बाबूजी की माँ प्लेट में रख कर के पूड़ियां कचौड़ी जो कुछ होगा खाना लेकर के टेबल पर पीछे रखने लगी।
बाबूजी पर नशा हो गया था, उस नशे में उन्होंने नहीं देखा कि मेरी पत्नी है कि मेरी माँ है, सब खींच के एक झापड़ मारा। हराम जादी इतनी देर लगा दी खाना लाने में बुढ़िया के। तब इसको थोड़ा कंक्लूड करिए कंक्लूड करिए और उठे संक्षिप्त में। तो बेटा कि ये सर आपकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं। तो इसीलिए भगवान ने इन नशीले पदार्थों को सेवन के लिए प्रतिबंध लगाया है कि जब आप अपनी माँ बेटी बहन को नहीं पहचान सकते तो ऐसे जहर को, ऐसी वस्तु को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान ने ये कंक्लूड करवाए। ये भी कंक्लूड करवाए। हाँ हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं भंते जी, कर रहे हैं। बंद कर रहे जी। हाँ आपको हिंदी में बताएं और आगे पूरा करें भंते जी। हाँ पंचशील पर भंते जी के द्वारा जो विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है, ये हमारे जीवन में परम आवश्यक है। अगर पंचशील का पालन हम नहीं कर पाते हैं तो हम धम्म के अनुसार आचरण कर नहीं पाते हैं और इसका नुकसान हमें अपने जीवन में होगा ही। तो जो भी भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए पंचशील जीवन और मौत का प्रश्न है। विशेषकर भंते जी ने जो नशे के द्वारा जो कितना कुप्रभाव हमारे जीवन पर आता है, उसकी उन्होंने जो विस्तार से व्याख्या की है, इसे हम सब भाई बहनों को अपने जहन में पूरी गंभीरता के साथ इसको उतारने की जरूरत है। मैं स्वयं आप सभी से ये मेरी करबद्ध निवेदन है कि जीवन में पांच शीलों का पालन बहुत सख्ताई से, बड़े कड़े नियम के अनुसार उसको करने की आवश्यकता है। अब गीता गौरैया जी आई हैं क्या देखना है? योगी जी गीता गौरैया जी हैं जी जी जी, उन्हें बुलाएं सर। हाँ गीता गौरैया जी को इनवाइट करें। हाँ जी लोक साहब नमो बुद्धाय। जय हाँ नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बोलिए बोलिए पंचशील के बारे में। हाँ जी जरूर, आपका स्वागत है गीता जी, आपका स्वागत है। हाँ जी डॉक्टर साहब, पंचशील के बारे में तो अभी भंते जी बारे में बताइए। आप बताइए, आप भी बताएं। अच्छा जी, हर भाई बहन जितना भी बोले उतना ही कम है। आपका विषय भी पूज्य भंते जी ने जो बताया वो बहुत स्पष्ट रूप से बताया, लेकिन आप भी बताएं। हाँ जी, जो पंचशील है वो पंचशील ये पांच जो अपने शील बताए हैं बुद्धिज्म में कि मैं पाणाति पाता वेर मणि शिक्षा पदम समाध्यामी, ये सब मैं पाली में बोलूं या हिंदी में बोलूं पांचों? हिंदी में समझाइए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ये कहते हैं कि मैं बिना कारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा या करूंगी, ये मैं ऐसी शिक्षा लेती हूँ या लेता हूँ। और अनादि दाना वेर मणि शिक्षा पदम समाध्यामी, मैं चोरी नहीं करूंगा या चोरी नहीं करूंगी, ऐसी मैं शिक्षा लेती हूँ या प्रण लेती हूँ। और काव्यसु मिथ्याचारा वेद मणि शिक्षा पदम समाध्यामी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी करूंगा बिना, मैं गलत चाल चलन का काम नहीं करूंगा कोई भी, अपनी जीवन में अच्छे चाल चलन पे रहूंगा और दूसरों को भी ये बात समझाने में सक्षम होने की कोशिश करूंगा, ये ऐसे मैं शपथ लेती हूँ। करूंगी भी है। हाँ जी करूंगी सर। हाँ जी करूंगा भी है, करूंगी भी। हाँ जी, मूसा वादा वेर मणि शिक्षा पदम समाध्यामी, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी शिक्षा मैं लेती हूँ, मैं प्रण लेती हूँ अपने जीवन में, इसे मैं अप्लाई करूंगी। और सूरा मेरा मज्जा पमा छाणा वेर मणि शिक्षा पदम समाध्यामी,
मैं कच्ची पक्की कोई शराब नहीं पीऊंगा, कोई नशा नहीं करूंगी या करूंगा, और हाँ जी ऐसा मैं अपने जीवन में संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। और जो ये अभी बंते जी ने बताया पांच सील, जब भी हम ये सब चीजें अपने जीवन में अगर अप्लाई करते हैं तो हमें इसका बहुत ही फायदा होता है, उसका कारण ये है क्योंकि हम स्वस्थ भी रहते हैं और अपने हमारे घर का जो पैसा है, जो अर्थ है हमारा, वो बचा रहता है, और हम गलत संगत में नहीं पड़ पाते, जुआ दारू ये सब अगर हम इससे दूर रहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि इससे हमारा सेहत और अर्थ दोनों बचा रहता है। और बुद्धिज्म एक ऐसा धम्म है, रास्ता है, वे है चलने का कि हम ये साइंस पे बेस्ड है, ना कि कोई पाखंड पे बेस्ड है। ये जैसे अब मैंने डॉक्टर साहब को ही सुना था, उससे ही मेरे को मेरे माइंड में ये बात क्लिक कर गई। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, जैसे H2O का फार्मूला, जबकि नौवीं में पढ़ा होगा ये, आठवीं नौवीं में, H2O मतलब दो मात्रा हाइड्रोजन और एक मात्रा ऑक्सीजन बनने से दोनों मिल जाएंगे तो पानी बनता है। तो ये वाला फार्मूला मेरे को इतना मेरे माइंड में कहीं क्लिक कर गया, मैंने कहा हम तो यू एम में बी एड करके आए, हमें ही हो रहे हैं यू ही अपनी एजुकेशन को बेकार कर रहे हैं। तो उस दिन से मैंने मेरे मन से जो मेरा डर था वो बिल्कुल ही निकल गया। तो ये H2O वाला फार्मूला मुझे इतना स्टिक लग गया, बस पूछो मत। ऐसे ही जैसे एक और फार्मूला मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, सबको वैसे पता है, पोटेशियम और ग्लिसरीन के दोनों के मिलने से अगर हवा चलती है तो आग लग जाती है। अगर हवा हम उसको दे दें हवा, तो वो पोटेशियम और ग्लिसरीन मिलने से आग लग जाती है। और जो ये पोंग, वैसे मैंने बोलना नहीं चाहिए, जो ये मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि भूतनी निकाल दी या मेरे में इतनी पावर है कि मैं आग बिना तिल्ली माचिस के आग लगा सकता हूँ, तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले ये बात कही है, जो आज तक भी साइंस जो ये बेस्ड है सब चीजें, तो हम किस चमत्कार की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे ये पंचशील है, और पंचशील पे से ही जो संविधान है ये बेस्ड पंचशील पे ही है, सॉरी बुद्धिज्म पे ही है। और पार्लियामेंट में भी मैं अंदर तो नहीं गई हूँ, लेकिन जो गए हैं वे बताते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की फोटो लगी हुई है, और जो पंच ये सारा बुद्धिज्म से लिया गया है। और दूसरी बात, जो ये निशान है गुलाब का फूल है, जो इन्होंने ले रखे है, जो दूसरी पार्टी में नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने सारा का सारा बुद्धिज्म रट रखा है, अपना पी रखा है बिल्कुल। उन्होंने देखो अपना निशान भी कमल का फूल बनाया है, और उन्होंने अपना जो हम अपने जो बनते भिक्षुओं का जो कलर था ये केसरी भगवा कलर, वो उन्होंने अपनाया है उसमें। तो ये सारा का सारा इन्होंने बिल्कुल, तो हमें इन चीजों की, जो हमारी चीजें हैं जो दूसरे अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है हम अपनी चीजों का हम अपने समाज में फैलाएं, लोगों को जागृत करें, और जितना ज्यादा हो सके हम बुद्ध की ओर चले। और बुद्ध हमका मुख्य उद्देश्य है मानव को दुख से मुक्त करना, समर्थ भारत बनाना है, तो हमें बुद्ध के पथ पर जाना ही होगा। अगर हमें बाबा साहब के, अगर हम सच में ही अम्बेडकर आइड अगर हम कहें सच्चे अर्थों में, हम तो हमें बुद्धिज्म अपनाना ही पड़ेगा, ये हमारी आज की नीड है, आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जब अभी हमारे मैं अपने घर की बात बताती हूँ, मेरी बिटिया की शादी थी, हमने बुद्धिज्म से की, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, हमने बुद्धिज्म से की। और मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बुद्धिज्म में जब से मैं आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो मैं तैरने लग रही हूँ, जैसे किसी गूंगे आदमी को मीठा खिला दे और उससे पूछो कि कैसा लग रहा है, कोई अच्छा सा स्वादिष्ट सा उसको व्यंजन या डिश खिला दो तो उससे पूछो कि भाई कैसा लग रहा है। तो बुद्धिज्म मेरे लिए ऐसा है, मैं डॉक्टर लाल सिंह साहब को मैं बार बार साधुवाद देती हूँ इस बात के लिए कि उनकी ये बात मुझे समझ आई। और मैं कई बार जब भी मुझे कोई बात समझ नहीं आती, मैं उनसे ये पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है, जैसे कई बार पाली भाषा में होता है तो उसका मुझे मतलब नहीं समझ आता, तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी हमारी माताएं बहनों को बुद्धिज्म जितना जल्दी ज्यादा समझ आएगा उतना ही अच्छा है, ताकि हम इस आडम्बरों से भारी बातों से बच के और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लगाएं और अपने साइंस बेस्ड जो जो हमारा दम है उस पे चलें। थैंक यू, आप सब ने मुझे मौका दिया बोलने के लिए।
कंचन वीर जी हैं क्या, आई हुई हैं कंचन वीर? कंचन वीर हो तो लिस्ट में है यूवी सिंह जी, कंचन वीर का नाम देखिए हो तो। हाँ कंचन वीर मैम, आप प्लीज अपना माइक खोलिए और अपना परिचय दीजिए। कंचन वीर मैम, डॉक्टर कंचन वीर, क्या हमारी बात सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है हमारे यहाँ। आवाज जा रही है, बारिश शुरू हुई तो लाइट गई हुई है। कोई नहीं, आप बोलिए, आवाज आ रही है। जी जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। जी कंचन वीर जी इतनी क्रांतिकारी महिला हैं, उन्होंने तो पूरे देश में दुनिया में महिलाओं को कितना एकत्रित किया है, कितना उनमें जोश भरा है, अज्ञानता से निकाला है, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। कितने अनाथ बच्चों को ये शिक्षा देने की व्यवस्था करती है, कितने बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए पैसों का इंतजाम करती है। मुझे भी कहती रहती है कभी कभी, उनका मदद करना है, उनका मदद करना है। तो इनका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, अज्ञानता को दूर करने में, भगवान बुद्ध के ज्ञान को, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और उनका स्वागत है। अपने विचार रखें कंचन जी। जी धन्यवाद पापा जी। कंचन वीर मैम, पहले अपना परिचय दीजिए। जी जी जी, कहाँ से हो, क्या करते हो, और उसके बाद बात कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं कंचन वीर यवतमाल, महाराष्ट्र में यवतमाल से हूँ, और यवतमाल में जो चोर खोपड़ी नाम का एक गांव है, उस छोटे से गांव से मैं एक किसान की बेटी हूँ, और हमें तो परवरिश हमारे चाचा चाचू ने दिए हैं, तो पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी पहले, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा पढ़ लिए तो आगे की पीढ़ी को हम अच्छी सी शिक्षा मिले, इसलिए हमने स्कूल खोले। 3 SC स्कूल चलाती हूँ मैं 80 बच्चों के लिए, और एक लड़कियों के लिए हॉस्टल भी चलाती हूँ। अभी शिक्षा का कार्य करते करते हम धम्म का भी कार्य करते आ रहे हैं, और जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग आगे आए और उन्हें विधवा परित्यक्ताएं महिला हैं तो वो अपना अच्छे से जीवन जिए, इसलिए हम एक अलग से व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार किया हमने, और उन महिलाओं को हम व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आर्थिक स्तर उनका ऊंचा हो, स्वाभिमान से जिए, इसके लिए हमने अभी तक 15-16 साल से कार्य कर रही हूँ। और जो बच्चे हैं उनके, तो उनको हम एडॉप्ट करके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उनकी हम फ्री में करते हैं, उनका खान पान, उनकी शिक्षा का खर्चा हम पूरा उठाते हैं। तो हमारे मिस्टर इसमें हमें पूरी तरह सहयोग करते हैं, कुछ मित्र परिवार भी हमें सहयोगी बने हैं इस काम में। और जो भी यवतमाल के जो समझो युवा वर्ग है, लड़कियां और लड़के, तो हमारी टीम ने आज तक पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित किए थे बहुत सारे, तो उसमें से 2300 लड़के लड़कियां अभी तक लग चुकी हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है आगे भी कि जिनको आगे नहीं आ पाते हैं तो उन लोगों को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं, शिक्षा में, शिक्षा के प्रवाह में लाते हैं। और नौकरियों की उनकी जानकारी नहीं होती है, गांव के बच्चों को जानकारी नहीं होती है क्योंकि वहां तक वो सुविधाएं पहुंचती नहीं, तो उन बच्चों को हम आगे लाकर उन्हें वो सुविधाएं देकर वो जीवन प्रवाह में आगे आए और अच्छा सा अपना जीवन बिताए, इसलिए मार्गदर्शन शिविर भी हम आयोजित करते रहते हैं। जैसे कि अभी तो हमारा एम है कि जो महिलाएं हैं, बचत गट की महिलाएं हैं तो उनको हम सामूहिक व्यवसाय के लिए अभी प्रोत्साहित करेंगे आगे चलकर। एक मैं प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ले आई हूँ जो कि क्रांतिवन बुद्धिज्म आरोग्य विहार केंद्र है, तो उसमें हम लोगों ने यही सब प्रावधान किया है कि जैसे कि लड़कियां जब शादी होकर आती है तो उन्हें संस्कार नहीं मिलते हैं कि बच्चों के ऊपर संस्कार कैसे किए जाए, अपने परिवार में कैसे रहे, क्योंकि मायके से निकल कर वो सीधा ससुराल में आती है तो माँ भी कुछ बताती नहीं है, तो इसलिए आगे चलकर हम इन ऐसे नवविवाहित युवकों के लिए हम प्रशिक्षण शुरू करना चाहते हैं, ताकि एक अच्छा बच्चा जीवन में आए, उनके जीवन में आए और परिवार भी उसे अच्छे से संस्कार दे सके। और जो भी धम्मा का प्रचार तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं गांव के हैं, गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो
हर हर सैटरडे संडे को सब लोग इकट्ठा आकर अगर पंचशील करे, बच्चों को लेकर आए और एक या दो रुपए या डोनेट करे, तो उनको दान धर्म करने की बचपन से ही आदत लगेगी, ताकि वो बड़े होकर दान देने में विश्वास कर पाएंगे, धम्म में विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है पढ़ते पढ़ते धम्म के पीछे, धम्म में बहुत पीछे रह गए हैं, उन्हें पंचशील तक नहीं आता है। तो बचपन से अगर बच्चों को यह संस्कार मिल जाए घर से ही, तो आगे चलकर वो धम्म की राह पर भी चलेंगे, अपने परिवार के माता पिता की सेवा भी ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं विश्व में सभी बच्चे पढ़ते तो है, बड़े भी होते हैं, लेकिन माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। तो ये ना हो, इसलिए ऐसे संस्कारों की जरूरत है, शिक्षा की भी जरूरत है। अभी आपने देखा है गांव-गांव में कि ये शासन ने पूरा शिक्षा का प्रावधान जो है 8वीं तक एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके मन से निकल गया कि स्टडी करनी चाहिए करके। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो वो बच्चे पढ़कर आगे निकल जाते हैं, गाँव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। पहले गाँव के बच्चे आगे रहते थे, शहर के उतने आगे नहीं आते थे, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हम दरिद्रता से हमें बाहर आना है, जब तक उस समस्या से जूझता नहीं इंसान, तब तक आगे बढ़ नहीं पाता। जब सुविधाएं पूरी होती है तो उसे दिक्कतें नहीं होती, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उसी में रहते हैं, उन्हें वही सुविधाएं अच्छी लगती हैं। तो गांव के जो बच्चे हैं उन लोगों को सुविधाएं मिले शिक्षा की, तो इसलिए हर राज्य में एक एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज का निर्माण होना चाहिए, ये हमें लगता है। तो इस जनवरी से हमने वही काम में अपना योगदान देना शुरू किया, अलग अलग विहारों में गए, बहुत सारी मीटिंग की हर राज्य में, बहुत सारे भिक्खुओं से बात की, अधिकारियों से बात की, ताकि वो इस कार्य में आगे बढ़े। क्योंकि धम्म के संस्कार के साथ साथ शिक्षा की भी जरूरत हमारे समाज को है। तो इसलिए जैसे सारनाथ में गए थे हम, चंदीमा भंते जी से मिले, संकिशा में गए, वहां पर सूर्य चंद्र बोध भैया है, वहां उपनंद भंते हैं, नागपुर में गए, वहां मेरठ के एक चंद्र कीर्ति भंते हैं, उनसे भी बात की इस बारे में, तो उन्हें ये बात हमारी सही लगी और वो काम में आगे बढ़ रहे हैं आज। तो उन्होंने जगह भी खरीद ली है और शासन के पास प्रस्ताव भी उन्होंने दे दिए हैं। हमने भी महाराष्ट्र में एक टीम बनाने की कोशिश की थी, मीटिंगें भी की, लेकिन उन्होंने फिर से हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया, तो हमें बहुत दुख हुआ उस बारे में, क्योंकि जगह भी देख ली थी हमने। तो हम रुके नहीं, फिर भी एक अकेला चलो रे हमने शुरू कर दिया है। तो हमने अभी एक उसको आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिवन बुद्धिज्म आरोग्य विहार केंद्र की स्थापना की, जिसमें हमारे देश के जो भी सैनिक है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके नाम से हम वृक्ष लगा रहे हैं, ताकि वो वृक्ष बड़े हो जाए तो उससे आय भी हो जाए और छांव भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए, और जो समझो वहां पे रहेंगे लोग, तो जो भिक्खु है जो वृद्ध भिक्खु हो जाते हैं, तो उनकी सुविधाओं में कठिनाइयां आती है, सेवा करने के लिए कोई होता नहीं है। तो बहुत सारे भिक्खुओं को हमने देखा कि वो आखिरी पल में यातनाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें, तो उनके लिए हम निवास व्यवस्था बनाने के लिए अभी शुरू कर रहे हैं। 19 नवम्बर से काम शुरू कर रहे हैं, उसका हम ईंट रखेंगे और तब से उसका काम शुरू करेंगे। और जो माता पिता है, कंचनवीर बहन जी, जी जी, आपका काम बहुत बड़ा है, आप यहाँ से जुड़े रहिए। पहली बार जुड़ी हो ना? हाँ, यवतमाल में आइए, हम साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत बहुत ही बढ़िया काम है आपका। और सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि कंचनवीर मैम का बहुत बड़ा काम है, हम सभी साथियों बोल सकता हूँ जी, बोले इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बिना तार के क्या चल सकती है, अपने लड़कियों को समझाइए। जी जी जी, बस इतना मेरा कहना था, मैं आई एम इंजीनियर जी। अब इसमें जुड़े रहिए मैम, कंचनवीर मैम। हाँ, जरूर सर। हम लोग बात करेंगे। जरूर आती हूँ। मैं 4 तारीख को आ रही हूँ आपको मिलने के लिए। साधुवाद कंचन जी, आपको साधुवाद जी, साधुवाद। आपने बहुत सारा मदद किए हैं सर जी, आपका धन्यवाद बहुत। बच्चा अभी नहीं, हमने जिस बच्चों को मदद के लिए भेजा था डॉक्टर साहब के पास, वो बच्चा अभी चीन में जा रहा है पीएचडी करने के लिए जी। यूवी सिंह जी, अब हमें आपको सहधम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। यूवी सिंह जी, बाबा साहब ने
धम के बारे में बताया, उसके बाद सधम क्या होता है उसके बारे में। यूवी सिंह जी जी जी, सभी भाई बहनों को मेरा निवेदन ये है कि जो आज ये जो धम्म चर्चा हो रही है, ये जो वाणी है, भगवान बुद्ध की वाणी है, ये बहुत दुर्लभ शब्द है, होते हैं। भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं वो बड़े दुर्लभ शब्द हैं, और उनको सुनना, उनको समझना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। मेरे वो भाई बहन जो पढ़ लिख करके विद्वान हो गए हैं लेकिन धम्म के वाणी को सुनने में परहेज करते हैं, धम्म के निकट आचरण नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए उचित बात नहीं है। हमारी विद्वता, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा आर्थिक शैक्षिक विकास, यदि ये धम्म से जुड़ा नहीं है तो इसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। धम्म हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, धम्म क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में धम्म को किस प्रकार से समझाया है, ये मैं आपको आगे वाले कुछ चंद मिनटों में मैं ये आपको बताना चाहूंगा। धम्म क्या है? जीवन को पवित्रता बनाए रखना धम्म है। ये जो हमारा जीवन है इसकी पवित्रता, पवित्रता क्या होती है? मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। ये जो मन है इसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष और मोह इसमें प्रवेश ना करने पाए। मन इतना नितांत निर्मल हो, मन में सिवाय करुणा और मैत्री के किसी भी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, हम ये जान सकें कि करुणा क्या होती है, मैत्री क्या होती है, चित्त नितांत निर्मल हो, इसे मन की पवित्रता कहा गया है। वाणी की पवित्रता, वाणी में असत्य का प्रयोग, अप्रिय वाणी का प्रयोग, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, ये जो हमारी वाणी है इसके जो पाप होते हैं वाणी के द्वारा, हम अनावश्यक बहुत बोलते हैं, अनचाहे शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, आवश्यकता नहीं है उन शब्दों को बोलने की फिर भी बोलते ही रहते हैं, नहीं समझ पाते कि आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द यदि ये अनावश्यक है तो ये वाणी का पाप है। अप्रिय शब्द, असत्य शब्द बोलने से पहले हमें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। एक एक शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, यह बोलने से पहले हमें जानने की जरूरत है। तो मन को पवित्रता से भरना है, वाणी को पवित्रता से भरना है, करुणा और मैत्री से भरना है, और शरीर के द्वारा ये जो हिंसा की हम बातें करते हैं, हम चोरी की जो बातें करते हैं, व्याभिचार की बातें करते हैं और नशे का जो काम करते हैं, ये शरीर का पाप होता है। तो धम्म क्या है? मन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है, वाणी की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है, और शरीर के द्वारा पवित्रता का आचरण करना धम्म है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म है
उसमें इन्होंने विस्तार से समझाया है। जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना धर्म है, निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, तृष्णा का त्याग धम्म है, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं, ये जो हमारा जीवन है प्रति क्षण बदल रहा है, जीवन में सुख आता है, जीवन में दुख आता है, सब कुछ प्रति क्षण बदल रहा है, हम सुख आता है तो नाचते हैं, दुख आता है तो रोते हैं, इसको समता में रखना भगवान बुद्ध की जो जय जो महामंगल सूत्र है उसमें उन्होंने जो समझाया है, फुट्टस्स लोक धम्मे ही चित्तम यस्सम ने कंपति अस्थोकम विरजम खेमम एतंग मंगल मुत्तमं, सुख दुख आते ही रहें जैसे दिन और रैन, तू क्यों खोए बाबरे अपने मन की चैन। तो हमें अनित्य बोध को समझना है, जीवन में प्रत्येक क्षण ये परिवर्तनशील है, इस अनित्य बोध को हमें महसूस करना है और अपने चित्त को समता में बनाए रखना है, ये भगवान बुद्ध का धम्म है। उन्होंने अधम्म के बारे में बताया, ये अधम्म क्या होता है, जहां उन्होंने धम्म की बात बताई वहां उन्होंने ये भी बताया कि अधम्म क्या होता है। तो जो प्रापर्त प्रकृति में विश्वास रखते हैं, सुपर नेचुरल शब्द का मेरे बड़े विद्वान साथी प्रयोग करते, सुपर नेचुरल क्या होता है, अरे सुपर नेचुरल में विश्वास रखना ये अधम्म है, ये धम्म नहीं है, परा प्रकृति में विश्वास रखना, सुपर नेचुरल में विश्वास रखना ये अधम्म कहा है। ईश्वर होता है, बहुत बड़े ईश्वरवादी हमारे भाई हैं, बड़े बड़े डॉक्टर ईश्वर के भक्त बने हैं, बुद्ध के अनुसार ईश्वर में विश्वास रखना भी अधम है। ईश्वर नाम की कोई कल्पना भगवान बुद्ध के धम्म में नहीं है, परा प्रकृति सुपर नेचुरल में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया है ये विश्वास रखना ये अधम है, आत्मा में विश्वास रखना अधम है, यज्ञ बलि कर्म करना अधर्म है, कल्पना आश्रित विश्वास अधम है, धम्म की पुस्तकों का केवल पढ़ना भी अधम है, और धम्म पुस्तकों को गलती की सीमा से परे मानना ये भी अधम है। तो धम्म क्या है, अधम्म क्या है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसमें उन्होंने इसको बहुत भली भांति समझाया है। आगे उन्होंने सधम्म की बात की है, सधम्म क्या होता है, इसमें उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है एक एक शब्द प्रज्ञावान होना बहुत जरूरी है, अगर प्रज्ञा नहीं है तो हम धम्म को सही तरीके से नहीं समझ सकते, प्रज्ञा का बड़ा महत्व होता है, प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति पर आधारित ज्ञान जो हम स्वयं अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उसको प्रज्ञा कहते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं के द्वारा मेहनत से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, उसी को प्रज्ञा कहा गया है। प्रज्ञा के साथ साथ हमें करुणा मैत्री इसका भी समायोजन साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रज्ञा के साथ अगर करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है
और हम शील का पालन अगर सही प्रकार से नहीं करते हैं तो ये धम्म में नहीं आता है। तो हम धम्म को समझें, हम अधम्म को समझें और हम सधम्म को समझें। मैं सार में जो सदाचार का हम जीवन जीते हैं यही धम्म होता है। सदाचार का जीवन जीने के लिए हमें अपने मन को वश में करने का अभ्यास करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना मन वश में हुए हम सदाचार का जीवन नहीं जी सकते। तो सदाचार का जीवन जीना, अपने मन को वश में करने का निरंतर प्रयास करना और मन को नितांत निर्मल बनाना, यानी शीलवान बने, समाधिवान बने और प्रज्ञावान बने, ये तीन तिपाई हैं धम्म की। इन तीन में आपको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, धम्म पर कोई बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल तीन लाइन भी यदि समझ में आ जाएं, तो हम अपने को धार्मिक कहने का साहस करेंगे। सदाचार का जीवन जीना धर्म है, अपने मन को वश में करने का प्रयास करना धम्म है और अपने मन को नितांत निर्मल बनाए रखने का प्रयास करना धम्म है। हम शीलवान बने, हम समाधिवान बने और हम प्रज्ञावान बने, ये धम्म के तीन भाग हैं। इन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कंक्लूड करो प्लीज, बहुत लंबा हो गया। उसमें 10 दिन में ये बात अच्छे तरीके से समझ में आती है। मेरा यहाँ बैठे सभी 116 भाई बहनों से निवेदन है कि अपने जीवन के 10 दिन विपश्यना के शिविर के लिए देना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है, तभी हम धम्म को सही प्रकार से समझ पाएंगे। धन्यवाद सर, मैं अपनी बात को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा। अब सुधीर जी को इनवाइट करेंगे। सुधीर जी क्या है अब